गुड आफ्टरनून एवरी वन हाव आर यू ऑल कैन यू हेयर मी एक बार मुझे प्लीज सब लोग चैच में बता दो वेदर ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी ऑर नॉट सो दैट वी कैन क्विकली गेट स्टार्टेड विद आर न्यू वन शॉट विद आर न्यू मैरेथन सेशन सो आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैरेथन सेशन होने वाला है आज का जो चैप्टर है मतलब वो लिटरली ये चैप्टर अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप इस चैप्टर की वेटेज एक बार जय मेन में देखो जय एडवांस में देखो गाइज यू विल बी लिटरली सरप्राइज भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से सो लेट मी इंट्रोड्यूस द चैप्टर टू यू आज हम करने वाले हैं कॉर्डिनेशन कंपाउंड और एक नए तरीके से हम कॉर्डिनेशन कंपाउंड की आज स्टडी करेंगे बट मैं बिफोर बिफोर यू नो आई स्टार्ट स्पीकिंग एक बार आप मुझे बस ये बता दो वेदर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ऑर नॉट लेट सी लेट सी ऑल ऑफ यू कैन हियर मी राइट ओके मैम आप कहाँ गए थे अरे हलो 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 अभी आ रही है आवाज़ आ रही है अभी आवाज़ आ रही है लैग तो नहीं है नाओ एवरी थिंग इज ओके अब बता दो लैग तो नहीं है एक बार दोबारा बता दो रिफ्रेश करो और वापस बता दो लैग तो नहीं है मैं दो बजे से कोशिश कर रही हूँ क्लास में लॉग इन करने की बट बारी बारी ये जो मेरा सिस्टम है जिस कैमरा में ये वीडियो कैप्चर हो रही है वो हैंग कर रहा था तो लिटरली तुम देखो मैंने अभी जस्ट मैसेज भी किया सपोर्ट में कि आई नीड हेल्प है ना ये देखो अभी अभी जस्ट मैंने मैसेज किया कि आई नीड हेल्प क्योंकि आज वो सिस्टम है वो नहीं चल रहा था मैं दो बजे से कोशिश कर रही थी सो so, इसीलिए आई एम सो सॉरी है ना बट नाउ आई थिंक सेटिंग वगैरह सब सही हो चुके हैं सो so अब की क्लास जो है बहुत ही स्मूथली चलने वाली है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे यह बताओ कि आज आपका बोर्ड का एग्जाम्स था इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैसा गया पेपर कैसा था पेपर अच्छा था पेपर एक मिनट यार तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि कोई साउंड नहीं है लेट मी चेक ऐसा तो मत बोलो वन सेकेंड वन सेकेंड हेलो हेलो आ तो रही है यार आवाज़ टाइम पास मैम आवाज़ नहीं आ रही आवाज़ नहीं आ रही <laughs> चलो ठीक है साउंड सही है सो so गाइज फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बच्चे मुझे जानते नहीं हैं जो बच्चे शायद पहली बार इस चैनल पर आए हैं गाइज माय नेम इज़ साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आई रुड़की विद मोर देन सेवन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैं अपने टीचिंग करियर की बात करूँ तो मुझे लगभग सात साल से ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए और अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो मैं खुद एक स्टेट टॉपर रही हूँ सी की खुद मैं एक आई आई टी रुड़की की स्टूडेंट रही हूँ आई हैड बीन अवॉर्डेड विद के वी पी वाई फेलोशिप ऑल्सो एंड इन लास्ट साल में मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है बहुत सारे मतलब प्राउडली आई कैन से दिस थिंग कि बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज आई और एन में हैं सो डेफिनेटली आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो विश्वास कर सकते हो एंड इस जर्नी में ये जो आपकी जेई की जर्नी है मेरा 100% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ YouTube पे वैसे तो देखो बहुत सारे यहाँ पर देखो YouTube पे वैसे तो बहुत सारे मैराथन uh, सेशन्स हैं बट आज जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैराथन होने वाला है मैं ये बोल सकती हूँ इट इज़ गोइंग टू बी सुपर डिफरेंट आज हम कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है आप एक बार जई मेन जई एडवांस के पेपर को एनालाइज करके देखो आपको लिटरली लगेगा इस चैप्टर से आपको जितना खौफ है ना उतने खौफ वाले क्वेश्चन इसमें आते नहीं हैं बस कुछ यू नो देर आर सर्टेन एक्सेप्शन्स जो बच्चों को पता नहीं होती हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं तो आज मैं आपको एक क्लीशे तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि जो आपके जेई के क्वेश्चन हैं वो मिनिमम टाइम में आप उनको बना सको ठीक है आज के सेशन के जो नोट्स हैं वो आपको टी डॉट एम ई स्लैश अन एकेडमी एटम्स ये अपना टेलीग्राम चैनल है अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया यू कैन डेफिनेटली डू दिस इस चैनल पर मैं आज के जो नोट्स होंगे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगी इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक है ना बाउंस बैक सीरीज को फॉलो नहीं किया है गाइज यू आर मिसिंग अ लॉट इस चैनल पे वी स्टार्टेड विद दिस बाउंस बैक सीरीज जहाँ पर हर चैप्टर के हमने आपको वन शॉट्स कराए हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी इनऑर्गेनिक का सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये उसके बाद हम फिजिकल स्टार्ट करने वाले हैं सो so, आप इस शीट को तो डेफिनेटली है ना आप ये लिंक को टाइप करो लाइव डेली डॉट मी स्लैश एटम्स और इस शीट को आपको बुक करके रखना है इसमें बाउंस बैक में हमने जितने भी सेशंस लिए हैं सबके वीडियो लेक्चर सबके नोट्स पी डी एफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके साथ साथ क्योंकि सी बी एस ई के एग्जाम्स चल रहे हैं एम सी क्यू सीरीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट करी थी एम सी क्यू सीरीज़ के भी सारे के सारे सेशंस आपको इस पर्टिकुलर शीट में मिल जाएंगे मेक श्योर sure हर बच्चा इस शीट को बुक मार्क करके रखे ठीक है एंड इन केस गाइज आप लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आना चाहते हो लेट मी टेल यू हमने रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया था जिसका नाम है रैपिड रिविज़न बैच नवम्बर में हमने इस बैच को स्टार्ट किया था और इस बैच में हम आपको सारे के सारे चैप्टर्स डिटेल में रिवाइज करा रहे हैं सो इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जेई की रिविजन है है ना वो अभी आपने स्टार्ट नहीं करी आप डेफिनेटली हम टीचर्स के साथ इन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो मैं आपकी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रही हूँ आशीष सर हैं ठीक है काशिफ़ आलम सर हैं हम तीन टीचर्स मिलाकर आपको पूरी आ... जो केमिस्ट्री है है ना उसमें आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश कर रहे हैं निशान सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं प्रवीण सर फिज़िक्स ले रहे हैं सो आई मीन वो होता है ना लास्ट लास्ट में अगर आपकी रिविजन स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपके पेपर में मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आते ही आते हैं तो ये लास्ट वो ग्रूमिंग सेशन्स चल रहे हैं ठीक है सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली इस प्लस के बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो इस प्लस के बैच को एनरोल कर सकते हो बट ये जो प्लस की क्लासेस हैं इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एनरोल करना चाहते हो इनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है ठीक है बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लस या फिर आइकॉनिक कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनको मैं आपको क्लास के लास्ट में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी बट आप एक बार डिसाइड कर लेना कि आपको कितने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन चाहिए जैसे अब कई बच्चे सिक्स मंथ्स का प्रेफर कर रहे हैं है ना कई बच्चे अभी भी ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन बहुत बच्चों को बेनिफिशियल है सो तो आप ये देख सकते हो जब आप ख़रीदो तो आप ये कोड यूज़ कर लेना साक्षी इससे आपको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो मिल जाएगा ठीक है चलो ओके okay, हाँ जी आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आज मेरे जो दूसरा लैपटॉप है है ना दो लैपटॉप होते हैं एक में तुम्हारे मैं चार्ज पढ़ती हूँ दूसरा लैपटॉप सामने है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है तो जो सामने वाला लैपटॉप है उसमें कुछ इशू था तो जैसे ही मैंने दो बजे आपकी क्लास लॉग इन करी तो वो सेटअप चला नहीं है ना इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया चलिए आज मैं आपको कराने वाली हूँ एकदम मतलब हम करेंगे धीमे धीमे गति से कोर्डिनेशन कंपाउंड अब मैं आपको एक बात बताती हूँ ठीक है एक डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन अगर आप बुक उठा के देखो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको डेफिनेशन सिखाई जाती है, कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जो मैं भी आपको सिखाऊंगी उसके बाद एक टॉपिक सिखाया जाता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेकेंड पार्ट यह आता है और जो थर्ड पार्ट आता है कई बुक्स में आइसोमेरिज्म से पहले नॉमिन क्लेचर कवर्ड होती है तो ये दो चीज़ें पहले कराई जाती है उसके बाद वी बी टी सी एफ टी है ना ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं तो बुक्स में इस तरीके का ट्रेंड दिया होता है इस तरीके से आपको कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉर्डिनेशन कंपाउंडस पढ़ाया जाता है बट मैं आपको आज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाने वाली हूँ उसमें मैं कुछ डिफरेंट मतलब ये जो है की है ये जो हम फॉलो करने वाले हैं है ना ये जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे हम थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ करेंगे बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर आपको मैं पहले समझा दूं उसके बाद आइसोमेरिज्म नॉमिन क्लेचर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सो so, चिंता मत करो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से सिखाऊंगी बस जो पैटर्न होगा चैप्टर को सिखाने का वो मेरा खुद का होगा ठीक है तो आप मुझ पर विश्वास रखना चार पांच घंटे का आज सेशन होगा बट उस चार पांच घंटे के सेशन में हम हर चीज कंप्लीट करेंगे सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग बस स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे ठीक है जहां पर आप लिखते हो के फोर एफ सी एन सिक्स कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स को आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं ठीक है थीके? जहां पर एक ये ब्रैकेट बना होता है है ना इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं ये मेटल को क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं बाहर वाले मेटल आइटम को क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी बट मैं आपको कॉर्डिनेशन कंपाउंड बताऊं उससे पहले एक छोटा सा टर्म है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट ठीक है ना ये कुछ कुछ डबल सॉल्ट ऐसे हैं जो अपने सिलेबस में हैं जेई में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको डबल सॉल्ट के बारे में बताती हूँ मान लो आपने दो सॉल्ट का मिक्सचर लिया उन दो सॉल्ट के मिक्सचर में जो कि एक कंपाउंड की तरह एक्ट कर रहा है उसको अगर आप पानी में डालते हो उसको अगर आप पानी में डालते हो तो वो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है सी ओ एम पी एल ई टी ई एल वाई अगर कोई कंपाउंड है ना पानी में डालने से पानी जो है उस कंपाउंड को सारा का सारा सारा का सारा तोड़ देता है कंप्लीटली आयनाइज कर देता है ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट आप आपको मैंने एक्सट्रैक्शन चैप्टर में सिखाया था कार्नेलाइट आप में से कोई बच्चा मुझे कार्नेलाइट का फॉर्मूला बता सकता है एक बार फटाफट से मैं चैट्स में चेक करती हूँ किन बच्चों को कार्नेलाइट का फॉर्मूला पता है जल्दी से बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट कार्नेलाइट हमने पढ़ा था मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन और पोटेशियम हिंट में देती जा रही हूं किसी को कार्नेलाइट का फॉर्मूला पता है नो नॉट क्रायोलाइट क्रायोलाइट से मिक्स नहीं करना वेरी गुड सो देर इज सम क्रेजी बॉय है ना जिसने कार्नेलाइट का बिल्कुल सही फॉर्मूला हमें बताया है के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू कार्नेलाइट होता है ये डबल सॉल्ट होता है ये दो सॉल्ट से मिक्स करके बना है जैसे के हो गया एम हो गया अब अगर मैंने इस कार्ने लाइट को पानी में डाला तो पानी में जा जाने के बाद ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ये के प्लस देगा सी एल माइनस देगा एम जी टू प्लस देगा सी एल माइनस देगा पानी देगा तो ऐसे सॉल्ट को ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट जो पानी में जाने के बाद हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो जाए मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देती हूं क्या आपने लैब्स में मोर सॉल्ट का नाम सुना है जल्दी से मुझे ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लिखवा रही हूं ये जेई मेन में पूछे हुए एग्जाम्पल हैं या तो आपको जेई मेन या फिर जेई एडवांस में ये एग्जाम्पल पूछे हुए मिलेंगे सो so दैट तभी मैं कोशिश कर रही हूं कि वो सारे फॉर्मूला जो आपको पेपर में पूछ रखे हैं वो हम यहां पर कवर कर लें। सबसे पहले मुझे बताओ मोर सॉल्ट का फॉर्मूला मोर सॉल्ट का formula. आया, आया, आया यस yes, यस yes, yes. अच्छा कार्नेलाइट की स्पेलिंग कार्नेलाइट होता है सी ए आर एन ए डबल एल आई e इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट का एग्जांपल है मोर सॉल्ट का फॉर्मूला वेरी गुड में वेरी गुड टाइट्रेशन में यूज करते हैं ठीक है टाइट्रेशन में यूज करते हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ मोर सोल्ट का फॉर्मूला एफ ई एसओ फोर एफ ओ फोर डॉट एन एच फोर ट्वाइस एसओ फोर याद आया एफ ई एसओ फोर डॉट एनएच फोर ट्वाइस एसओ फोर डॉट सिक्स एच टू ये किसका फॉर्मूला होता है मोर सोल्ट का ये कुछ कुछ ऐसे सोल्ट हैं जिनको आपको डेफिनेटली याद रखना है किसी बच्चे को एलम का फॉर्मूला याद है डू यू नो alums जनरल alum? कोई भी एक एलम का आप मुझे फॉर्मूला बता दो दिस इज also एन example ऑफ डबल सॉल्ट क्या कोई मुझे एलम का फार्मूला बताएगा एलम जो आप एलम्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो किसी बच्चे को एलम का फार्मूला पता है तो जल्दी से बताओ जल्दी 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 देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही करते हैं देखो अभी कई बच्चे चैट्स में लिख रहे हैं कि मैम आप हमसे मत पूछो बस बताते जाओ मैं आपको एक बात बताऊं ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है ना अगर मैं आपको एज थियोरी चैप्टर सब कुछ सिखा दूंगी तो आपके पास लास्ट में इतना कुछ हो जाएगा जो आपको याद रखना है इससे अच्छा होगा कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊं और आपसे बारी बारी बुलवाऊं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए तब आपको छे घंटे के सेशन के बाद काफी लाइट फील होगा कि काफी सारी चीजें मैम आज हमने सीख ली हैं और हमें याद भी हो गई हैं। नहीं तो मैं छे घंटे बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी आप काफी सारी चीजें सीख भी जाओगे बट लेटर ऑन आपको लगेगा कि यार चैप्टर में तो कितना कुछ याद करने का है, कुछ याद ही नहीं रह रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो थोड़ी सी मैंने कहा ना मैं आज थोड़ी से डिफरेंट स्ट्रैटेजी से चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ वेरी गुड सौरव जीरो जीरो फोर का एकदम बढ़िया आंसर आया ही सेंग मैम के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइज डॉट ट्वेंटी फोर एच टू बिल्कुल सही ये एक एलम है के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइज डॉट ट्वेंटी फोर एच टू दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एलम एलम्स बहुत सारी होती है आप यहाँ पर पोटेशियम एल्यूमिनियम को चेंज कर सकते हो एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम लगा सकते हो सो मेनी सॉल्व यू विल गेट ये सारे के सारे क्या हैं डबल सॉल्ट जब इनको आ, जब इनको पानी में डालोगे तो ये हंड्रेड परसेंट आयनाइज करेंगे क्या देंगे के प्लस एसओ फोर टू माइनस ए एल थ्री प्लस एसओ फोर टू माइनस सो ऑन तो इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं डबल सॉल्ट इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं डबल सॉल्ट कहने का मतलब कि ये जो कंपाउंड्स हैं पानी में डालने के बाद एक एक आयन हमें शो करते हैं मतलब इस कंपाउंड में जितने भी आयंस हैं इन सब की रिएक्शन हम पानी में जाने के बाद करवा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एलम को पानी में डाला और बी एसीएल टू के साथ रिएक्शन कर दी तो आपको पता है बी ए सी एल टू क्या करेगा सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बी एसओ फोर का व्हाइट प्रेसिपिडेट देगा मतलब एल जो भी हमारे डबल सॉल्ट होते हैं वो पानी में जाने के बाद सारे के सारे आयंस अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन शो कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट ठीक है अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में जाने के बाद 100% परसेंट आयनाइज नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल आपने एक आयन लिखा के फोर एफ ठीक है आपने एक आयन लिखा के फोर एफ अगर आप इसको पानी में डालोगे आपने इसको पानी में डाला तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आपके पास चार पोटेशियम आ जाएंगे एक पूरा का पूरा बड़ा एन आयन आएगा एफ ई सी एन सिक्स अब ये पानी में जाने के बाद एफ ई टू प्लस जो है वो अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन नहीं दे पाएगा सी एन माइनस जो है अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन नहीं दे पाएगा ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में जाने के बाद हंड्रेड परसेंट आयनाइज नहीं हो पाते ऐसे कंपाउंड जिनका हर आयन अपनी ओन रिएक्शन अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन क्यों बोलते हैं है? कुछ -कुछ, है? आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कॉर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था कुछ याद है कॉर्डिनेट बॉन्ड कॉर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था मान लो आपके पास एक बेस है लूइज बेस हो गया सपोज करो जैसे अमोनिया उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है है ना ल्यूस बेस कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और उसके सामने एक लूइस एसिड है एसिड एसिड कौन होता है फॉर एग्जाम्पल एच प्लस जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है तो जब अमोनिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लस को देता है तो हम कहते हैं कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है क्या ये बात समझ रहे हो सेम इसी तरीके से इन कंपाउंड्स में क्या होता है जो बीच में जो बीच में हमारा मेटल आयन होता है ना मेटल आयन इसको हम सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं जो बीच में मेटल आयन प्रेजेंट है जो इस के बीच में मेटल आयन इस इस को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं तो ये सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कौन इन इलेक्ट्रॉन्स को देता है ये जो सी एन माइनस बन गया ना ये जो ल्यूइ बेसिस है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आइन को देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इस कॉम्प्लेक्स मतलब इस कंपाउंड को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसीलिए इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या ये बात इतनी छोटी सी सिंपल सी बात सबको समझ आई है तो बताओ मुझे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है अब देखो होता क्या है ये जो ल्यूइ बेस है ये न्यूट्रल भी हो सकता है ये चार्ज स्पीशीज भी हो सकता है है ना ये जो ल्यूइस बेसिस हैं जो सेंट्रल मेटल आइन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं और इन्हीं ल्यूइस बेसिस को हम एक नया नाम देते हैं जिनको क्या बोलते हैं लीगेंट्स हम एक नया नाम देते हैं जिनको क्या बोलते हैं लीगेंट्स अब मुझे बताओ यहां तक सारी चीजें सबको अच्छे से समझ आ गई किसी को कोई प्रॉब्लम है ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कोई कोई भी दिक्कत है आज आज अगर मैं स्लाइड्स लगाऊंगी ना मतलब मैंने आज मेरे पास जो फाइल है उसमें स्लाइड्स हैं ठीक है सारी की सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं बट देन लॉजिक वही है अगर मैं ये सारी चीज़ें बहुत सारे आज हमने ना फॉर्मूला नए नए सॉल्व्स के बारे में कॉर्डिनेशन नंबर है ना आइसोमेरिज्म खूब सारी चीज़ें डिस्कस करनी है तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको पढ़ाने का बिल्कुल वैसे ही मजा आता है एज इफ मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रही हूँ ठीक है इसमें आप कोई ऐसे फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे खूब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं खूब अलग अलग एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसीलिए आई थॉट एक नए तरीके से आपकी क्लास ली जाए ठीक है जिसमें हर चीज में आप मुझे एग्जाम्पल्स देते जाओगे मैं वो सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस करती जाऊंगी यहां तक सबको समझ आ गया ठीक है अब एक नया टर्म यहाँ पर आएगा जिसको मैं बता देती हूँ इसको हम बोलते हैं सी ओ ओ R आर डी आई एन ए टी आई ओ एन नंबर भाई साहब ये एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरे चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सी एन ओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए डिफाइन करते हैं जो हमारा सेंट्रल सेंट्रल मेटल मेटल आयन आयन था था ना ये जो था, इसको शॉर्ट में सी भी लिख देती हूं। बुक्स में लिखा होता है सी है आई सेंट्रल मेटल आयन कंफ्यूज नहीं होना ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ठीक है ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये लीगेंड से कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आइन ये लोन पेयर को सर्कल कर लो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम सेंट्रल मेटल आइन कितने बॉन्ड बनाता ना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं मैं आज आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं आपको बोल रही हूं कि एक सेंट्रल मेटल आयन कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करता है एक सेंट्रल मेटल आइन कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करता है इसको हम बोलते हैं उस सेंट्रल मेटल आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक सेंट्रल मेटल आइन ने अगर दो लोन पेयर एक्सेप्ट करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू एक सेंट्रल मेटल आइन अगर तीन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री

लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ये नहीं कि सेंट्रल मेटल आइन कितने लीगेंड से अटैच है नो सेंट्रल मेटल आइन कितने लोन पेयर ले रहा है उसको बोलते हैं उस सेंट्रल मेटल आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहां से शुरू होता है एक नया तरीका अगर आप बुक्स में पढ़ो तो शायद इस तरीके से नहीं दे रखा बट मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स अभी से सिखाती जा रही हूं सो so, आज का टॉपिक का लिखो ट्रिक वन आज फर्स्ट ट्रिक का ये पेज है इस पूरे पेज में इतनी ट्रिक्स आप सीखोगे आगे आपको जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है है ना की क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है भाई साहब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो पहली ट्रिक देखो बहुत ही प्यारी है पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है लीगेंट क्या होते हैं ठीक है मैम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ एक एक करके समझते हैं ठीक है ऑफलाइन वाली फील आ रही है ना आज एकदम बढ़िया हाँ पता है इस चैप्टर को जब ऑफलाइन में जब मैंने पढ़ाया ना तो लिटरली ऐसे होता था कि बच्चों को क्लास के एंड तक याद हो जाता था अच्छा मैम कार्नेलाइट वो था वो एक डबल सॉल्ट था मोर सॉल्ट ये था तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना मेरे साथ आज चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा आज मतलब लिटरली तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल में जाके वो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हो या अपनी ट्यूशन या कोचिंग में जाके वो, वो बोर्ड पर पढ़ रहे हो वैसी फीलिंग आएगी देखना मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स सिखाती हूँ आपको चीज़ों से बहुत मतलब अच्छा लगेगा ध्यान से सुनो पहले कुछ ट्रिक्स और बाद में पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ क्लियर करूंगी ठीक है मैं थोड़ा सा ज्यूम करके चल रही हूं कि बच्चों ने कभी ना कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है थोड़ा सा ही चाहे बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं है बट आपको थोड़ा थोड़ा पता है कि जैसे लीगेंड क्या होता है अभी तो बताया था एक बच्चा पूछ रहा है मैम लीगेंट क्या होता है लीगेंड क्या होता है ये जो सेंट्रल मेटल आइन है ना ये जो आपने डब्बे में रखा है ना इसको किसी बाहर वाले ने आकर के इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को उसी को लीगेंड कहते हैं ये लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है ये लीगेंड चार्ज भी हो सकता है अब मेरी बात ध्यान से सुना ध्यान से देखो मान लो मैंने थ्री सीरीज के आयन्स लिए ध्यान से सुनना भाई साहब एक एक ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है अगर ट्रिक्स याद हो गई क्वेश्चन करने का अलग ही मजा आने वाला है अपने को पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक में अपने को ऐसे वो मतलब ईजी तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए बड़े ध्यान से देखो आपने थ्री सीरीज पढ़ी थी है ना मैंने आपको थ्री सीरीज सिखाई सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने अगर थ्री सीरीज के प्लस थ्री की बात करूं थ्री सीरीज के प्लस थ्री की बात करूं तो ये जनरली लोन पेयर खींचना चाहते हैं मतलब थ्री डी सीरीज के प्लस थ्री आइंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिक्स याद रखने का तरीका अगर चार्ज प्लस थ्री है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डबल कर दो छे वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा समझ गए इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आगे ध्यान से देखो अगर मैं बात करूं ठीक है ये तो थ्री डी सीरीज के प्लस थ्री के बारे में बात हो गई अगर मैं बात करूं प्लस टू वालों का ठीक है थ्री डी सीरीज के आयंस और अगर आयन पे चार्ज है प्लस टू तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब इनके चारों तरफ कितने लीगेंड आ सकते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है छह हो सकता है अपने सिलेबस में पांच वाले नहीं है बट चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है छे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इतनी बात सबको समझ आ गई इतनी बात सबको समझ आ गई कि अगर थ्री डी सीरीज पे प्लस थ्री चार्ज है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर छह मतलब फॉर एग्जांपल एफ पे प्लस थ्री चार्ज है तो जनरली अगर एफ पे प्लस थ्री चार्ज होगा तो वो छह लीगेंट को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा ठीक है मान लो अगर थ्री डी सीरीज पे प्लस टू चार्ज है तो वो अपने पास चार लोन पेयर को भी खींच सकता है पांच को भी खींच सकता है छह को भी खींच सकता है क्या है ये बात सबको समझ आई अब मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देती हूँ सपोज करो आपके पास ठीक है सपोज करो आपके पास निकल प्लस है ये कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखोगे चीजें मजा आ जाएंगी मान लो आपके पास निकल प्लस टू है ठीक है निकल प्लस टू है अब निकल प्लस टू में अगर पानी लोन पेयर देगा ठीक है या फिर अमोनिया अगर अपना लोन पेयर देगा निकल प्लस टू में अगर पानी आएगा या अमोनिया आएगा तो ये कितने लोन पेयर देंगे छे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा छ मैंने क्या कहा था प्लस टू वाले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है छह भी हो सकता है निकल के केस में अगर पानी या अमोनिया लोन पर देता है तो उनका कोऑर्डिनेशन निकल, के निकल टू प्लस के केस में, मैं बात करती हूं मान लो सी एन माइनस की ठीक है निकल प्लस टू के केस में मैंने लट से बात करी सी एन माइनस की या फिर मैंने बात करी सी एल माइनस की ठीक है तो अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ठीक है वो होगा फोर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा फोर हेलो, हेलो 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 गाइस कैन यू हियर मी आज सिस्टम हमें बहुत बार धोखा दे चुका है <laughs> मैम प्लीज कम मैम तो यहीं पे थी वहां पर मेरे सामने वाली स्क्रीन पे आ गया दैट योर वीडियो स्टॉप रिस्पॉन्डिंग कि वीडियो को मैं वापस ऑन करूँ और तब तक पता चला कि लैग आ चुका है ठीक है नाउ फाइन भाई पहले भगवान से हाथ जोड़कर एक बार विनती कर लो कि आज यहाँ पर नेट ना जाए है ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है चलो ठीक है कोशिश करते हैं हो जाए ठीक है आई डोंट नो आज थोड़ा सा नेट में इश्यू है बट कोशिश यही रहेगी कि आज हम अच्छे से कंप्लीट कर लें खैर तुम लोग साथ हो तो भाई साहब ये नेट वेट की दिक्कत अभी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी चलिए कहाँ पर थे हम मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको पहली ट्रिक बता रही थी दिस इज़ ट्रिक नंबर वन आज मैं आपको कम से कम बीस ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके साथ कितनी ट्रिक शेयर करूंगी बीस ट्रिक्स और ये बीस ट्रिक्स से आपका पूरा का पूरा जो जेई मेन और एडवांस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा पहली ट्रिक आपको मैंने क्या याद रखने को बोली कि मान लो आप 3D सीरीज की बात कर रहे हो जनरली आपके पास जो दिए दिए होंगे होंगे ठीक है वो सीरीज सीरीज के जैसे सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने अगर उन कितना शो करते है? जैसे एक फैक्ट की तरह आपको याद रखना चीज मैंने आपको बताई थ्री डी सीरीज एलिमेंट्स में अगर आयन पे चार्ज कितना है प्लस टू ठीक है प्लस टू चार्ज है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर चार भी शो कर सकते हैं पांच भी शो कर सकते हैं छह भी शो कर सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहे हैं मतलब बीच में मेटल आएगा और छह लिगेंड आपके आ, मेटल के आजू बाजू आएंगे मतलब छह लोन पेयर मेटल को मिलेंगे बट अगर अगर थ्री डी सीरीज है और उस पर चार्ज कितना है प्लस टू तो कॉर्डिनेशन नंबर चार पांच छह कुछ भी हो सकता है तो अब तो हम कंफ्यूज हो गए ना कि मैम जैसे निकल प्लस टू है तो उसमें कब क्या होगा कब क्या होगा है ना तो मैं आपको एक एक एग्जांपल और दे रही हूं ध्यान से समझना सपोज करो आपके पास निकल प्लस स्टार्टिंग के मिनट में कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ ये ट्रिक्स अब हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे तो स्टार्टिंग के दस मिनट में ये डरना नहीं है कि हाई मैम कितना रट, रटवा रहे हो कितना याद करना है केवल ट्रिक्स बता रही हूँ भाई साहब लाइफ ईजी हो जाने है ध्यान से देखो अगर मान लो आपके पास निकल प्लस टू है ठीक है अब निकल प्लस टू के पास पानी आ रहा है वॉटर जो जो काफी भारी भरकम है तुम देख रहे हो दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है भारी भरकम है जैसे अमोनिया आ रहा है अमोनिया में एक नाइट्रोजन है तीन हाइड्रोजन है तो जब जब निकल के पास ऐसे बड़े बड़े लीगेंड आएंगे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा होगा कितना होगा सिक्स जैसे बड़ा बड़े बड़े लीगेंट आ रहे हैं तो आप याद रख सकते हो निकल का कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स अब कल को मान लो आपने एक कंपाउंड बनाया निकल एन एच थ्री होल सिक्स और यहां पर टू पॉजिटिव तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैम निकल जब टू पॉजिटिव है तो उसको छह अमोनिया सराउंड करेंगे या चार अमोनिया सराउंड करेंगे तो यहां से आप याद रख सकते हो निकल के ऊपर जब भारी भरकम ग्रुप्स आएंगे जैसे पानी हो गया जैसे अमोनिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिक्स अब सपोज करो इसी निकल टू प्लस के ऊपर छोटे छोटे जैसे सी एन माइनस एक सी एक्न है दो दो एटम से बनके छोटे छोटे लीग है सी एन माइनस आया या एक ही आ गया सी एन माइनस तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा Four. मैंने कहा था ना जो थ्री डी सीरीज के प्लस टू वाले होते हैं वो चार और पांच और छ कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं तो निकल के ये चार केसेस अपने सिलेबस में हैं। आई होप ये पहली ट्रिक सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी इस ट्रिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ये समझ आ गया इस ट्रिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये ट्रिक सबको याद रह जाएगी वापस से एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ ट्रिक रिपीट करो थ्री सीरीज के प्लस थ्री वाले कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स थ्री सीरीज के प्लस टू वाले कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी फोर फाइव सिक्स निकल अपना बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको करा रही हूं पेपर में निकल अमोनिया निकल वाटर निकल सी एल निकल सी एन बहुत बार पूछा गया है तो मैंने आपको आज ही याद रखवा दिया निकल टू प्लस पे अगर अमोनिया या पानी आएंगे बड़े बड़े लीगेंज आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा छ निकल पे निकल टू प्लस पे अगर हल्के फुल्के जैसे सी एन माइनस आ गया सीएल माइनस छोटे छोटे लीगन आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम वाला आएगा जो कि चार है ट्रिक नंबर वन सबको अच्छे से क्लियर है तो मुझे बताओ हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिक नंबर टू आज की क्लास की हैश टैग ट्रिक टू बड़े ध्यान से समझना इस चीज को ठीक है मान लो आपके पास सिल्वर है ए जी प्लस मान लो आपके पास गोल्ड है ए यू प्लस

आगे समझो एक और चीज को बड़े ध्यान से समझना ठीक है अगर ए जी प्लस एयू प्लस हो गया सबका अब मान लो आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसपे एजी पे थ्री प्लस है या फिर ए यू पे थ्री प्लस है ए जी पे थ्री प्लस एयू पे थ्री प्लस तो अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा दो का डबल जैसे इसका डबल किया तो दो अब इन पे एक, एक चार्ज आपने बढ़ा दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने का तरीका चार ये ट्रिक्स दीज आर सर्टेन ट्रिक्स इनके जो रीजन है इनके जो है अभी एक एक करके समझ आ जाएंगे बट पहले अगर ट्रिक्स पताऊंगी नेमिंग आइसोमेरिज्म में बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे कितना डबल टू ए जी पे प्लस थ्री ए यू पे प्लस थ्री मतलब ये इसी की फैमिली का बड़ा भाई लग रहा है आपको तो इसका कॉर्डिनेशन नंबर इसका डबल कर दो चार ट्रिक नंबर टू सबको क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो ट्रिक टू क्लियर है आगे देखो मान लो आपके पास प्लेटिनम पे टू प्लस है पेलेडियम पे टू प्लस है ध्यान से देखो प्लेटिनम पे प्लस टू पेलेडियम पे प्लस पे टू तो कोऑर्डिनेशन नंबर खुद सोच के बताना कितना होगा दो का डबल दो का डबल चार इतनी बात थोड़ी सी दिमाग में घुस रही है भाई कल को आपने प्लेटिनम टू प्लस देखा पेलेडियम टू प्लस देखा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लगाओगे चार बट अगर मैंने पेलेडियम का प्लस फोर कर दिया पेलेडियम का प्लस फोर कर दिया अब ये तो है नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आठ कर दोगे क्योंकि मैंने आपको बताया अपने सिलेबस में दो तीन चार पाँच छः इतना तक ही ऐसे ज्यादा नहीं है तो ऐसे सोचो इसका इसका चार इसका प्लस टू प्लस टू का कितना था चार तो ये इसी की फैमिली का बड़ा भाई है इसी की फैमिली का बड़ा भाई है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बड़ा भाई कर दो आठ इसका बड़ा भाई कर दो छः डबल नहीं करना ना बस बड़ा भाई कर दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना छः मुझे बताओ ये दो ट्रिक्स सबको अच्छे से समझ आ गई है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ इस बाउंस बैक सीरीज हमेशा ऐसे डबल होता है क्या हर एक के लिए डबल नहीं होता है ना हर एक के लिए डबल नहीं होता आ, बट जो जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें डबल हो जाएगा हर एक के लिए आप नहीं कर सकते मतलब ये है ना इट्स अ वास्ट टॉपिक ठीक है अब अगर आप एक्सेप्शन याद रखो तो बहुत सारी हैं बट ये कुछ छोटी छोटी मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इन्हीं ट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है इससे बाहर कल को उसने कोई और पूछ लिया जनरली प्लेटिनम पलेडियम सिल्वर गोल्ड निकल आयन आयन प्लस टू आयन प्लस थ्री कोबाल प्लस टू कोबाल प्लस थ्री इन्हीं के कॉम्प्लेक्सेस पूछे जाते हैं तो जो जो अपने सिलेबस में हैं जिससे जेई के क्वेश्चन हो जाएँ वो मैं सारे आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगी ये ट्रिक क्लियर है सबको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है तो मुझे बताओ आगे बढ़ते हैं ठीक है अब एक लास्ट चीज सीख लो लास्ट चीज सीख लो ट्रिक नंबर थ्री थर्ड ट्रिक सारी ट्रिक्स एक एक करके रिवाइज करेंगे चिंता मत करो आपके पास है जिंक आपके पास है कैडमियम आपके पास है मर्क्यूरी जिंक टू प्लस कैडमियम टू प्लस मर्री टू प्लस खुद सोच के देखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए जिंक टू प्लस कैडमियम टू प्लस मर्री टू प्लस इन सबका नंबर लगभग लगभग इसका डबल करके देखो तो चार आएगा इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर चार है अब देखो जिंक का कभी आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना हो और जिंक तो हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है तो ऐसे नहीं सोच रहा मैम जेड एन सी एन सिक्स आएगा या जेड एन सी एन थ्री आएगा फाइव आएगा आपको मैंने बताया जिंक प्लस टू मतलब चार कॉर्डिनेशन नंबर तो जेड एन सी एन फोर आएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ अब मैं एक बार रिवाइज कराऊं सारी की सारी ट्रिक्स एक बार जितना अभी हमने किया है वो रिवाइज करते हैं पहले मैंने आपको बताया डबल सॉल्ट क्या होते हैं जिसमें से कुछ कुछ के नाम आपको याद रखने हैं है हा न हा, हमने याद रखे थे कार्नेलाइट के बारे में ठीक है मोर सॉल्ट के बारे में एलम्स का कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी थी फिर मैंने आपको कहानी सुनाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है जो मेटल आयन बीच में प्रेजेंट है है ना उस डब्बे के अंदर जो मेटल लाइन प्रेजेंट है वो कितने लोन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं है, पूरी पूरी है, पूरी की पूरी की है। तो आपको पूरा चैप्टर टफ लगेगा मैं आपके दस मिनट टफ करना चाहती हूँ ताकि आपका पूरा चैप्टर आसान हो जाए इसके लिए मैंने आपको तीन ट्रिक्स सिखाई है वापस से तीन ट्रिक्स को सब बच्चे रिवाइज करते हुए चलेंगे सबसे पहली ट्रिक मैंने आपको बताई कि थ्री डी सीरीज पे अगर किसी भी एलिमेंट पे प्लस थ्री चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है सिक्स ट्रिक वन का ए पार्ट क्लियर हो गया थ्री डी सीरीज के किसी भी एलिमेंट पे अगर प्लस टू चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार पांच छह कुछ भी हो सकता है जिसमें से मैंने स्पेसिफिकली आपको निकल का करना बताया अगर निकल पे एन आई टू प्लस पे ठीक है डबल करोगे तो चार आना चाहिए है ना तो निकल टू प्लस पे छोटे छोटे लीगेंट्स आ गए जैसे सी एन माइनस आ गया सी एल माइनस आ गया तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है बढ़िया और अगर भारी भरकम लीगेंस आ गए जो जैसे बड़े बड़े जैसे पानी हो गया तीन एटम्स वाला अमोनिया हो गया चार एटम्स वाला तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चार का दो दो ऐड दो कर देना चार का दो कितना हो गया 6, समझ गए डबल नहीं करना फोर प्लस टू कर दो सिक्स आ गया फिर मैंने आपको ट्रिक टू सिखाई जैसे ए जी प्लस है ए यू प्लस है तो हमें लगता है कि अगर प्लस वन प्लस वन में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डबल कर दो टू ठीक है अब का बड़ा भाई ले लो एजी थ्री प्लस इसका बड़ा भाई एयू थ्री प्लस ठीक है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर टू में टू ऐड कर दो कितना हो गया four. Two में टू ऐड कर दो कितना हो गया फोर ठीक है फिर मैंने आपको सिखाया प्लेटिनम टू प्लस पेलेडियम टू प्लस तो मुझे लग रहा है कि डबल कर दो फोर कॉर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए फोर अगर मैंने प्लेडियम प्लस फोर और प्लेटिनम प्लस फोर ले लिया मतलब ये दोनों इनके बड़े भाई हैं तो इसमें दो ऐड कर दो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स याद आ गया सबको समझ आ गया अब लास्ट देखो मैंने ट्रिक थ्री आपको सिखाई जिंक टू प्लस कैडमियम टू प्लस मर्क टू प्लस सबका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना लगेगा चार 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 क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है ठीक है अब मुझे बताओ मैम यही नोट्स होंगे क्या आप स्लाइड्स वाले भी अपलोड करोगे नोट्स साथ में जैसे कहो मेरे पास स्लाइड्स बनी पड़ी हैं स्लाइड्स वाले नोट्स चाहिए तो भी मैं दे दूंगी बट उन स्लाइड्स वाले नोट्स में केवल ऐसे ही लिखा हुआ है ट्रिक थ्री और ये ये ट्रिक्स मतलब हिंदी में मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना ये नहीं लिखा हुआ कि इसका बड़ा भाई इसका बड़ा भाई केवल यही यही लिखा हुआ है याद रह जाएगा तो बढ़िया मैं स्लाइड वाले भी अपलोड कर दूंगी हैंड रिटर्न तो हैंड गिटन नोट्स अपलोड कर दूंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास सारे बने पड़े हैं ठीक है यहाँ तक ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सब कुछ समझ आ गया ठीक है अब एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड लिटरली जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको बोलते हैं डेंटी ठीक है इसका नया नाम है नया टॉपिक है इसका मतलब है डेंटी ठीक है ध्यान से समझना ये है हमारा सेंट्रल मेटल आयन इसको मैंने डब्बे में रखा ठीक है इस सेंट्रल एटम इस सेंट्रल मेटल आयन को ये है लीगेंड ये क्या है लीगेंड ये लीगेंट लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा है ना एक लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको उस लीगेंड की क्या बोलते हैं डेंटिसिटी बात देखो एक सेंट्रल कितने लोन ले सकता है उसको सेंट्रल मेटल आयन का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बट एक लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पेयर दे सकता है उसको उस लीगेंड की डेंटिसिटी बोलते हैं क्या यह बात सबको समझ आई द नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लीगेंड एक लीगेंड के लिए बात कर रही हूं एक लीगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ द लीगेंड क्या ये बात सबको समझ आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है सेंट्रल मेटल आयन की डेंटिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है लीगेंट की एक सेंट्रल मेटल कितने लोन एक्सेप्ट एक हमेशा कंफ्यूजन रहती है डेंटिसिटी किसकी और कोऑर्डिनेशन नंबर किसका अब मैंने पूरी डेफिनेशन एक एक करके आपको समझाई है एक लीगेंड के लिए डेंटिसिटी हम डिफाइन करते हैं क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई एक एग्जाम्पल कराती हूँ मान लो आपके पास एक मेटल आयन है एम पे टू प्लस सपोज करो ठीक है दूर से अमोनिया जा रहा था मैं तो रस्ते से जा रहा था भेल पुड़ी खा रहा था ठीक है तो ध्यान से सुनो अब इस अमोनिया ने देखा कि यार मेरे पास एक लोन पेयर है मैं ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को दे देता हूं तो अमोनिया ने कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को दिए केवल एक तो अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी हुई डेंटिसिटी कितनी हुई वन क्या ये समझ आ गया किसी भी लीगेंड की डेंटिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं मान लो कल को मैंने ऐसे ले लिया एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू बड़े से देखना यह क्या हो गया इथिलीन डायमीन इथिलीन डायमीन हो गया ये पूरा का पूरा लीगेंड है ये रास्ते से जा रहा था ये बेस है ना ल्यूज बेस है लीगेंड का मतलब ल्यूज बेस ये रास्ते से जा रहा था इसने देखा कि एक सेंट्रल मेटल आयन आया ठीक है एक सेंट्रल मेटल आयन आया अब ये सेंट्रल मेटल आयन को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है ये उस लीगेंट की क्या कहलाएगी डेंटिसिटी तो उसने ये वाला लोन पेयर भी डोनेट किया ये वाला लोन पेयर भी डोनेट किया तो इस लीगेंट की डेंटिसिटी कितनी हो गई डेंटिसिटी कितनी हो गई तो क्या ये बात सबको समझ आई एक लीगेंट कितने लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल लाइन को वो उस लीगेंट की क्या होगी डेंटिसिटी अब अच्छा मुझे अब सब लोग सोच के बताओ एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ इसके बेस पे जेई मेन का एक क्वेश्चन आया था 2020 में वो अभी मैं कराऊंगी बट उससे पहले मुझे बताओ ये बेंजीन है और यहां पर एक सेंट्रल मेटल आयन है तो ये बेंजीन कितने लोन पेयर है ना इसको दे सकता है मुझे बताओ मुझे बताओ बेंजीन की डेंटिसिटी कितनी होगी कोई मुझे बता सकता है बेंजीन की डेंटिसिटी कितनी होगी सोच समझ के बताना अच्छा क्वेश्चन है जिन बच्चों को चमक गया ना अब असली चमक आएगी बेंजीन की डेंटिसिटी कितनी थ्री फोर थ्री फोर वेरी गुड केवल एक बच्चे का सही आंसर आया है जिसका नाम है आर्यन सिंह ठीक है एक और बच्चा है है ना गौरव करके उसका सही आंसर आया मैंने डेफिनेशन में ना क्लियर क्लियर दस पंद्रह बार रिपीट किया और तुम वही फंसे हो मैंने बोला डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ टू द सेंट्रल मेटल अंडल एक लीगेंड सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर दान कर रहा है क्या मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेसिफिक करके बोला ना लोन पेयर बेंजीन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो बेंजीन के लिए डेंटिसिटी में डिफाइन ही नहीं कर सकती हूँ आई के नॉट डिफाइन डेंटिसिटी फॉर बेंजीन क्या यह बात सबको अच्छे से समझ आ गई क्योंकि बेंजीन के पास लोन पेयर है ही नहीं अगर बेंजीन के पास लोन पेयर होते तो मैं उसकी डेंटिसिटी डिफाइन करती क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई है या कोई दिक्कत है जल्दी से बताओ यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो अब मुझे बताओ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है क्लियर है अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना अब एक नया सिखाती हूँ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं एक है काउंटर सीओ यू एन टी आर -E काउंटर आयन कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ अभी तो चैप्टर का हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा आगे वीबीटी CFT, आइसोमेरिज्म बहुत सस्ते टॉपिक्स हैं बट जिनका बेस पहले आधे घंटे का बेस खराब है ना भाई साहब तुम्हें चैप्टर ही नहीं समझ आ सकता ध्यान से देखो मैंने क्या कहा देखो आ, एक ना आयन था ठीक है मैंने ले लिया के फोर ध्यान से समझना हमने मैंने क्या ले लिया मैंने ले लिया के फोर एफ सी एन सिक्स ये एक कंपाउंड है आप सबको पता है ध्यान से देखना अब यहाँ पर एक एफ देखो एक एफ था एफ पे प्लस टू चार्ज था ठीक है एफ पे प्लस टू चार्ज था अब ये सी माइनस इसके चारों तरफ आ रहे थे छह सी माइनस चल रहे थे और हर सी माइनस ने अपना एक 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 एक, एक लोन पेयर एफ को दिया हर सीएन ने अपना एक 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 लोन पर एफ को दिया तो यहां पर एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिक्स क्यों क्योंकि एफ ने छह लोन पर एक्सेप्ट किए तो एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिक्स सीएन ने एक ही लोन पर डोनेट किया हर सीएन ने एक एक लोन पर दिया तो सीएन की डेंटिसिटी कितनी हो गई डेंटिसिटी कितनी हो गई बन ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका फॉर्मूला था एफ ई सी एन होल सिक्स और फोर माइनस ठीक है अब इस फोर माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बाहर से किसको बुलाया पोटेशियम को पोटेशियम पे प्लस वन चार्ज था फिर हमने चार्ज एक्सचेंज कर दिया हमारा फॉर्मूला बन गया के फोर एफ सी एन सिक्स ये जो बाहर से एक्सटर्नल आयन हम बुलाते हैं अपने इस डब्बे को सेटिस्फाई करने के लिए डब्बे के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इसको बोलते हैं काउंटर आयन इसको क्या बोलते हैं काउंटर आयन ठीक है iron, ये एक ऐसा आयन है जो कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे ये जो डब्बा है ना ये इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं पूरा का पूरा क्या हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट जो मेन कॉम्प्लेक्स हो गया ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बाहर से आपने आयन को बुलाया है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है अब बड़े ध्यान से देखना ध्यान से समझो अब हम बात करते हैं पॉलीहेड्रा की कॉर्डिनेशन पॉलीहेड्रा नया टॉपिक है कॉर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ध्यान से समझना ये ना कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो जेई मेन जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं बट बच्चों को इन टर्म्स का ही मतलब नहीं पता होता तो पहला अपना ये काम है कि भाई क्वेश्चन जो भी पूछा जाए बट क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए मान लो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए तो वो छोटे 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 जो वर्ड्स हैं वो पहले मैं आपको समझाती हूँ देखो ये अपना सेंट्रल मेटल आइन ठीक है ये अपना सेंट्रल मेटल लाइन इस सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लेटर से चार लीगेंड आने हैं वो चार लीगेंड ऐसे आ सकते हैं मतलब इस टेट्राहेड्रल की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं ये लीगेंड हो गए ठीक है ये सेंट्रल मेटल आयन है वो चार लीगेंड ऐसे अरेंज हो सकते हैं एक स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में ये सेंट्रल मेटल आयन है छह लीगेंड इसके चारों तरफ आने हैं एक दो तीन चार पांच छह तो जो जो जिमेट्री है मैं बोलूंगी सेंट्रल मेटल आयन के अबाउट जिमेट्री द जिमेट्री अबाउट सेंट्रल मेटल आयन भाई सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड में जो जिमेट्री बनी लीगेंट्स के द्वारा उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा समझ गए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब टेट्राहेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो सकता है ऑक्टाहेड्रल हो सकता है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ क्या जिमेट्री बनी बाय द लीगेंट उसको बोलते हैं कॉर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई या किसी को कोई भी दिक्कत है ठीक है अब बड़े ध्यान से देखना एक अपना होता है अब मैंने इस कंपाउंड को लिखा के फोर एफ ई सी एन सिक्स मेरी बात बड़े ध्यान से देखो जब आप इसको पानी में डालोगे जब आप इसको पानी में डालोगे ये जो डब्बा है ना ये जो डब्बा ये डब्बा टूटता नहीं है पानी में जाने के बाद ये के प्लस अलग हो जाता है फोर के प्लस प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस बन जाएगा समझ गए तो इस डब्बे को ये जो डब्बा है ना इस डब्बे को इसको मैं बोलती हूं स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लीगेंट किस ज्योमेट्री में अरेंज हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा और थ्री डी में एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये किस तरीके से बने कैसे थ्री डी में ये प्लेस है इसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ गए इसको क्या बोल देते हैं कॉर्डिनेशन फियर तो कल को वो आपसे बात कर रहा हो कि इन द कॉर्डिनेशन फियर ऑफ दिस दिस मेटल आयन ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए वो इस लाल डब्बे की बात कर रहा है इस लाल डब्बे को हम क्या बोल देते हैं कॉर्डिनेशन फियर क्या ये बात सबको समझ आ गई कॉर्डिनेशन फियर पानी में आयनाइज नहीं होगा पानी में डालोगे तो आयनाइज नहीं होगा बट पूरे कॉम्प्लेक्स को इसको बोलते हैं आयनाइज आयनाइजेशन स्फियर आयनाइजेबल फियर आयनाइजेबल फिर मतलब इसको पानी में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा तो थ्री में है ना जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर आयनाइजेबल क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है या किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताओ ठीक है हाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनसीईआरटी में एंटिटी लिखा हुआ है आप ये भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो यस ये सारी चीजें सेम है समझ गए यहां तक सबको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप मुझे बताओ हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स क्लियर हो गए बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो गई अब मैं आपको लीगेंट्स के बारे में थोड़ा सा अभी खूब सारे बच्चे ऐसे थे हमारे जिनको लीगेंट्स के बारे में सोच के थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि मैम लीगेंट्स कैसा दिखता है ये बॉन्ड कैसे बनाएगा है ना आपको कैसे पता ऑक्टा हेडल फॉर्म में आएगा ये टेक्ट्रा हेडल फॉर्म में आएगा सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक है लीगेंट्स अभी तो मैंने आपको नए नए टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराया मतलब जैसे मान लो है ना वो वाला है ना आजकल आ, इंस्टा पे चल रहा है वो वाला कौन सा डोर खोलते हैं इधर आओ हम तुम्हें मिलाएं कौन सा था वो सीरियल्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी है ना रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नए नए समथिंग समथिंग है तो अभी तो मैंने इस पूरे चैप्टर में हमारे जितने भी रिश्तेदार आएंगे उन सारे रिश्तेदारों से आपकी इंट्रोडक्शन कराई है आजकल वैसे ही शादियों का सीजन है तुम शादी में जा रहे हो खूब सारे लोग हैं जिनसे तुम इंट्रोड्यूस करते हो हाई हेलो करते हो अभी हमने केवल हाय हेलो कर अब सब सारे तो अपने रिश्तेदार नहीं है सबको हम नहीं जानते बट सब हम हम सबको हाई हेलो कर चुके हैं यहाँ तक अब हम एक एक को पकड़ेंगे उसकी पूरी की पूरी कुंडली है ना पता करेंगे कि भाई लीगेंट क्या होता है कितने टाइप का होता है लीगेंट्स के नाम कैसे रख सकते हैं ये सारी चीजें एक एक करके समझेंगे यहां तक सबको समझ आ गया तो एक एक थम्सअप फिर हम कंटिन्यू करते हैं वट अबाउट पी वाई क्यूज़ अरे अच्छा कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि मैम अगर आज आपने मतलब खुद से सारा कुछ लिख के बोर्ड्स के जैसा पढ़ाना है मतलब जैसे बोर्ड्स पे आप पढ़ाते हो ना तो क्या आज वो नहीं है पी वाई क्यूज़ नहीं है तो चिंता ना करो देखो पी वाई क्यूज़ से हम मतलब पीछा नहीं छोड़ते हैं एक मिनट रुकना ज़रा पी वाई क्यूज़ तो मैंने इतने डाल दिया ना आज तुम्हें मजा आ जाएगा बस मैं टॉपिक कराती जाऊँगी फिर पी वाई क्यू आप करते जाना ये देखो भाई ठीक है जय मेन ट्वेंटी ट्वेंटी जई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी जई मे ट्वेंटी 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 ठीक है जई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी सारे मतलब जितने टॉपिक्स के बनते थे ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन मेन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी जय एडवांस ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी सिक्सटी ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टीन थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी सारे खूब सारे पी वाई क्यूज डाले हैं बस वही है जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे एक एक करके मैं आपको पी वाई क्यूज कराती चिंता ना करो भाई ठीक है मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ये थोड़ी ना कि मैम बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो मतलब वो नहीं करोगे भाई सब ऐसी बात नहीं है बोर्ड में पढ़ाने का भी रीजन मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ है ना आज का चैप्टर है ही इस तरीके से का कि अगर डेफिनेशन बेस करोगे तो चैप्टर में कभी प्यार नहीं आएगा इंटरेस्ट नहीं आएगा इस तरीके से करो तो मज़ा आ जाएगा चलो सबसे पहले लीगेंट्स जो हैं ऐसा नहीं है कि केवल न्यूट्रल स्पीशीज लीगेंट हो सकते हैं या केवल जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं वही लीगेंट हो सकते हैं लीगेंट अपने तीन टाइप के होते हैं पॉजिटिव चार्ज भी लीगेंस हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं न्यूट्रल लीगेंस भी हो सकते हैं तीनों टाइप के मतलब लीगेंट क्या होता है लीगेंट कुछ नहीं ल्यूज बेस होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके किसको टू द सेंट्रल मेटल आयन तो कोई भी चीज जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है उसको हम लीगेंट बोल सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है ठीक है पहले मैं न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ न्यूट्रल मतलब जैसे कार्बन मोनॉक्साइड हो गया कार्बन मोनोक्साइड इज अ न्यूट्रल लीगेंट ठीक है जैसे हमारे पास एनओ NO हो गया ये न्यूट्रल लीगेंड है जैसे पानी हो गया ये न्यूट्रल लीगेंट है जैसे अमोनिया हो गया ये सारे न्यूट्रल लीगेंट है इन पे कोई चार्ज नहीं है ना ये केटाइन है ना ये एनाइन है तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए न्यूट्रल लीगेंट ठीक है अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बड़े ध्यान से सुनना अब जैसे पानी को हम हाइड्रो बोलते थे जनरली है ना अमोनिया uh, अमोनिया को ammonia बोलते थे ऐसे ही जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करूंगी तो यहां पर के कुछ नाम होंगे कुछ स्पेशल नाम होंगे जैसे कल को आप कार्बोनिल से CO से मिले तो इसका नाम है कार्बोनिल ये याद रखने, याद रखने रखने हैं अभी आगे यूज होंगे आप एनओ NO से मिले इसका नाम है नाइट्रोसिल सीओ का नाम कार्बन मोनोक्साइड नाम होकर क्या बोलेंगे कार्बोनिल एनो NO का नाम क्या बोलेंगे नाइट्रोसिल आगे देखो पानी का नाम हाइड्रो नहीं बोलेंगे अब से पानी का नाम क्या हो जाएगा एक्वा जहां जहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पानी आएगा उसका नाम हो जाएगा एक्वा जहां जहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एनएच थ्री आएगा जहां जहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एनएच थ्री आएगा इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे नई नई है ए डबल एम आई एन ई मतलब डबल एम हम यूज करते हैं न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया के लिए इसका क्या नाम हो जाएगा अमीन न्यूट्रल सबको अच्छे से समझ आ गए तो मुझे बताओ आगे हम कंटिन्यू करते हैं न्यूट्रल लिगेंड सबको समझ आ गए आगे देखो नेगेटिव चार्ज लिगेंड का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने सीएल माइनस लिया अब कई बुक्स में इसको क्लोरो भी लिखा होता है आजकल हम इसको क्लोरिडो भी बोलते हैं जो नेगेटिव है ना वो जैसे ईडो आइटो एटो में इनके नाम होते हैं जैसे इसका नाम क्लोरिडो आईडो ठीक है ब्रो मीडो ठीक है या इसको ब्रोमो भी बोलते हैं ठीक है आ, समझ आ गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अब जैसे मान लो आपने एसओ माइनस इसका नाम होता है सल्फेटो सल्फेट नहीं बोलते हैं ओ लगा देते हैं सल्फेटो यहां तक सम, सबको समझ आ गया ठीक है अगर कल को आपने एसो थ्री टू माइनस लिया इसका नाम होता है सल्फाइट तो इसका नाम हो जाएगा सल फाइटो ये मैं लीगेंट्स की कहानी आपको सिखा रही हूँ लीगेंट्स की कहानी सीखते ही आपको नॉमिन बहुत आसान हो जाएगी पांच दस मिनट में नॉमिन के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है डेंटिसिटी वाले क्वेश्चन भी अपने बन जाएंगे पहले मुझे बताओ यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया ठीक है अब मान लो आपके पेपर में एनो पॉजिटिव लीगेंट हमने लिया तो उसका नाम था नाइट्रोसिल इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम मतलब जो पॉजिटिव होते हैं ना जैसे सोडियम पोटेशियम तो हम जनरली ई लगाते हैं तो नाइट्रोसिल लियम क्या ये बात सबको समझ आ गई नाइट्रोसिल तो है ही इसका नाम ई बाद में आपने एक्स्ट्रा जोड़ देना है आपने हाइड्राजीन सुना है हाइड्राजीन एन एच टू एन टू अगर हाइड्राजीन में दो लोन पेयर होते हैं एन एक को मैंने एन पॉजिटिव कर दिया ठीक है इसका नाम क्या लिखेंगे हाइड्राजीनियम क्या ये बात सबको समझ आ गई हाइड्राजीन से क्या बन गया हाइड्राजीनियम नाइट्रोसिल से क्या बन गया नाइट्रोसिलियम अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ठीक है क्लियर हो गया ठीक है यहां तक चलो सबको समझ आ गया। आगे बहुत सारे अभी नाम कराऊंगी अभी मैं नॉमिनियचन नहीं करा रही अभी तो जस्ट मैंने लीगेंट्स को आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चों को लगता है कि खाली नेगेटिव चार्ज ही लीगेंट्स हो सकते हैं न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव ये तीनों प्रकार के आपके लीगेंट्स होते हैं अब लीगेंट्स को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी डेंटिसिटी इससे क्वेश्चन अभी मैं आई पैक नहीं करा रही हूं कंफ्यूज मत होना सी एन का नाम बी आर का नाम ये वो ये वो वो हम करेंगे अभी मैं आपको डेंटिसिटी सिखाती हूं बड़े ध्यान से समझना ऐसे हमारे लीगेंड होते हैं जो केवल वन डोनर साइट होती है मतलब ऐसे लीगेंट जो केवल एक ही साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मतलब जो लोन पेर ये डोनेट करेंगे केवल एक ही साइट से करेंगे जैसे पानी जैसे अमोनिया अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है इसकी डेंटिसिटी वन पानी के पास लोन पेयर कितने हैं दो बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पानी एक ही लोन पर डोनेट करेगा तो वॉटर की डेंटिसिटी कितनी वन, समझ ओ एच माइनस बड़े ध्यान से देखो ओ एच माइनस को आप ऐसे लिखते हो कि मैम ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर है बट वो डोनेट केवल कितना करेगा एक ही तो ओ एच माइनस की डेंटिसिटी कितनी वन इन सारे लीगेंट्स को हम क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट ठीक है मोनो क्या ये बात सबको समझ आ गई मोनोडेंटेट वो हो सकते हैं ठीक है जो मेटल को केवल एक ही लोन पर देते हैं मोनोडेंटेट लीगेंट कौन से जो मेटल को एक ही लोन पर देते हैं अब मैं सबके साथ एक बार चैट्स में देखना चाहती हूँ और कोई एग्जाम्पल मोनोडेंटेट का अनुज्ञा ओके ठीक है आर इज मैथ्स बाउंस बैक सीरीज एनअ फॉर जेई ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब मैथ्स में तो निशान समझ लूँ तुम्हें तो बहुत ही डिटेल में मेन और एडवांस के क्वेश्चंस कराए हैं सो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स फॉर श्योर ठीक है लोन पेयर कैसे देंगे NO का केस मैं आपको सिखाऊंगी हाइड्राजीन में दो लोन पेयर होते हैं जिसमें से एक लोन पेयर को आपने एच प्लस बचा है तो वो लोन पेयर दे सकता है ठीक है ठीक है ग्रेट सी एन माइनस हो सकता है दैट इज ग्रेट ठीक है और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल एफ माइनस हो सकता है सीएल माइनस हो सकता है बी आर माइनस हो सकता है आई माइनस हो सकते हैं सारे एक एक लोन पर डोनेट करते हैं ठीक है थीके? आगे हम कंटिन्यू करते हैं मान लो हमारे पास ऐसे ऐसे लीगेंट्स हैं ठीक है जिनकी दो डोनेटिंग साइट बनती है बड़े ध्यान से समझना ऐसे लीगेंस जिनके पास दो डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हैं प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना ऐसे लीगेंट्स जिनके पास दो डोनेटिंग साइट अवेलेबल है अब अगर कोई मेरे से हाइड्राजीन पूछे एनएच टू टू अब मुझे सोच के बताओ एक मेटल आयन है मेटल आयन अपना एक ही है ठीक है मेटल आयन एक ही है ये जो हाइड्रोजीन है क्या इसको आप बाईड बोलना चाहोगे या मोनोडेंटेट बोलना चाहोगे मेरी बात बड़े ध्यान से समझना फिर इसका आंसर दो यही यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम दो लोन पर मतलब दो डोनेटिंग साइट मतलब बाईड सुनो दो लोन पर है बाइडेंटेट लग रहा होगा है ना मेरी बात सुनो अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को हमने डोनेट किया टू द मेटल आइन तो एक ही लेना है अपने को केवल एक ही मेटल लेना है है एट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक तो इस हिसाब से इसने एक लोन पेयर डोनेट किया फिर आप सोचो मैम इस हिसाब से ये भी तो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है मतलब अगर दोनों एक एक लोन पेयर मेटल आइन को देंगे तो इनकी डेंटिसिटी होनी चाहिए टू ठीक है बट अगर इनकी डेंटिसिटी टू हुई तो क्या आपको दिखाई दे रहा है एक थ्री मेंबर्ड रिंग बनेगी और ये थ्री मेंबर रिंग काफी अनस्टेबल है जिसकी वजह से इन दोनों साइड्स में से केवल एक ही साइड वन साइट ओनली विल बी यूज फॉर डोनेशन मतलब हाइड्रोजीन को बाइडेंटेट लिखने की बजाय मुझे किस में लिखना चाहिए था मोनोडेंटेट अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको समझ आई तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है जेई के पेपर के टाइम कि मैम है तो दो नाइट्रोजन दो लोन पे डोनेट कर सकते हैं तो बाईडेंटेट होना चाहिए बट अब मैंने आपको क्लियर कर दिया बाइडेंटेट हो सकता है बट यार लोन पर डोनेट करने के बाद कुछ तो स्टेबल बन रहा हो ना यहाँ तो अनस्टेबल थ्री मेंबर रिंग बन रही है तो दो क्यों ही डोनेट करेगा वो कहेगा कि एक ही डोनेट कर दो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है सो इट शुड एक्ट एज बाइडेंटेट बट इट विल एक्ट एज अ मोनोडेंटेट डेंटेट ओनली ठीक है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई या कोई दिक्कत है ठीक है यहां तक सबको समझ आ गया अब एक और चीज बताती हूँ ठीक है एक अपने पास लीगेंड है तो बाई डेंटेट वो होंगे जो दो डोनेटिंग साइट से डोनेट कर सकते हैं ठीक है थीके? अभी मैंने दो डोनेटिंग साइट वाले खैर आपको अभी एक भी नहीं समझाया तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये हटा देती हूँ एक और बात बताती हूँ मान लो मैंने लिया सी एन माइनस ठीक है केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केवल एक ही जो अपना लोन पर है वो डोनेट करेगा बट इसकी मर्जी या तो वो कार्बन की साइड से डोनेट कर दे या फिर नाइट्रोजन की साइड से डोनेट कर दे है ये मोनोडेंटेट है क्या मोनोडेंटेट ये नहीं कि मैम मैं तो दो साइड से डोनेट कर दूंगा भाई तुम दो से कर सकते हो बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही से करोगे ना तो ये है मोनोडेंटेट जिसके पास दो डिफरेंट डोनेटिंग साइड्स हैं ऐसे लीगेंस को क्या बोलते हैं एम डेंटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जेई मेन के एग्जाम में बारी बारी पूछे जाती है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एम बी रेंटेड लीगेंट जैसे हूँ ठीक है एस सी एन माइनस एक और एग्जाम्पल एस सी एन माइनस ये किसकी साइड से सल्फर की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन की साइड से भी डोनेट कर सकता है बट बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केवल एक ही साइड से डोनेट करेगा ऐसे को बोलते हैं ए, 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 एक और सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा दो ऑक्सीजन से भी कर सकता है नाइट्रोजन से भी कर सकता है बट एट ऑफ टाइम एक ही से करेगा सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लीगेंट क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से यहां तक डिस्कस कर सकते हो बताओ वन सेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है एक ठीक है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हाँ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जैसे हम सीखते हैं ना आ, कि दो साइड से वो अटैक कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आप कह सकते हो कि भाई यहां पर जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देना है वो या सल्फर आके दे दे या नाइट्रोजन आके दे दे बट दोनों में से कोई एक ही आके देगा तो ऐसे लीगेंट्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लीगें ठीक है हाँ, हाँ रुको निकल टू प्लस फुल हो गया एमबीडेंट ये सारी चीज़ें कैसे रुको रुको कंपाउंड तो भी मैं बनाना सिखाऊंगी बड़ी सारी थियोरीज हैं जैसे वी बी टी है सी एफ टी है बहुत सारी थियरीज़ हैं जो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को कलर को मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करती है ठीक है ना थोड़ी सी मतलब पेशेंस रखो सारी चीज़ें सीखेंगे अभी तो मैं बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी थी वो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूँ ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई हैं तो अब मैं लीगेंस के बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगी बेसिक बेसिक चीज़ें सबको समझ आ गई ना बेसिक बेसिक चीजें सबको समझ आ गई ठीक है अब है हम एक नया लीगेंड अभी तो लीगेंट्स चालू हुए हैं रुको तो सही एक अपना लीगेंड है जिसका नाम है इथिलीन डायमीन बहुत सारे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी बट जो जो अपने सिलेबस में है जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे लीगेंट्स में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी अच्छा मेरे से गलती हो गई डायमीन में डबल एम केवल अमीन में आएगा अदरवाइज इट विल बी डायमीन ठीक है ना जैसे मान लो सी एच टू सी एच टू के एन एच टू एनएच टू मेरी बात सुनो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट हजारों बार जेई के पेपर में आया हुआ है इसके बाद जैसे ही लीगेंट्स की कहानी खत्म हो जाएगी वी विल बी डूइंग जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन ध्यान से समझना सबसे पहले इथिलीन डायमीन आपके पास है इथिलीन डायमीन मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो एक ये वाला नाइट्रोजन दे देगा एक ये वाला नाइट्रोजन दे देगा क्या सबको दिखाई दे रहा है एक फाइव मेंबर रिंग बनेगी जो कि काफी स्टेबल है काफी स्टेबल है इसीलिए इथिलीन डायमीन अपनी दोनों साइड्स को यूज करेगा ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं बाई डेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल देंगे बाई डेंटेट लिगेंड किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत तो आप मुझे बता दो आपने ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुना है हैव यू हर्ड अबाउट ऑक्सैलिक एसिड ऑक्जैनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है सी ओ ओ एच सी ओ एच एसिड के एच प्लस को निकलवा दो दोनों एच प्लस निकल गए क्या बन गया सी ओ ओ माइनस सी ओ ओ माइनस अब बड़े ध्यान से देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है इस सेंट्रल मेटल आयन को ऑक्सीजन के पास दो ये देखो इसके पास भी लोन पैर है इसके पास भी लोन पेरा इसके पास भी लोन पैर है इसके पास भी लोन पे बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ऑक्सिलेट है वो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन का लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा क्या आपको फाइव मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि काफी स्टेबल है सो so, इवन इसको बोलते हैं ऑक्सलेट ओ एक्स एल ए टी ठीक है -A -A -E. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी टू ओ फोर टू माइनस ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बाई डेंटेट लीगेंट का यहां तक सबको सारी बात अच्छे से समझ आ गई किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक एक करके पूछते जाओ ये सारे मैं वो वाले एग्जाम्पल करा रही हूँ जो ठीक है कौन सी रिंग स्टेबल एंड अनस्टेबल छोटी वाली थ्री और फोर मेंबर्ड अनस्टेबल फाइव और सिक्स मेंबर्ड को हम स्टेबल मान के चलेंगे छोटी छोटी रिंग्स बनेंगी थ्री फोर मेंबल फाइव सिक्स मेंबर की रिंग जो बनेंगी उसको स्टेबल मानेंगे ठीक है क्लियर हो गया ठीक है टोटोमेरिजम मैंने स्पेशल uh, क्लास में कराया था ठीक है विद डेट इन स्पेशल स्पेशल क्लास क्लास का लिंक मैं बाउंस बैक की सीरीज में डलवा दूंगी याद से चलो थैंक यू तुमने याद दिला दिया मैं बाउंस बैक की सीरीज में डलवा दूंगी ठीक है आगे देखो एक नया लीगेंट जो मेन है वो सारे सिखा रही हूँ बुक्स में उठा के देखोगे ना सौ सौ लीगेंट्स की मतलब पूरे के पूरे सौ सौ लीगेंट्स एग्जाम्पल में दे रखे हैं बच्चे करने बैठते हैं आप पाँच दस तक करते हो फिर गिव अप कर देते हो इससे अच्छा मैंने सोचा सौ ना करा आके कर वही दस पंद्रह कराऊँ जो अपने सिलेबस में है जिनसे मेन और एडवांस में क्वेश्चन आते ही आता है आपने ग्लाइसिन का नाम सुना है डेफिनेटली सुना होगा ग्लाइसिन क्या होता है कार्बन कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है NH2 है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन याद है ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड मैं बोल रही हूं इसमें से एक एच प्लस निकलवाटर से एक एच प्लस हमने रिमूव कर दिया क्या बन गया सी एच टू सीओ माइनस और यहां एन टू जब ये ग्लाइसिन था तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया क्या मैं इसको ग्लाइसी बोल सकती हूं कैन आई कॉल इट एज ग्लाइसी क्यों क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है उनके नाम जनरली आईटो एटो ओडो से एंड होते हैं है ना इडो ओडो से तो ग्लाइसी बन गया अब ये मेटल लाइन आ गए यहां पर ठीक है ना इसको एक बार एक्सपैंड करके लिख लो सीओ माइनस को एक्सपैंड कर देती हूँ लेटेस्ट सी क्या बनता है सी ओ ओ माइनस देखना जरा इसने इसको दिया नाइट्रोजन ने अपना लोन पर इसको दिया कितने मेंबर्ट एक दो तीन चार पांच मेंबर पांच मेंबर रिंग बन गई काफी स्टेबल है सो इवन ग्लाइसिनेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई डेंटेट लिगेंट जिसको शॉर्ट में जीएल लिखेंगे शॉर्ट में क्या लिखेंगे जीएल माइनस क्या लिख देंगे जीएल माइनस ठीक है इसको इसको लिख देंगे ऑक्सलेट ओ एक्स ऑक्जेलेट यहां तक सबको अच्छे से समझ आया अगला लीगेंड बड़े ध्यान से सुनना आपने पिरीडीन का नाम सुना है इस इसको जानते हैं है ना? अब मैंने एक और पिरीडीन इसके साथ चिपका दी कुछ ऐसा अब इसका नाम मैं लिख दूंगी डाई पी वाई मतलब डाई पी वाई आर आई डी आई एन ई डाई पीरिडीन अब ध्यान से देखना मान लो ये अपना सेंट्रल मेटल आयन ये लोन पर रिस्को देगा ये लोन पर रिस्को देगा कितने मेंबर रिंग बनी? एक दो तीन चार पांच पांच होती है. भी क्या हो गया का एग्जाम्पल यहां तक किसी को किसी एग्जाम्पल में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे से पूछो हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे <laughs> कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत ंट फाइंड इट इन स्पेशल क्लास वेर इज इट मैं स्पेशल क्लास की लिंक जो लाइव डेली डॉट मी स्लैशम बुकमार्क कर लेना डॉट मी स्लैशम इस शीट में टॉटोमैलिज्मी क्लास का लिंक डलवा दूंगी ठीक है डलवा दूंगी ठीक है Mon मोनोडेंटेट और एमबीडेंटेट सेम होते हैं क्या नहीं दोनों सेम नहीं होते हैं मोनोडेंटेट मतलब जो केवल एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ठीक है

याद है ना एसिटाइल एसिटोन अगर खाली सी एच सी सीओ सी एच सी होता तो इसको एसिटोन बोलते अब ये ग्रुप यहाँ लगने से एसिटाइल एसिटोन अब टोटोमेरिज्म की बात कर रहे थे तो लो टोटोमेरिज्म यहाँ पर आ गया ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये वाला कार्बन है ना इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ये इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और अपने डेल्टा पॉजिटिव को कम करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन को कार्बन धक्का मार देगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एच डबल बॉन्ड सी एच ठीक है सी एच डबल बॉन्ड सी इरेज करो सी एच डबल बॉन्ड सी और यहां आ जाएगा ओ OH, एच यह आ जाएगा सी एच ट्री टाटोमार बन गया इसका एसिटाइल एसीटोन का टोटोमार अब एक काम करो इसमें से एच प्लस निकलवा लो अगर ये एसीटाइल एसीटोन था तो ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच और लगा दो इस पे आ जाएगा ओ पे माइनस सी एच थ्री इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल एसी टो नेटो एसिटोन से एसिटाइल एसीटो जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं ए सी ए सी माइनस क्या ये बात सबको समझ आ गई एसिटाइल एसिटो अब बड़े ध्यान से देखो मेटल आयन आए, को यहां पर चिपकाओ तो ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पर देगा ये वाला ऑक्सीजन लोन पर देगा कितने मेंबर रिंग बनी एक दो तीन चार पांच छह छह मेंबर रिंग बन गई क्या सबको दिखाई दे रही है एसिटाइल एसिटो अनदर एग्जाम्पल एसिटाइल अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लीगेंड क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो ठीक है एक आपने निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स सुना होगा एक अपना नया लीगेंड है जिसका नाम है डीएमजी अब बच्चों को पता ही नहीं होता कौन कौन से लीगेंड अपने सिलेबस में हैं किन किन को याद रखना है किन किन को हम भूल सकते हैं बट ये करने जरूरी है तो ध्यान से देखते हैं डीएमजी डीएमजी का फुल फॉर्म होता है डाय मिथाइल ग्लाइऑक्साइम जी एल वाई ओ एक्स आई एम ई का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लायोगाइन और अगर इससे एक H+ प्लस निकलवा लो ये बन जाएगा DMG- माइनस अब मुझे DMG- माइनस का कोई नाम बताएगा डाई डाई मिथाइल ग्लायोगाइन तो क्या बन जाएगा मिथाइल जी एल वाईओ एक्स आई एम ए टी ई डाईमिथाइल ऑक्जाइन से बनेगा डाई मिथाइल ग्लाय ठीक है डाईमिथाइल ग्लायोगेट अब इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं फॉर्मूला में भी कोई ऐसी बहुत टफ वाली सिचुएशन नहीं है ग्लायोगओक्साइम क्या होता है क्या ये ग्लायोगल है ठीक है आई I मीन mean, ग्लायोगऑक्सल क्या होता है ग्लायोगऑक्सल ये होता है एच सी ओ एच होता है ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल डाईमिथाइल डाई मिथाइल ग्लायोक्सल दो मिथाइल लगा दो क्या मैं इसको डाई मिथाइल ग्लायोक्सल बोल सकते देखो रटना नहीं है केवल लीगेंट भी है ना अगर आप रटने बैठोगे तो इतने लीगेंट है कि आप थक जाओगे ठीक है कहां पे कार्बन की वैलेंसी पांच हो गई है अच्छा ये एक हाइड्रोजन हटा देना ना

जब कार्बोनिल कंपाउंड में NH2 की रिएक्शन कराते थे कुछ याद है NH2OH की रिएक्शन कराते थे तो हमारा ऑक्साइन बनता था तो अगर मैं डाई मिथाइल ग्लायो का आपको फॉर्मूला बताऊं तो सोचो क्या बनना चाहिए यहां पर NH2OH की रिएक्शन कराओ यहां पर NH2OH की रिएक्शन कराओ तो यहां से पानी निकलेगा यहां से पानी निकलेगा क्या बन गया सी एच थ्री सी ठीक है ना सी सी और यहां लिखो सी एच थ्री यहां लिखो डबल बॉन्ड एन ओ एच यहां लिखो डबल बॉन्ड एन ओ एच ये बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लायोगल ये सी सी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बन गया सी सी सिंगल बॉन्ड क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन ओ एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ये हो गया डाई मिथाइल ग्लायोग एक एच प्लस हटा दो डाई मिथाइल डाई मिथाइल ग्लायोग एक मेटल आयन लगाओ अब देखना कितने ये आ, डोनेट कर सकता है सोचो निकल के साथ जनरली डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनता है निकल टू प्लस होता है वो डीएमजी के साथ रिएक्शन करता है एनआई डीएमजी होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बनता है इसको रोजी रेड प्रेसिपिटेट बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेल में सिखाऊंगी रोजी रेड प्रेसिपिटेट इससे रिलेटेड जेई में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सोच के बताना क्या बनेगा देखें करके देखें कैसे डीएमजी कंबाइन कम, कम्बा, करेगा आपके पास है CH3 C ठीक है यहाँ पे लगाओ C यहाँ पे लगाओ CH3 ठीक है अरे C C क्यों लगा दिया मैंने ठीक है ना डाई मिथाइल ग्लायोक्सल हमें बनाना है क्या बनाने क्या बनाना है डाई मिथाइल ग्लायोक्सिमेट क्या बनाना है डाई मिथाइल ग्लायोक्सिमेट तो देखना पहले वही बना लो CH3 C C और यहाँ लगा दो CH3 अब CH3 के ऊपर डबल बॉन्ड एन लगा हुआ था तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड एन यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड एन सही है डाइमिथाइल ग्लायजल बना लो उसके बाद आप लगा लो ओ माइनस एक पे ओ माइनस लगा लो एक पे ओ एच लगा लो ठीक है सेम ऐसा यहां पर रिपीट कर दो तो यहां लगाओ एन यहां लगाओ ओ माइनस यहां लगाओ डबल बॉन्ड सी यहां सी यहां डबल बॉन्ड एन यहां लगा लो आप ओ माइनस इधर लगा दो यहां ओ OH एच लगा दो ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री क्या ये बात समझ आ गई दो डीएमजी मैंने लिख लिए आमने सामने अब निकल टू प्लस को बीच में रखो क्या रखोगे निकल प्लस को बीच में ठीक है अब मैंने आपको बताया था अगर निकल टू प्लस के बाद भारी भारी लीगेंड्स होते हैं तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है Six. तो देखो कैसे ये नाइट्रोजन इसको लोन पर देगा ये नाइट्रोजन इसको लोन पर देगा, देगा, देगा क्या ये बात सबको अच्छे समझ आ गई मतलब नाइट निकल के अराउंड चार हमारे जो है लीगेंट्स आ गए मतलब चार लोन पेयर्स आ गए अब ये जो O- है इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये O- इस H के साथ बॉन्डिंग करेगा ये बन गया निकल डीएमजी NiDMG होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट जो कि रोजी रेड कलर का होता है रोजी रेड पीपीटी अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको समझ आ गया ये जेई का क्वेश्चन है जेई में पूछा हुआ है क्या यहां पर सबको रोजी रेड पीपीटी निकल डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम का समझ आ गया ठीक है निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर चार मैंने गलती से छह बोल दिया था निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर चार है बट अगर मैं नंबर ऑफ रिंग्स की बात करूं तो एक रिंग यहां बन रही है दूसरी रिंग यहां बन रही है तीसरी रिंग यहां बन रही है चार रिंग्स यहां बन रही है तो लगभग चार रिंग्स आपको देख रहे हो कि चार रिंग बन रही है दो तो नॉर्मल रिंग बन ही रही है इसकी वजह से एक रिंग बनी इसकी वजह से एक रिंग बनी ठीक है इसकी वजह से एक रिंग बनी इसकी वजह से एक रिंग बनी दो रिंग्स तो बनी बट दो एक्स्ट्रा रिंग बन रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ना दो एक्स्ट्रा रिंग बन रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉर्निंग क्या निकल डीएमजी ट्वाइस का सारी की सारी चीजें सबको अच्छे से समझ आ गई हैं किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो नहीं तो हम करते हैं आगे समझ आ गया ठीक है चलो हाँ हाँ ठीक है यहां तक समझ आ गया अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे ठीक है मैंने आपको बोला था ना जो जितने भी थ्री डी सीरीज वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा लीगेंड इनके सामने आ रहा है क्या मतलब कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है कॉर्डिनेशन नंबर फोर फाइव सिक्स शो कर सकते हैं प्लस टू वाले ठीक है उन चार केसेस में वाटर और अमोनिया के लिए निकल टू प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर छह हो जाएगा सीएल माइनस और सीएन माइनस के लिए निकल टू प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो जाएगा ये चार चीजें याद रखनी थी ठीक है अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं जिसका नाम है ईडी टी EDTA पे फोर माइनस हम चार्ज लगा के चलते हैं मैं आपको इसको रटना नहीं है स, ध्यान से समझाती हूं इसका नाम है इथलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट इथलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट जिसको बोलते हैं EDTA टी ए इथलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट अब मैं बताती हूं इथलीन डायअमीन क्या है सबसे पहले सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसको इथाइलिन बोलते हैं इथिलीन बोलते हैं एक काम करो डबल बॉन्ड को हटाओ एन एच टू टू लगा दो एन एच टू लगाओ एन एच टू क्या बन गया इथिलीन डायमीन पहले इथिलीन बनाया था फिर इथिलीन से डायमीन बनाया चार एसिटिक एसिड लगाओ तो एक काम करो ये जो चार आपके हाइड्रोजन है इन चार हाइड्रोजन को हटाओ और इनकी जगह पे एक एक एसिटिक एसिड लगा दो सी एच टी सी एच टू सी ओ एच बट अब एसिटेट बनाना है तो मैंने लगा दिया सी एच टू सीओ माइनस सी एच टू सी ओ माइनस ध्यान से देखना सी एच टू सी ओ माइनस सी एच टू सी ओ माइनस अब एक ईडी टी ए एक EDTA कितने लोन पर डोनेट कर सकता है मान लो ये हमारा मेट लाइन है इसको कितने लोन पर डोनेट करेगा एक ये नाइट्रोजन दो तीन चार पांच छ एक ईडीटीए टी लोन पर डोनेट कर सकता है ईडीटीए को बोलते हैं हेक्सा डेंटेट। ये क्या हो गया डेंटेट लिगेंड। ईडीटीए को क्या बोल देंगे हेग्जा डेंटेट लीगन क्योंकि एक ईडीटीए चार लोन पर डोनेट कर सकता है एंड हेंस इट इज नोन एज हेक्सा डेंटेट ठीक है क्या समझ नहीं आया अपराजिता क्या बोल रहे हो अब मुझे बताओ सबको समझ आ गया यह चीज सबको समझ आ गई ठीक है? अब एक काम करो, एक एक आधा करके मुझे दिखा दो, so that confidence आ जाए आपको, ठीक है? काम करते हैं लेट्स डू अवेशन एक आधे क्वेश्चन कर लो जो जेई मेन जेई एडवांस में पूछे गए हैं, सो दैट इवन आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए ठीक है एक मिनट क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ yes. वन सेकेंड ओके क्वेश्चन करो जेई मेन ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन है मुझे एक बार आंसर बताओ क्या आना चाहिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन दीज टू कॉम्प्लेक्सेस ये दो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लिख रखे हैं आपको बताना है कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का इन दो कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है सोचो समझो और मुझे आंसर दो आ गया आई थिंक देखते ही सब बच्चों का आंसर आ गया है ठीक है ईडीटीए हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यस ये दैट इज करेक्ट ठीक है बहुत बढ़िया देखते ही सब बच्चों का आंसर आ रहा है मैक्सिमम ऑफ यू आर सेइंग कि डी विल बी द करेक्ट आंसर डी क्यों है मैं आपको बता देती हूँ एक जो क्लोरीन है वो मोनोडेंटेट है एक एक इलेक्ट्रॉन लोन पर देगा इथिलीन डायमीन ई e एन एक e ई एन है तो दो डेंटिसिटीज की हो गई है ना और ऐसे दो ई e एन है तो टोटल तो चार तो टोटल चार प्लस एक पांच कोऑर्डिनेशन नंबर है नेक्स्ट आप करो एल्यूमिनियम सी टू एच फोर होल्थ आपका है, तो एक C2, O4, 2 कितने लोन पेयर देगा दो तो ऐसे तीन लगे हुए हैं कितने लोन पेयर देगा छह तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिक्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फाइव एंड सिक्स तो जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया आई थिंक जेई मेन ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन उसके सामने कुछ भी नहीं है इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ये जेई मेन ट्वेंटी नाइनटीन में पूछा गया था ठीक है आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक और करके दिखाओ का एक अगला क्वेश्चन है टेक योर टाइम एंड टेलमी दॉर दिस क्वेश्चन का यही ठीक था वापिस साइड हट जाती हूँ आप मुझे बताओगे वट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी ऑफ अ लीग एंड गिवन बिलो टर्ड अ कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर रिस्पेक्टिवली जो कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट है उस पर आप कितने लीगनशिप चिपका सकते हो और अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा तो ये कितने लोन पर उसको डोनेट कर सकता है मुझे बताओ टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर कई बच्चे सी बोल रहे हैं कई बच्चे जो हैं वो डी बोल रहे हैं सी और डी ओके डी तो नहीं बोलना चाहिए था फिर भी सोचो बी बी कौन बोल रहा है? स्मृति आर्यन ठीक है राहुल तुषार काफी सारे बच्चे बी बोल रहे हैं विच इज द करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूं मैंने आपको क्या बताया जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मैंने आपको बताया वो हद से हद है हाँ ना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं छे का मैंने आपको बोला ना अपने दो से लेके दो होता है कॉमन फिर चार होता है छ होता है कई कई का पांच भी होता है है हाँ ना दो भी काफी कॉमन uh, नहीं है तो फोर और सिक्स वाले कॉमन है तो जो ट्रांजिशन मेटल है वो छी लोन पर अट्रैक्ट कर सकते हैं समझ रहे हो तो इस नाइट्रोजन पे है दो ये तीन ये चार पाँच छ सात आठ ये आठ देने के लिए राजी है बट जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो केवल छे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ट्रांजिशन मेटल आइन्स तो केवल छे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और मैं आपको बताती हूं जब मैंने लेंथनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है ना लेंथेनॉइड और एक्टेनॉय है ना इनका जो साइज है वो थ्री डी के कंपेरिजन में बड़ा होता है आपको मैंने सिखाया था ना थ्री डी का साइज सबसे छोटा होता है फोर्टी फाइव डी का ज्यादा होता है और आप खुद सोचो बाहर से लीग आके इलेक्ट्रॉन्स देगा तो जो सेंट्रल मेटल आयन ना उसके पास उतनी ऑर्बिटल्स भी तो होनी चाहिए ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले सके सो दैट इज वाई अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं मैक्सिमम तो जो आ, नहीं ट्रांजिशन अगर छे कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं तो जो इनर ट्रांजिशन है वो छह से ज्यादा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं सो द आंसर विल बी सिक्स एंड एट सो जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इनर ट्रांजिशन मेरे को याद है मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक में सिखाया था कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ये हमने किया था और तब आपने मेरे से पूछा था क्यों तो मैंने आपको समझाया था कि इसका इफेक्टिव

करना 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 आंसर बताओ आ गया वेरी गुड अग्रिम दैट इज ग्रेट अंकित का आंसर आ चुका है महीपाल का आंसर आ चुका है वेरी गुड वेरी गुड अरण्य का आंसर आ चुका है राहुल का आंसर आ चुका है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टी एच इन के फोर टी एच सी टू सी टू ओ फोर होल फोर एक सी टू ओ फोर दो लोन पर डोनेट करेगा तो चार कितने कर देंगे आठ लोन पे डोनेट करेंगे और एक वाटर एक लोन पे डोनेट करेगा दो कितने कहेंगे दो लोन पर तो टोटल कितने हो गए दस तो आप क्या देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर डी फाइव डी जो फोर डी और फाइव डी सीरीज वाले होते हैं वो सिक्स से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं जेई मेन ट्वेंटी नाइनटीन में उसने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि कॉर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है ठीक है कि कितने लोन पर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एक चीज तो ये पता होनी चाहिए दूसरा ये कि जो फोर्टी फाइव डी सीरीज वाले होते हैं ठीक है या फोर एफ फाइव एफ वाले आप बोल सकते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेंड कर सकते हैं ये बात ठीक है अभी ये क्वेश्चन नहीं होगा यू नीड टाइम टू डू दिस क्वेश्चन अभी देखो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है डेंटिसिटी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है जो मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं ना थोड़ा सा अब हम और स्टडी करेंगे उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब ये नहीं सोचना कि मैम डेंटिसिटी से रिलेटेड तो आपने खाली दो तीन क्वेश्चन कराए हैं और इतनी देर लग गई अरे ये जो आपने चीज सीखी है ना ये आगे सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प हेल्प करेगी तो अब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी और थियोरी सिखाऊंगी और सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते जाओगे ठीक है जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वही लोन पर डोनेट कर सकता है जिसके पास नेगेटिव कम होगा वो लोन पर उतना डोनेट नहीं कर सकते ठीक है अब ध्यान से देखते हैं चलो आगे कंटिन्यू करते हैं एम्बीडेंट एट लीगेंस मैंने आपको सिखा दिए और थोड़ा सा एम्बीडेंट एट लीगेंस के बारे में मैं बात कर लेती हूँ ठीक है एक बार एम्बीडेंट एड लीगेंस के बारे में हम एक बार दोबारा बात करते हैं सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सी एन माइनस का जो कार्बन डोनर भी हो सकता है नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है सही बात है ना मैंने कार्बन डोनर लिखा था नाइट्रोजन डोनर लिखा था दो तरीके से डोनेट कर सकते हैं अब मान लो मुझे इनका आयुपेक नेम लिखना है या लेटेस्ट से जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सी एन है कार्बन से डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन की साइड से डोनेट कर रहा है तो इसको लिखने का एक तरीका है ध्यान से देखो जो डोनेट कर रहा होता है ना उसको हम जनरली आगे लिखते हैं जैसे मैंने सी एन लिखा ना अगर मैंने सी एन लिखा तो इसका मतलब यहां पर कार्बन की साइड से डोनेशन हो रही है इसका नाम क्या होता है सीएन माइनस जैसे के सी एन पोटेशियम साइनाइड साइनाइड होता है ना इसका नाम तो इसका नाम क्या लिख देंगे सीवाई एन आई डी ओ साइनाइडो और ये सी से डोनेट कर रहा है तो इसका नाम क्या लिख देंगे साइनाइडो सी क्या ये बात सबको समझ आई मान लो पेपर में ऐसे लिखा होता एन सी माइनस मतलब यहां पहले एन लिखा होता तो हम मानेंगे कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है साइनाइडो एन रट्टा तो नहीं मारा ना जैसे साइनाइड होता है तो मैंने अच्छे से हमने वहां पर केमिस्ट्री में एनओ टू माइनस एनओ टू जो है वो नाइट्रोजन की साइड से भी डोनेट कर सकता है तो एनओ टू माइनस को क्या लिखूंगी मैं जैसे एच एन टू है ना नाइट्राइट नाइट्राइट होता ना तो इसका नाम क्या लिख देंगे नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज नाइट्राइटो एन यह वैसे भी आपको पता है एनओ टू को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं सो so इसको आप नाइट्रो भी लिख सकते हो इट इज इधर रिटन एज नाइट्रो और इट इज रिटन एज माइनस विच इज नाइट्राइटो एन कल को आपको ऐसे लिखा हुआ मिले ओ एन ओ मतलब ओ की साइड से वो डोनेट कर रहा है तो इसको क्या लिख देंगे नाइट्राइटो ओ इसको नाइट्रो नहीं लिखते हैं इसका कॉमन नाम है नाइट्राइटो ओ इसका कॉमन नाम है नाइट्राइटो एन

ओ सी एन माइनस आपने लिखा है तो ओ सी एन माइनस का पहले तो मुझे नाम बताओ क्या होता है सीएनओ या ओ सी एन माइनस को क्या बोलते हैं साइनो नहीं है ना साइनाइडो साइनाइडो ठीक है साइनो मतलब अलग अलग नॉमिन कहते हैं पुरानी में साइनो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो यूज करते थे साइनाइडो भी है फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो ये भी हम यूज करते हैं ठीक है सीएन माइनस का एक बार मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊं आपको जैसे कार्बन है चार बॉन्ड बनाएगा दो नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन के साथ यहां है अब ये जो है वो ऑक्सीजन की से भी डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन की साइड से भी डोनेट कर सकता है तो अगर ओ सी एन लिखा है तो मतलब ऑक्सीजन की साइड से डोनेट हो रहा है साइनेटो ओ है ना इसका नाम क्या हो जाएगा साइनेटो ओ और अगर एनसीओ लिखा होता तो नाइट्रोजन की साइड से डोनेट होता साइनेटो एन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड और ऐसे ही कल को आप एस सी एन माइनस लिख सकते हो जो एस से डोनेट करेगा या एन सी एस लिख लिख सकते हो जो एन की साइड से डोनर होगा समझ गए ना तो एस की साइड से भी डोनर लिख सकते हो और एन की साइड से अच्छा एक बात बताया ना ये तो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाओगे तो इसको साइनेट बोलते थे तो इसको थायो बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा थायो Cyanato, एन ए टीओ N. साइनेटो एस एन क्या ये बात सबको समझ आ गई एम बी की पूरी की पूरी कहानी मैंने आप सबको समझा दी है किसी को कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ सकते हो नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बताओ दिस इज क्लियर टू एवरी वन या फिर कोई दिक्कत है जल्दी से बताओ ठीक है थायोसाइनेटो साइनेटो चलो ओके नहीं अभी ब्रेक नहीं लेंगे ब्रेक अभी थोड़े बाद में लेंगे है ना आज तो लेट ही क्लास स्टार्ट हुई है तो थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे बट एक सेकेंड मैं पानी पी लूँ फिर कंटिन्यू करती हूँ विद योर न्यू टॉपिक ठीक है जस्ट गिव मी वन सेकेंड चलो अब मैं आपको ना दो नए टाइप के लीगेंस सिखाती हूँ जो जनरली बुक्स में सबसे लास्ट में दे दे रखे रखे होते हैं एक टॉपिक होता है सिनर्जिक सिनर्जिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग बट मैं आपको क्योंकि हम लीगेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट लीगेंट्स मेरी बात सुनो लीगेंस को जब शुरू शुरू में डिफाइन किया गया तो लीगेंट्स का मतलब यह निकाला गया इलेक्ट्रॉन्स देने वाले है ना लीगेंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते है. metal, metal line, उनको हैं समवन क्लासिकल सॉन्ग्स क्लासिकल मूवीज तुमने सुनी होंगी एक होते हैं नॉन क्लासिकल थोड़े मॉडर्न ठीक है ना नॉन क्लासिकल लिख दो या मैं मॉडर्न लिख देती हूँ क्लासिकल तो वो हो गया जो जनरली एक्सेप्टेबल है हाना? क्लासिकल लीगेंड्स वो होते हैं जिनका केवल एक ही काम है ये सेंट्रल मेटल आइन है और ये लीगेंड है अगर लीगेंड जो है सेंट्रल मेटल आइन को इलेक्ट्रॉन्स देता है मतलब लीगेंड का एक ही काम है सेंट्रल मेटल आइन को इलेक्ट्रॉन देना तो अगर लीगेंड सेंट्रल मेटल आइन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे लीगेंड्स को बोलते हैं क्लासिकल लीगेंड्स मतलब जितने अभी तक आपने पढ़े जैसे ओ पढ़ लिया जैसे ओ एच माइनस पढ़ लिया जैसे एफ माइनस पढ़ लिया ये सारे के सारे लीगेंस का क्या काम होता है कि ये, ये, ये सेंट्रल मेटल इनको बोलते हैं क्लासिकल लीगें ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक नई कैटेगरी होती है लीगेंस की जो आगे सिनर्जिक बॉन्डिंग में बहुत काम आने वाली है इनको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल या फिर मॉडर्न लीगेंस ये क्या करते हैं लीगेन का मेन काम क्या होता है कि वो सेंट्रल मेटल आइन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे अब ऐसा तो है नहीं कि जो अपना सेंट्रल मेटल आइन है एकदम भिखारी है भाई जैसे थ्री सीरीज वाले हैं मैं मानती हूँ इनके पास थ्री डी और वाइटल में कुछ खाली हो सकते हैं बट इनके पास अपने भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अब ये सेंट्रल मेटल आइन अब है तो मेटल और मेटल का क्या चाहत होती है मेटल क्या चाहता है मेटल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ मतलब ये ले तो रहा है लीगेंट से बट एट द सेम टाइम ये मेटल जो है वो लीगेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता भी है मतलब एक ऐसा लीगेंड जिसके पास है ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होती है ऐसे लीगेंट को बोलते हैं नॉन क्लासिकल लीगेंस या फिर जनरली आप इनको बोल सकते हो मॉडर्न लीगेंस मतलब दीज वेकेंट और बाइटल्स ऑफ अरे ये क्या हो रहा है Of sufficient energy. ये ये बारी-बारी पेंसिल ही नहीं चल रही? These ligands vacant orbitals of sufficient energy, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे लीगेंस को क्या बोल देते हैं नॉन क्लासिकल लीगेंस ऐसे लीगेंस को क्या बोलते हैं नॉन क्लासिकल लीगेंस क्या ही आपको समझ आ गया इन लीगेंस को है ना इस टाइप के लीगेंस को आप पाई एसिड लीगेंट की तरह भी यूज कर सकते हो मतलब दे आर नोन एज पाई एसिड लीगेंट लीगेंट का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एसिड ल्यूस एसिड कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो इसीलिए इन लीगेंट्स को हम पाई एसिड लीगेंट भी बोलते हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता रखते हैं दोज विच हैव द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये है कार्बन के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लेट से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा तो ये हो गया आपको मैं एक बात बताती हूं। जहां जहां पर पाई और बाइटल भी होता है और वो एम है कार्बन के मोनोऑक्साइड के केस में पाई स्टार एम है तो अब जैसे ये ऐसे एम टी और बाइटल हम ऐसे दिखाएंगे ये पाई स्टार है तो इसने मेटल को दिया अब मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है ये फिल्ड है मेटल के कुछ ऑर्बिटल्स बाइटल फील्ड है अब ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन बैक किसको दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को तो ऐसे लीगेंट जो देने के साथ साथ लेने की भी क्षमता रखते हैं उन लीगेंट्स को बोलते हैं नॉन क्लासिकल लीगेंट्स या फिर पाई एसिड लीगेंट क्या ये बात समझ आ गई इनका यूज हम अभी आगे करने वाले हैं ठीक है बट आई थिंक थोड़ा सा हिंट आपको देना यहां पर बनता था तो क्या ये छोटी सी चीज छोटा सा हिंट सबको समझ आ गया तो अब हम कंटिन्यू करते हैं यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं तो बताओ ठीक है सॉल्ट एनालिसिस नेक्स्ट करेंगे ठीक है

मेटल कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं मान लो मेटल है मेटल के पास एम टी और बाइटल है जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और एट द सेम टाइम मेटल के पास कुछ फील्ड और वाइटल भी है उनको हम जनरली ऐसे शो कर देते हैं ये एनसीआर का डायग्राम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो मेटल के पास कुछ फील्ड और वाइटल भी है एट द सेम टाइम मेटल के पास कुछ एम टी डी और वाइटल भी है अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आया अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कार्बन के पास लोन पेयर थे एट द सेम टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कुछ वेकेंट पाई स्टार और भी थे तो कार्बन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिया मेटल को ये बन गया सिग्मा बॉन्ड ये बन गया सिग्मा बॉन्ड अब मेटल ने अपने फील्ड और बाइटल से कार्बन के एम्प्टी और बाइटल में कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी और बाइटल में इलेक्ट्रॉन दिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड ठीक है और ये जो लीगेंट था ये जो लीगेंट था ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और पाई बॉन्ड की तरफ पाई बॉन्ड के जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड और ये जो डबल बॉन्ड बना मतलब लेन देन का रिलेशनशिप इस लेन देन के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ मैं तुमसे कोई फीस नहीं ले रही हूं बट मैं उसके बदले तुम्हें बोलती हूँ ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करो डेकोरम मेंटेन करके रखो अच्छे से पढ़ो शेयर करो लाइक like करो मतलब like, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग अब जब दोनों जगह से है ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप लेन देन का रिलेशनशिप होता है तो वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसने इसको दिया बॉन्ड बना स्ट्रेंथ आई इसने इसको वापस दिया बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से यहां से डिस्कशन कर सकते हो पहले मुझे बताओ इज दिस दिंग क्लियर टू एवरी या कोई डाउट है ठीक है आज नहीं है मॉक टेस्ट आज है कल होना चाहिए ना ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज ओके ठीक है क्लियर है अब मेरी बात ध्यान से सुनना लेट अस कंटिन्यू फर्दर यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई है अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे ठीक है ये बात कंप्लीट हो गई है लेट्स कंटिन्यू फर्दर एक हमारे पास ना जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं है हाँ ना मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करती हूँ हेलो 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 गाइस कैन यू हैव मी सो आज थोड़ा दुख हो रहा है <laughs> है ना अब ठीक है ब्रेक दे दो अरे हेलो जी वंस अगेन <laughs> हेलो हेलो <laughs> चलो सो so, गाइज आज थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू है हमारी साइड बहुत बार ऐसे हो रहा है दो तीन बार लैग हो चुका है बीच में है ना मैं मतलब जैसी क्लास ले रही होती हूँ मेरे सामने वाले स्क्रीन पे आ जाता है ओबीएस डिसकनेक्टेड ओ बी एस डिसकनेक्टेड तो मैं वहाँ जाती हूँ रिफ्रेश करती हूँ इतनी देर में मतलब थोड़ा सा लैग आ जाता है ठीक है बर्तन की आवाज आ रही है नहीं बर्तन हमारे घर में तो देखो सबसे नीचे स्टूडियो बना हुआ है तो बर्तन वर्तन हम यहाँ पे नहीं धो सकते हैं बाजू वाले हो सकते हैं ठीक है ओके चलिए तो यहाँ तक हमें सिनर्जिक बॉन्डिंग समझ आ गया एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहती हूँ मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सुनना हाँ Uh, मतलब रिसेंटली जेई के पेपर में जेई मेन और जेई एडवांस के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछना बंद कर दिया बट अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखो लाइक फॉर एग्जांपल 2005, 6, 7, 8 के पेपर्स देखो तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक बहुत बार पूछा जाता था तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको करा दूँ बड़े ध्यान से समझना बाकी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे हो जाएंगे बट अभी रिसेंटली इन इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना देखो वैसे अगर ध्यान से देखो तो आप समझ रहे हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है तीन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है तीन आप सब बच्चे जानते हो ना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा बॉन्ड की लेंथ कम होगी बट बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ये बात सही है अब मेरी बात ध्यान से सुनो Uh, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम कराया था और वहां मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो ये जो कार्बन वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बात बताओ जैसे ये कार्बन पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है तो जब मैं इसका एमओटी बना के इलेक्ट्रॉन्स फिल करती हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है जब हम एमओटी का बनाते हैं आपको याद होगा तो जो कार्बन का है ना जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर और बाइटल होता है मतलब जो हाइएस्ट और बाइटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें लाई करता है वो एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल आते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं है ना और ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल है इसके अंदर थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है इट हैज एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर मतलब है तो नॉन बॉन्डिंग बट इसकी एनर्जी कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो लोन पेयर था इसके था तो नॉन बॉन्डिंग के अंदर बट इसके अंदर कुछ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था तो जब कार्बन अपना लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है जब कार्बन ने अपना लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट किया

और लिए किसमें पाई स्टार में तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आता है आपको आपने सीखा हुआ ना जब भी पाई में इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्डिंग कैरेक्टर आएगा पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आए तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा तो जब जब मेटल जब जब मेटल है ना इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ेंगे तो मतलब अब जाके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा तो जो सेंट्रल मेटल है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो उतना कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कम होते ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है है बढ़ क्या ये बात सबको समझ आई जब सीओ ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए थे जब सी एक फ्री लिगेंड था तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो थ्री था जब सीओ ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए तो उसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम हो रहा था बट एट द सेम टाइम मेटल ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमटी पाई स्टार में दे दिए खूब एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ गया मतलब अब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो थ्री से कम हो गया तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस मतलब चार पांच एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन सब में से सी और ओ के बीच में जो मैक्सिमम बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ किसकी होगी वीक बॉन्ड कौन सा होगा है ना कौन सा स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीज़ें आप इससे रिलेट कर सकते हो वैसे खुद सोचो अगर जो मेटल है है ना अगर मेटल पे मान लो नेगेटिव चार्ज है या जीरो चार्ज है मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो मेटल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा मतलब एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा आएंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कम हो जाएगा और कल को मान लो इस सेंट्रल मेटल आइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस सेंट्रल मेटल आइन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा अब ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल आइन कार्बन मोनोऑक्साइड को तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा मतलब इतनी तगड़ी बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा समझ गए तो अगर मेटल आइन जो सेंट्रल मेटल आइन है वो नेगेटिवली चार्ज है या उस पर लेस पॉजिटिव चार्ज है तो वो उतना ज्यादा डोनेशन करेगा कार्बन मोनोक्साइड के पाई स्टार में मैं वापस बोल रही हूँ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप थियोरेटिकल जो क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव वो उठा के देखो या लगभग टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन तक इसके क्वेश्चन बट उसके बाद मतलब लिटरली इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं तो क्वेश्चन थे नहीं तो मैंने नहीं डाले जो पुराने पुराने क्वेश्चन है आप उनको ट्राई कर सकते हो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दिया है ठीक है क्लियर है यहां तक चीज क्लियर हो गई अब हम एक नई थियोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्नर्स थियोरी मतलब देखो मैंने आपको खूब सारे बेसिक सिखा दिए ठीक है मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं सिखाया बट मैंने आपको ये बताया कॉर्डिनेशन फियर कॉर्डिनेशन एंटिटी आयनाइजेशन स्ियर है ना कॉम्प्लेक्स पार्ट काउंटर आयन क्या होता है कॉर्डिनेशन नंबर डेंटिसिटी बैक बॉन्डिंग ये सारी चीज़ें हमने मतलब टुकड़ों टुकड़ों में सीख लिया अब इन सारे टुकड़ों को ज्वाइन करके हमें पूरी की पूरी थियरीज कंप्लीट करनी है हमारे पास तीन थियरी हैं एक है वर्नर थियोरी एक है वैलेंस बॉन्ड थियोरी एक है सी जितने क्वेश्चन आएंगे वर्नर से आ सकते हैं वीबीटी से आएंगे सी से आएंगे और दो और छोटे टॉपिक्स हैं एक है आइसोमेरिज्म और एक है नॉमिनक्लेचर तो वर्नर थियरी कंप्लीट कर लो फिर नॉमिनक्लेचर सिखाऊंगी उसके बाद वीबीटी सी एफ टी और क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म ये तीन चार चीजें हम कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं वर्नर थियरी क्या कहती है वर्नर थियरी ये कहती है कि अगर आपने एक कोर्डिनेशन कंपाउंड उठाया सपोज करो आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की वैलेंसीज होती है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है या फिर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो दो वैलेंसी शो करता है एक अपनी होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक अपनी होती है सेकेंडरी वैलेंसी बड़े ध्यान से एक-एक चीज -एक को समझना जो अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है एक होती है उस सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी एक होती है उस सेंट्रल मेटल आयन की सेकेंडरी वैलेंसी अब इसकी हजारों डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगे आप कंफ्यूज हो गए मैं आपको डायरेक्टली एक बात बता देती हूँ वो बात याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल लाइन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी तो आपको वो याद रह जाएगी सिंपल वो जो पॉइंट बता रही हूं उसको याद रख लेना सो दिस इज ट्रिक नंबर फोर ध्यान रखना ठीक है ये ट्रिक बता रही हूं ये ट्रिक काफी अच्छी है अच्छे से याद रखना किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब होता है जो भी सेंट्रल मेटल आयन है ठीक है ना यू सिंपली हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया के फोर एफ सी एन सिक्स के फोर एफ सी एन सिक्स और कल को मैं आपसे पूछ रू कि भाई इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ तो कुछ नहीं करना ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो पोटेशियम पे प्लस फोर है तो क्या बन गया एफ ई होल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स मान लो माइनस सिक्स टू माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस टू तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई प्लस टू क्या ये बात सबको समझ आ गई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो वही उस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है पॉइंट नंबर टू सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो सकती है द कोऑर्डिनेशन नंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट पेयर लेके आए तो आई एन की आयन तो मतलब की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी सिक्स केवल ये बात आपको याद रखनी आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे क्या यही बात सबको समझ आ गई प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है किसी भी सेंट्रल मेटल आइन कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या यह बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है क्लियर हो गया अब बड़े ध्यान से देखो ध्यान से समझना ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है मैं बोल दूंगी और इस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा ये जो आपका काउंटर मेटल है ना काउंटर आयन जो लगा हुआ है

सेकेंडरी जो, जो लीगेंड और सेंट्रल मेटल आइन के बीच में बॉन्ड बनता है वो कॉर्डिनेट बॉन्ड होता है प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है ये आयनाइज हो, हो सकती है अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई या किसी को कोई दिक्कत है क्लियर है यहां तक सबको समझ आ गया ठीक है क्लियर है कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम तो पूछो इज बाउंस बैक एनअ टू क्रैक जेई फॉर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू द सेशन यार मतलब मैं तो ये बोलूँगी जिन बच्चों ने बाउंस बैक को स्टार्टिंग से अब तक फॉलो किया है दे आर लाइक वेरी क्लोज टू जेई नाउ मतलब पूरे पूरे वन शॉट्स आपको यहाँ पर कराए गए हैं तो अगर आप बाउंस बैक को तसली से दिल से फॉलो करते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल लास्ट आपका जेई में सिलेक्शन होगा ही होगा विद रियली गुड रैंक आपकी परसेंटाइल डेफिनेटली तगड़ी आने वाली है अगर किसी ने पूरे बाउंस बैक के सारे सेशन को फॉलो किया ये जो मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ ना ये जो बताने की चीजें हैं अब बुक्स में पढ़ोगे कर दो पाँच पाँच छः लाइन्स के पैराग्राफ लिखे होते हैं अब उन पैराग्राफ में से पढ़ के भी आप डिसाइफर नहीं कर पाते कि पैराग्राफ क्या क्या रहा है इनसे क्वेश्चन कैसे करने हैं तो थियरी की तरह तो आप पूरी बुक पढ़ लेते हो बट क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना तो आपको वो ट्रिक्स यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ जिनसे डायरेक्टली मतलब आप क्वेश्चन बना सको क्या ये बात सबको समझ आ गई है ना अब एक काम करते हैं मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देती हूँ आप मुझे उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल के बताना ठीक है यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास है आर एच पी पी एच थ्री होल्थ्राइस क्लोरिन कोई मुझे इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताएगा ट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स और आप मुझे बताओगे इस कॉम्प्लेक्स में ठीक है आरएच की प्राइमरी वैलेंसी और आप मुझे बताओगे सेकेंडरी वैलेंसी टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है टेक योर टाइम एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ब्रेक 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 अभी मिलेगा पहले ये कर लो ब्रेक अभी ले लेंगे पहले ये कर लो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जल्दी से बताओ आर एच पी पी एच थ्री थ्राई सी एल प्राइमरी वैलेंसी कोई मुझे इसका पहले तो कॉमन नेम बता दो कॉमन नेम वेरी गुड महिपाल इज द ठीक है महिपाल ने एकदम सही आंसर दे दिया है कि इसको बोलते हैं कैटलिस्ट दिस इज नोन एजन कैटलिस्ट यू आर हंड्रेड परसेंट करेक्ट अब कैटलिस्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी वैलेंसी बताओ तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ये जो सेंट्रल मेटल आइन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है ट्राइफिनाइल फिनाइल फॉस्फिन जैसे फॉस्फरस और उस पर तीन फिनाइल लगे हुए हैं इसको बोलते हैं ट्राई फॉस्फिन सही है ना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखना जरा ये न्यूट्रल है और सी पे एक माइनस चार्ज तो इस पे माइनस वन तो ये प्लस वन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन आ रही है तो प्राइमरी वैलेंसी प्लस वन क्लियर है अगर मैं आपसे पूछू सेकेंडरी वैलेंसी तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेंगे तो तीन तो तीन इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेंगे लोन पर ये एक लोन पर डोनेट करेगा तो सेकेंडरी वैलेंसी चार्ज विलकिनसन कैटलिस्ट हंड्रेड करेक्ट सही है सबको समझ आ गया क्लियर है चलिए नेक्स्ट अगर कोई मुझे करके दिखाना चाहे ठीक है आपको मुझे बताना है एक नया टॉपिक ही दे देती हूं मैं छोड़ो एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं भाई साहब इससे क्वेश्चन आता है इसको बोलते हैं ई एन रूल अब अब मतलब देखो आपने मेन मेन सारे काम कर लिए हैं अब तो उन सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद थे ना जैसे वर्नर्स थ्योरी में क्या था अगर मान लो मैं क्लास की स्टार्टिंग में बताऊं कि एक सेंट्रल मेटल लाइन होता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो आपको लीगेंट क्या होते हैं लीगेंट कितने टाइप के होते हैं डेंटिसिटी ये नहीं कर पाते तो इसीलिए मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया टॉपिक सारे कराऊंगी कोई टॉपिक छूटेगा नहीं जितने जई के क्वेश्चन लास्ट में है सारे के सारे हम करेंगे बस हाँ पैटर्न मतलब अपने तरीके से करा रही हूँ आज जो सीक्वेंस है वो अपना फॉलो कर रही हूँ ई नया टॉपिक है इसका नाम होता है इफेक्टिव ठीक है का नाम इ, इसका नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ई एन का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं जबकि मैं बोलूंगी डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखो ठीक है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया के फोर एफ ई सी एन सिक्स ठीक है सपोज हमने एक कंपाउंड ले लिया के फोर एफई सी एन सिक्स यहां पर आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली कितनी आ रही थी प्लस टू है ना आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली कितनी आ रही थी प्लस टू और आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकाला तो कितना आ रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर आयन का छ क्योंकि छह सी एन है और हर सी एन एक, एक लोन पर देता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिक्स ठीक है अब मुझे बताओ जब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा जब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा तो इस आयन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आयन के अंदर कैसे निकालेंगे आयन का अटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स तो उसके अंदर पहले छब्बीस इलेक्ट्रॉन थे अब जब एफ ई पे टू प्लस आया तो उसके दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए एफ ई पे टू प्लस आया दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए बचे कितने चौबीस एक सी एन दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो छह सी एन कितने इलेक्ट्रॉन देगा बारह प्लस कर दो ट्वेल्व तो कितने हो गए थर्टी सिक्स मतलब वो कह रहे हैं जब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा है ना जब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो आ, है, ये जो सेंट्रल सेंट्रल मेटल मेटल आयन आयन है 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 ठीक ये ये एकदम इनर्ट गैस जो नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसकी कॉन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं कि एफ के फॉर एफ ई सी एन सिक्स में एफ ई का जो इफेक्टिव अटोमिक नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है छत्तीस थर्टी सिक्स ठीक है आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको सेंट्रल मेटल मेटलाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं क्या ये बात सबको समझ आई इफेक्टिव अटोमिक नंबर क्या है घबराना नहीं है कोई थियरी नहीं कोई डेफिनेशन नहीं इफेक्टिव अटोमिक नंबर कैसे निकालते हैं बहुत सारे फॉर्मूला भी हैं बट अपने को कोई फॉर्मुला नहीं करना मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ के फॉर एफिशियंसिक कोई भी अभी आप भी निकालोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका सेंट्रल मेटल लाइन को चूज करो जब वो कॉम्प्लेक्स बना है ना पूरा बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आने के बाद ओवरऑल उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक काम करके दिखाओगे सब लोग एक काम करके दिखाओ मुझे ठीक है आप मुझे करके दिखाओ सी यू एन एच थ्री होल फोर सी यू एन एच थ्री होल फोर एसओ फोर मुझे इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टाइम लीजिए और आंसर करिए सी यू एन एस सी होल फॉर टू पॉजिटिव सी यू एन एस फॉर एसओ फोर इसमें कॉपर का इफेक्टिव अटोमिक नंबर कितना होगा नोबल गैस है ना थर्टी सिक्स वोअर्स नोबल गैस जो नियरेस्ट आई एन ट्वेंटी सिक्स के नियरेस्ट नोबल गैस थर्टी सिक्स वाली है तो मतलब हर जो मेटल है वो कोशिश करता है कि जब मेरा कॉम्प्लेक्स बने मेरी इफेक्टिव अटोमिक नंबर जो मतलब जो मेरा टोटल नंबर आ जाए इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आने चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस जैसे ल्यूस ने कहता था कि भाई मैं बॉन्ड तभी बनाऊंगे मतलब एटम्स कहते थे कि हम बॉन्ड तभी बनाएंगे चाहे शेयरिंग चाहे लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑक्टेट uh, ले पाए है ना नियरेस्ट नोबल गैस बन पाए ऐसे ही ई e. ने कहा इफेक्टिव अटोमिक नंबर ये कहता है कि भाई जब भी एक सेंट्रल मेटल आयन है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स तभी बनाना चाहेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने देने के बाद उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ जाए जल्दी से बताओ क्या आंसर आया 35 आ रहा है CuNH3 होल फॉर SO4 ठीक है इसके अगर मेरे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखना कॉपर एक बार देखो सी यू एन एच थ्री होल फोर इस पे आ जाएगा टू पॉजिटिव चार्ज ठीक है और यहां पर एसओ फोर पे कितना आ जाएगा टू माइनस चार्ज क्या ये बात सबको समझ आ गई अभी कुछ कुछ पता है एक्सेप्शन भी थे है ना इफेक्टिव अटोमिक नंबर के कुछ कुछ एक्सेप्शन भी थे जनरली जो अपना इफेक्टिव अटोमिक नंबर का वो था देखो एक फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कॉपर का अगर आपने निकालना है तो कितना आएगा कॉपर वैसे कितना होता है ट्वेंटी नाइन इरेज करना कॉपर होता है अपना ट्वेंटी नाइन तो 29 में से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कितना बचा 27 और अब यहाँ पर चार चार अमोनिया है मतलब आठ इलेक्ट्रॉन्स ही आ गए तो कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 मतलब आ, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 सिक्स आ रहा है या नोबल गैस वाला आ रहा है तो वो काफी स्टेबल है अगर उसका थर्टी आ रहा है तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ठीक है और अपनी रिडक्शन कराना चाहेगा मतलब इटवी एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर किसी का ज्यादा आ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या ये बात सबको समझ आ गई ठीक है इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं आई होप ये बेसिक सी चीज सबको अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज क्लियर हुई तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है ये क्लियर है क्लियर है क्लियर है चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे यू हैव टू टेल मी ठीक है कि अगर मैंने क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनाना है सी आर सी ओ सिक्स तो इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर ठीक है ये जो ई एन रूल थे ये सिडविक ने दिए थे तो इनको हम सिडविक्स ई एन रूल भी बोलते हैं क्योंकि सिडविक ने इन ई एन इफेक्टिव अटोमिक नंबर को डिफाइन किया था ठीक है वी ऑल्सो कॉल इट एज सिडविक ई एन रूल्स समझ गए जल्दी से बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू फटाफट फटाफट हाँ इसके बाद ब्रेक ले लेंगे जल्दी से बताओ <laughs> जल्दी से मान लो ठीक है मान लो ये जो क्रोमियम है ना क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर और अगर क्रोमियम को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रो, क्रोमियम को कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थर्टी सिक्स तो एक काम करो क्रोमियम के खुद के ट्वेंटी फोर कार्बन मोनॉक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं है तो ट्वेंटी फोर में एक जो कार्बन मोनोक्साइड है वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हमने एक्स ले लिए तो टोटल कितने हो गए छत्तीस तो टू एक्स so, तो तु, तु कितना हो गया बारह एक्स की वैल्यू होगी सिक्स तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हमारे काम आते हैं जब वो आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिडिक्ट कराएगा तो आप दिमाग में रख सकते हो कि ई एन रूल को हम यहां पर यूज कर सकते हैं क्या ये बात सबको समझ आई ठीक है दिस इज क्लियर टू एवरी वन आगे करते हैं ये क्लियर हो गया ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो अगर मान लो आपने एक ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ मान लो आपने मेटल कार्बोनिल बनाया मतलब ये जो ई एंड रूल है ना जनरली ये कार्बोनिल कंपाउंड्स पे हम ज्यादा लगाते हैं ठीक है उसमें सही रिजल्ट आते हैं मतलब मान लो मेटल कार्बोनिल है तो ये जब मेटल जो है कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो वो चाहता है कि मेरे पास थर्टी सिक्स हो जाए अगर मेटल ने कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाया थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए तो तो बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल स्टेबल है मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में पैंतीस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो उसकी कोशिश रहेगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सके टू फॉर्म थर्टी सिक्स अगर मेटल कार्बोनिल के पास थर्टी सेवन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी रहेगी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म थर्टी सिक्स क्या ये बात सबको समझ आ गई अगर मेटल कार्बोनिल के पास मान लो थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ठीक है ना मान लो मेटल कार्बोनिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं थर्टी फोर तो वो चाहेगा यार मैं दो इलेक्ट्रॉन का मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूं ताकि मेरे पास थर्टी सिक्स हो जाए अगर मेटल कार्बोनिल के पास थर्टी थ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो चाहेगा कि भाई हम तीन इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करें टोटल थर्टी सिक्स हो जाए मतलब हर मेटल कार्बोनिल की टेंडेंसी ये होती है कि मैं अपने अंदर मैं अपने अंदर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर सकूं क्या ये बात मतलब वहाँ तक अटेन कर सकूं क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है अब एक बात बताओ मान लो आपके पास थर्टी फाइव है एक मेटल कार्बोनिल है ठीक है एक मेटल इसके ऊपर सी ओ सी ओ सी ओ है इसके अंदर लेटेस्ट से थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और आपके पास एक और मेटल कार्बोनिल है और इसके पास भी से 35 रहे हैं। तो ये चाहता है एक मिल जाए तो क्यों डाइमर बना ले। क्या समझ डाइमर कब बनता है? जब एक मेटल कार्बोनिल के पास पैंतीस इलेक्ट्रॉन्स हो दूसरे मेटल कार्बोनिल के पास पैंतीस इलेक्ट्रॉन हो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कोशिश करते हैं हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और हमारा एक डाइमर बन जाए क्या ये बात सबको समझ आई क्या ये सबको समझ आई कोई दिक्कत है तो बताओ आगे देखो मान लो आपके पास एक मेटल मेटल कार्बोनिल है ठीक है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है थर्टी फोर इसके पास थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन है एक और मेटल कार्बोनिल है मतलब सेम ही कैटेगरी का है इसके पास भी थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन है एक और मेटल कार्बोनिल है इसके पास भी थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन है तो हर मेटल कार्बोनिल चाहता है कि मेरे थर्टी सिक्स हो जाए तो डोंट यू थिंक ये इसके साथ कम्बाइन करेगा इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये और ये वाला भी थर्टी फोर है एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ मतलब अगर किसी मेटल होंगे तो वो क्या कोशिश करेगा वो कोशिश करेगा कि मैं ट्राइमर बन जाऊं क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि वो कोशिश करेगा मैं ट्राइमर बन जाऊं क्या ये बात सबको समझ आई एक एग्जांपल से समझाती हूँ आई थिंक और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर एग्जांपल आपने लिया मैंगनीज सी ओ फाइव सोच के बताओ ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए है ना मेटल कार्बोनिल है इसकी स्टेबिलिटी इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ई एन लगा लेते हैं एक बार ई एन लगाना और मुझे बताओ ई e एन लगाकर कि मैंगनीज कि यहां पर इफेक्टिव अटोमिक नंबर कितना आ रहा है जल्दी से बताओ एम एन सी ओ फाइव में मैंगनीज का इफेक्टिव अटोमिक नंबर कितना आ रहा है लैग नहीं होना चाहिए यार सब सही चल रहा है मैंगनीज का इफेक्टिव अटोमिक नंबर कितना आ रहा है सोचो समझो और मुझे बताओ थर्टी फाइव आ रहा है सबका क्लियर है क्लियर है आ गया कैसे पच्चीस इसके खुद के हैं और हर कार्बोनिल दो देता है पांच कार्बोनिल है तो टोटल थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉनज हैं तो या तो मैंगनीज एम एन सी ओ फाइव चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एम एन सी ओ फाइव माइनस बना लूँ या ये देखो एक एम एन सी ओ फाइव के पास कितने एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऐसे ही एक और एम एन सी ओ फाइव के पास एक और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो डोंट यू थिंक ये दोनों आपस में मिक्स होकर के एम एन सी ओ फाइव का डाइमर बना लेंगे एम एन टू सी ओ टेन और अगर एम एन टू सीओ टेन की शक्ल बताऊं मैं तो कुछ ऐसी होती है ठीक है आपको कितने कितने कार्बोनिल कार्बोनिल लगाने हैं पांच पांच कार्बोनिल आपको दोनों साइड पे लगाने हैं तो ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे कितने मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होंगे लाइक फॉर एग्जांपल इन एम एन सीओ फाइव समझ गए एक मुझे फटाफट से करके बताओ ठीक है एक अच्छा सा क्वेश्चन आप करके बताओगे आपके पास है सी ओ होल फोर कोबाल्ट का टेट्रा सो so, फट, फटाफट से करके बताओ इसके अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड होने चाहिए वट यू थिंक हाउ मेनी मेटल मेटल बॉन्ड शुड बी देयर ठीक है हाँ अभी ब्रेक दूंगी तो यहां पर रिफ्रेश कर लूंगी मतलब मैं अपने लैपटॉप को थोड़ी देर बंद कर दूंगी ताकि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए ठीक है जल्दी से करो सी होल फोर आया डाइमर बनाना चाहिए कितने आ रहे हैं कितना डाइमर बनना चाहिए सीओ सीओ होल फोर देखना कोबाल्ट बाल्ट ट्वेंटी सेवन होता है ट्वेंटी सेवन तो इसके पास थे चार कार्बोनिल आए हर कार्बोनिल ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए ट्वेंटी तो सेवन प्लस एट थर्टी फाइव है ना ट्वेंटी सेवन प्लस एट थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग को पूरा करने के लिए यह डाइमराइज होना चाहेगा ना इट वुड हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो डाइमराइजेशन डाइमर बनने के बाद बन जाएगा सी ओ टू सी होल एट क्या ये बात सबको समझ आई सी ओ टू सी होल एट ये बनाना चाहेगा ठीक है ना अब मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ एक सी एक सी अब आपको कितने सी ओ लगाने हैं टोटल आठ सी ओ लगाने हैं इसका स्ट्रक्चर अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः एक सी डबल बॉन्ड हो यहाँ एक सी डबल बॉन्ड हो यहाँ CO, 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 CO. तो 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 मतलब आपसे ये पूछा जाए कितने कितने मेटल 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 होंगे आप बोल सकते हो एक साइड हैं तो चार पांच छ और कितने ब्रिजिंग सीओ हैं तो यहां पर हमारे पास दो ब्रिजिंग सीओ होते हैं सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे जनरली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या ये बात सबको समझ आ गई ठीक है ये क्लियर हो गया फाइन एक क्वेश्चन करके दिखा दो सो so दैट uh, आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए लेट्स डू वन क्वेश्चन उसके बाद वी कैन टेक अ ब्रेक एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद ब्रेक ले लेंगे गिव मी वन सेकेंड ठीक है ना अभी देखते हैं तो ये अभी नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं होगा नहीं होगा फेक मर नहीं होगा रुको रुको आई नेमिंग है हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने नहीं करी है रुकिए रुकिए क्वेश्चन करेंगे अरे ये करना जेईमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन एक बार फटाफट से जेईमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन करो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था और मुझे बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी से जल्दी से आगे आंसर सबका ठीक है ये 2020 का क्वेश्चन था ईडीटीए के पूछे उसने द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट ईडीटीए फोर माइनस सिक्स ये करा है हमने क्लास में अभी करवाया ठीक है ना ये तो हो गया आपका अभी रुको ये नहीं करना ज्योमेट्री है वेट फॉर इट ठीक है तो आई आई थिंक अभी हमारे पास इसका क्वेश्चन नहीं है तो ये हम बाद में करेंगे ठीक है दिस विल डू लेटर ऑन ये तो अभी क्वेश्चंस हमने करने हैं ये करना जरा जयमेंट ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन क्वेश्चन विच आई वाज सर्चिंग फॉर जल्दी से करके दिखाओ Mn2CO10 is an organometallic compound due to the presence of ये एक organometallic compound है and इसका reason आपको बताना है Take your time and tell me the answer. जय मेन 2019 का question है आया answer आया क्या बात है क्या बात है देखना द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जैसा कि हमारी सारी की सारी आ, सब बच्चे जैसे कि बोल रहे हैं है ना ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है एम एन टू टेन में अभी आपने किया ठीक है ना एक एम एन एम एन का बॉन्ड होता है ये आपने देखा और फिर एक दो तीन चार एक दो तीन अरे रे दो लगाने थे ना पांच पांच लगाने थे ठीक है ना पांच पांच बॉन्ड लगा देना ये हमने किया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड कोई भी कंपाउंड को कहने का मतलब है कि उस कंपाउंड में कार्बन और मेटल में है ना एक बॉन्ड होना कंपलसरी है सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड कार्बन बॉन्ड इसको हम एम एन टू सीओ होल टेन को हम ऑर्गेनोमेटेलिक uh, कंपाउंड बोलते हैं सही है ठीक है दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये हमने कर लिया ठीक है uh, ये अभी रुको ये ये एक और करके दिखा दो जेई मेन ट्वेंटी का क्वेश्चन देखो जो जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ मैं मेक शोर sure कर रही हूँ उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है समय लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए द नंबर ऑफ ब्रिजिंग सीओ एंड सी सीओ बॉन्ड्स इन सी ओ टू सीओ एट ब्रिजिंग सी कितने होने चाहिए और सीओ सीओ बॉन्ड्स कितने होने चाहिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम ब्रेक लेंगे ठीक है हाउ मच टाइम इट विल टेक आफ्टर द ब्रेक वन थर्ड कंप्लीट हो गया आप ये कह सकते हो वन थर्ड से थोड़ा सा ज्यादा अब हम करेंगे ब्रेक के बाद एक तो नॉमिनक्लेचर और एक सी एफ टी ठीक है सॉरी वी बी टी फिर एक और ब्रेक लेंगे फिर लिखेंगे सी एफ टी और uh, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन ए आ गया सबका सी ओ टू सी ओ एट कैसे बनता है सी ओ सी ओ एक दो तीन चार पांच छ एक सात एक आठ हाँ। तो ब्रिजिंग कितने हैं दो और सीओ सीओ का बॉन्ड कितना है एक सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है कैटलिस्ट इज का क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल्किनसंस कैटलिस्ट ये अच्छा लास्ट क्वेश्चन है फिर ब्रेक दे दूंगी जल्दी से विल्किनस कैटलिस्ट विल्किनस कैटलिस्ट इज क्विक 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 आई नीड द आंसर क्विक विल्किसन कैटलिस्ट वेरी गुड अंकित ग्रेट सुपर सुपर फास्ट आंसर आने चाहिए ये सारे ये देख लो देख रहे हो 2019 2020 के कैसे मतलब सिंपल चिंदी टाइप्स क्वेश्चन आए हैं इससे तो कई गुना अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं है ना ओके okay, अब ये हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अपने रह गए हैं इसकी चिंता नहीं करनी है अभी ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे वीबीटी सी आइसोमेरिज्म और नॉमिन क्लेचर ये चार टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगी समझ गए यहाँ तक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई एम sure, श्योर ठीक है चलिए अब ब्रेक के बाद करेंगे नॉमिन क्लेचर ठीक है नॉमिन क्लेचर हम करेंगे तब तक यू कैन टेक अ ब्रेक छोटा सा ब्रेक ले लो फिर नॉमिन क्लेचर के क्वेश्चन करेंगे कहां पे थे यहां लगा देते ब्रेक चलिए ठीक है मीट आफ्टर द ब्रेक देन। ओके सो गाइज आई यू ऑल बैक शुड वी स्टार्ट शेल वी रिज्यूम द सेशन सब लोग आ चुके हैं यस 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 आवाज आ रही है मैम की वेलकम बैक गाइज वेलकम बैक है ना ओके इनवा केमिस्ट्री का लेक्चर कब लोगे सो गाइज आई थिंक आप बच्चों के अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा दो सो so, जो नेक्स्ट हमारा वन शॉट होने वाला है उसमें हम कंप्लीट करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसका मतलब दूसरा नाम है सॉल्ट एनालिसिस तो एक बार जब हम सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री जैसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट में कर लेंगे ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपना है ना सेशन कंटिन्यू करते हैं सो so हम मतलब एक जो मेजर चंक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम अपना Uh, दो मेन मेन पार्ट्स इस इस कंप्लीट आर में कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है सो अगले घंटे में आप देखना कि हम दो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहली चीज़ जो है वो है आयु पैक नॉमिनक्लेचर तो सबसे पहले मैं आपको आयु पैक नॉमिनक्लेचर सारा का सारा सिखाऊंगी उसके बाद हम करने वाले हैं वैलेंस वालें वालें बॉन्ड थियरी ये वी बी टी और आयुपेक नॉमिनक्लेचर दो मेन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो जैसे ही हमारा वीबीटी कंप्लीट होगा जेई मेन के खूब सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाओगे है, वो सारे हो जाएंगे आयुपेक नॉमिनक्लेचर चल, जैसे आपको पता है मान लो आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नाम हमने फिक्स कर रखा है है ना वी है फिक्स आयुपेक नेम जस्ट गिवी वन सेकेंड हम कंटिन्यू करते हैं बट उससे पहले एक सेकेंड का टाइम मुझे दे दो है ना जैसे आप बच्चे जानते हो कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसके लिए पैक नेम डिफाइन करते हैं सिमिलरली देर आर अ फ्यू सेट ऑफ रूल्स जो हमारे डिफाइन करे गए हैं फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में या तो आपके पास क्या दे रखा हो कंपाउंड दे रखा हो ना कंपाउंड का आपको नाम लिख कर दे रखा है और उस कंपाउंड के नाम से आपको कंपाउंड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना आना चाहिए एक तो ये चीज हो सकती है या वाइस वर्षा आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा होगा और उस फॉर्मूला को देख के आपको कंपाउंड का नाम प्रिडिक्ट करना आना चाहिए तो इस दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं सो so, जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो यही है कि आपके पास फॉर्मूला लिखा होगा और उस फॉर्मूला से आपको नाम लिखना है कंपाउंड का ठीक है तो जो कंपाउंड का नाम अगर आपको दे रखा हो और फॉर्मूला लिखना हो ये काफी सिंपल uh, होता है तो मैं आपको दोनों लिखने सिखा देती हूँ ठीक है सबसे पहले मान लो आपके पास नेम दे रखा है और उससे आपको फार्मूला डिफाइन करना है ठीक है फॉर्मूला कैसे लिखोगे इसके दो तीन रूल्स हैं ये काफी सिंपल है तो ये फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है कि कैटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा एनायन का नाम बाद में लिखा जाएगा जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है तो हम उसको क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते हैं ना हम जनरली क्या फॉलो करते हैं इनऑर्गेनिक में कि कैटाइन का नाम हम पहले लिखेंगे और एनाइन का नाम हम बाद में लिखेंगे ठीक है अब हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट लगाते हैं मतलब आपने कैटाइन लिख दिया अब आप एनाइन लिखोगे ठीक है अब अबलेट से आपने ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स आइन की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स आइन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे सेंट्रल मेटल आइन मतलब ब्रैकेट के स्टार्ट होते ही ब्रैकेट के स्टार्ट होते ही आपको क्या लिखना है आ, सेंट्रल मेटल आए ठीक है जो आपके कॉम्प्लेक्स में जो मेन सेंट्रल मेटल आए है उसको आप सबसे आगे लिखोगे उसके बाद जितने भी आपके पास लीगेंस होंगे मान लो एक लीगेंड है एल वन एक एल टू एक एल थ्री एक एल फोर एक एल फाइव एन सोवन तो जो जो भी आपको लीगेंस दे रखे हैं आपको उन लीगेंट्स को लिखना है बस ये याद रखो इन लीगेंट्स को लिखते हुए आपको एल्फाबेटिकल ऑर्डर ए एल पी एच ए मतलब इवन लीगेंट्स को लिखते हुए भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है यू सिंपली हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ये काफी सिंपल था फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपाउंड देती हूँ उसका नाम हमें दे रखा है और अब हमें उनको फॉर्मूला मतलब आपको नाम दे रखा है उसका आपको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है आप एक नाम लिखो ठीक है आपके पास एक नाम है टेट्रा अमीन ठीक है आप एक नाम लिखो आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो प्लेटिनम एक्वा क्लोरिडो प्लेटिनम ठीक है और प्लेटिनम के ब्रैकेट में आपको लिख रखा है फोर ब्रोमाइड फोर ब्रोमाइड आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है अब आपको मुझे इसका फॉर्मूला लिख कर बताना है एक बार सोचो समझो सारी चीजें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया दे रखा है खुद से सोचो और मुझे बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपके पास है टेट्रा अमीन टेट्रा का मतलब है चार अमीन का मतलब एनएच थ्री तो आपके पास फॉर्मूला में चार एनएच थ्री होने चाहिए सबसे पहली बात तो ये अब ये अमीन है तो मैं लिखूंगी ब्रैकेट में एनएच थ्री होल फोर उसके बाद है एक्वा उसके बाद है क्लोरिडो पहले आएगा एक्वा है ना क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले एक्वा आता है तो यहां पर भी अल्फाबेटिकली एक्वा लिखोगे फिर लिखोगे क्लोरिडो इन सबको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में डाल दोगे तो भी चलेगा नहीं डालोगे तो भी चलेगा ठीक है अब उसके बाद लिख रखा है प्लेटिनम एक बात बताती हूँ प्लेटिनम पे आपको कितना चार्ज मेंटेन करना है उसने रोमन अल्फाबेट्स में लिख रखा है प्लस फोर प्लेटिनम पे प्लस फोर चार्ज तो एक काम करो ये ये प्लेटिनम पे चार चार्ज है है ना इस पे तो जीरो है पानी पे जीरो है क्लोरीन पे माइनस वन तो ओवरऑल यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस थ्री और ब्रोमाइड तो बी आर माइनस आप पीछे लगोगे पहले कैटाइन लिखोगे बाद में क्या लिखोगे एनआइन और अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये थ्री इधर जाएगा वन इधर आ जाएगा तो जो एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा क्या बनेगा पी टी एन एच थ्री होल फोर फिर आएगा वाटर फिर आएगा सी एल और यहां पर लिख देंगे बी आर थ्री अभी मैंने आपको नाम से फॉर्मूला कैसे लिखना है ये सिखाया है Uh, अगर आप सी बी एस ई में एन सी आर टी बुक उठा के देखो तो एन सी आर टी में जनरली ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको नाम दे रखा है उससे फॉर्मूला लिखना आना चाहिए तो ये मैंने आपको सिखा दिया बट जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ तो फॉर्मूला आपको दे रखा होता है और आपको नाम लिखना आना चाहिए ठीक है जो मेन जो सेक्शन है वो अब हम करते हैं आपके पास फॉर्मूला लिखा होगा यू विल बी गिवन द फॉर्म्यूला और आपको उससे नाम लिखना आना चाहिए फॉर्मूला विल बी गिवन टू यू और उससे आपको नाम लिखना आना चाहिए अब इसके कुछ कुछ रूल्स हैं जैसे ऑर्गेनिक में आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा होता है और उसका नाम आप लिखते हो सेम ऐसे यहाँ पर कुछ हम रूल्स फॉलो करेंगे जिससे हम आ, आयुपेक नेम लिख सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको टारगेट समझ आ गया कि अपना मेन टारगेट क्या है अब मैं करते हैं ठीक है थीके? सबसे पहले अगेन यहाँ पर एक चीज़ हम फॉलो करेंगे रूल नंबर वन कैटायन पहले आएगा एनायन बाद में आएगा कैटायन पहले ही लिखना है अगर आपका कैटायन सिंपल है एनायन कॉम्प्लेक्स है तो भी कैटायन पहले आएगा कैटायन कॉम्प्लेक्स है एनायन सिंपल है तो भी कैटायन पहले आएगा कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कॉम्प्लेक्स है तो भी कैटायन पहले आएगा मतलब वट एवर द सिचुएशन में भी आपको सबसे पहले कैटायन लिखना है कैटायन के बाद आप क्या लिखोगे एनायन क्या ये बात आपको सबको अच्छे से समझ आ गई है अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर मान लो आपके पास एक लीगेंड है ठीक है तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं मतलब ऐसे ब्रैकेट में नंबर वन लगाओ या ना लगाओ चलेगा आपको स्पेशल नहीं लगाना बट सपोज करो आपके पास दो लीगेंड है ठीक है आपके पास तीन लीगेंड है आपके पास चार लीगेंड है एंड सोन so तो मतलब आपको लीगेंड को है ना हाउ मेनी लीगेंड्स ये आपको लिखना जरूरी है कि आपके कॉम्प्लेक्स में हाउ मेनी लीगेंड आर देयर ये रिप्रेजेंट करना ये नाम में आना चाहिए ठीक है ये नाम में आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें लिखा हुआ था ना टेट्रा अमीन तो मुझे तभी पता चलेगा जब वहां पर टेट्रा लिखा हुआ है तो कितने लीगेंड हैं उसका नाम मतलब उसके आगे ये आपको लिखना है ठीक है द नंबर ऑफ लीगेंड्स शुड ऑलवेज बी सो हाउ मेनी लीगेंड्स या फिर आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने लीगेंड्स आपके कॉम्प्लेक्स में है ये आपको मेंशन करना जरूरी है यू सिंपली हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीगेंस आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स ठीक है नेक्स्ट थर्ड स्टेप जब आपको लीगेंड लिखना है यू हैव ऑल यू ऑलवेज हैव टू फॉलो ऑर्डर जब जब हैीड लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना ही करना है लीगेंड लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना ही करना है अब मान लो आपके पास दो लीगेंड है तो आप लिखोगे डाई तीन लिगेंड है तो आप लिखोगे ट्राई चार लिगेंड है तो आप लिखोगे टेट्रा एंड सो ऑन बट ये जो डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा है इनको कभी भी आप एल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं करोगे मतलब यू विल नेवर बी काउंटिंग डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा इन द एल्फाबेटिकल ऑर्डर एल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको काउंट नहीं करोगे क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई या कोई भी दिक्कत है तो यहाँ तक पूछ लो ठीक है यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछो अगर यहां तक सारी बात सबको समझ आ गई है तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लियर है मैम आप एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कराओगे ना जैसे जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे उन टॉपिक हो या जेई एडवांस का क्वेश्चन हो ठीक है लास्ट छह सात साल के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर डाले हैं मेन का होगा तो भी कराऊंगी एडवांस का होगा तो भी कराऊंगी बस टॉपिक कंप्लीट कर लो फिर उस टॉपिक के कॉरसपॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चन मेन एडवांस में आ रखे हैं आई विल मेक श्योर मैं आपको कराऊंगी ठीक है एक लास्ट रूल देख लो मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है मतलब ना लीगेंड के नाम में ही die, tri, जुड़ा हुआ। और अब लीगेंड दो, तीन बार प्रेजेंट है तो जैसे ऑर्गेनिक में करते थे बिस टिस, ट्रिस, ये सब यूज करते थे पेंटा किस ऑन so है ना मतलब अगर आपके पास एक लीगेंड है जिसके नाम में ऑलरेडी है ना जिसके नाम में

क्या ये बात सबको समझ आ गई आगे एक और कम एक और दो तीन रूल्स हैं वो सीखो फिर खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे सपोज करो ध्यान से देखो मान लो ठीक है आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन है ठीक है वो कहाँ का पार्ट है वो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ठीक है या फिर जीरो चार्ज है मतलब या तो न्यूट्रल है मतलब मेटल एटम आट, किस का पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम एक न्यूट्रल या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो यहाँ पर तो जो मेटल का नाम है वही का वही हम यूज करते हैं ठीक है थीके? जो भी मेटल का नाम है वही हम यूज करेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपका जो मेटल है लेटर से मेटल जो है वो एक एनायनिक एनाइनिक साइट का पार्ट है मतलब मेटल जहाँ पर जिस uh, क्या कहते हैं जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल है अगर वो एनाइनिक है तो हम क्या करते हैं मेटल का एक स्पेशल नाम यूज करते हैं मतलब मेटल का जो लेटिन नाम है उसके पीछे एट लगाते हैं मेटल का जो लेटिन नाम है उसके पीछे क्या लगाते हैं एट फॉर एग्जाम्पल अगर एफ है एफ को जनरली हम क्या लिखते हैं एफ ई यहाँ पर होगा तो मैं उसको आयरन लिखूंगी बट एफ ई यहाँ पर होगा तो मैं उसको लिखूंगी फेरेट आइन क्या लिखेंगे फेरेट आइन ना कि आयरन एट ठीक है जैसे कॉपर तो यहाँ पर लिखेंगे कॉपर है ना तो इसको मैं कॉपर ही लिखूंगी ठीक है और इसको लिख देंगे क्यूपरेट आयन क्या लिखेंगे क्यूपरेट ऐसे ही सिल्वर होगा तो सिल्वर के लिए मैं लिखूंगी अर्जेंटेट ठीक है स्टेनेट मतलब जो भी उनका ले, लेटेन नाम होगा उनके पीछे हम एट लगा देंगे तो आपको याद ये रखना है अगर मेटल कभी भी इस नेगेटिव वाले का पार्ट है तो मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगेगा एट मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगना चाहिए एट क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई मेटल के नाम के लास्ट में लगेगा एट क्या ये बात सबको समझ आ गई एक क्वेश्चन करके दिखाओ जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का गिव मी वन मिनट विल विल डायरेक्टली सॉल्व जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है ओके देखो जितने भी क्वेश्चन है आज मैं सारे कराने की पूरी कोशिश करूंगी सबसे पहले ये अभी आपसे नहीं होगा वेट फॉर सम टाइम वेट ये करके दिखाओ सो दिस इज द क्वेश्चन जो जेई मेन 2020 में पूछा गया था टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसका आई यूपेक नेम आपको बताना है मैं ज़रा साइड हट जाती हूँ सो दैट आप इसका आंसर कर सको बताइए आ गया एबीसीडी में से व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आया ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कह रहा है द आयुपेक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम है एनएच थ्री टू है फिर सी एल है फिर एनएच टू सी एच थ्री है और लास्ट में सी एल है अच्छा एक और चीज मैं आपको बता बता देती हूँ जो भी सेंट्रल मेटल लाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपको रोमन एल्फा रोमन लेटर्स में लिखना है और ऐसे ब्रैकेट में ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में लिखोगे ओके कई बच्चे जो हैं है ना वो ए आंसर दे रहे हैं और कई बच्चे जो हैं वो हम, हमें हमें सी आंसर दे रहे हैं ठीक है मेनी ऑफ यू आर गिविंग ए एंड मेनी ऑफ यू आर गिविंग सी एज द करेक्ट आंसर हम एक एक करके इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं देखना सबसे पहले है प्लैटिनम एक बात बताओ अगर इस पे माइनस वन चार्ज है तो इस पर क्या चार्ज आएगा प्लस वन एक पे माइनस वन है तो इस पर प्लस वन अब प्लैटिनम का चार्ज निकाल लो प्लैटिनम निकालो मानो अमोनिया जीरो है क्लोरीन पे माइनस वन मिथाइलमीन जीरो है तो ओवरऑल वन तो प्लैटिनम पे चार्ज आना चाहिए टू हर एक में प्लेटिनम पे चार्ज टू है लास्ट में क्लोराइड आना चाहिए लास्ट में क्लोराइड आना चाहिए ये भी चारों में सही है अब एल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो ये है डायअमीन डायअमीन का डी आप काउंट नहीं करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अब अमीन काउंट करोगे तो लिखोगे डायअमीन क्लोरो या फिर क्लोरिडो ध्यान से देखते हैं डायअमीन क्लोरिडो इसने लिखा है डायअमीन क्लोरिडो और यह है मिथाइलमीन एनएच टू सी एच थ्री इज मिथाइलमीन बिल्कुल सही बात है तो एम बाद में आएगा सी पहले आएगा तो ये ठीक है प्लेटिनम टू क्लोराइड ए सही है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सी पहले आएगा डायमीन क्लोरिडो अमीनो मिथेन प्लेटिनम टू क्लोराइड है ना तो इसका जो है अगर मैं सही आंसर की बात करूं है ना इसका जो है मैं सही आंसर की बात करूं इसको मिथेन मिथेनामीन ही हम बोलेंगे ये सही है ए विल बी द करेक्ट आंसर इसका जो कॉमन नाम है इसको अमीनो मिथेन नहीं बोलते हैं आप जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप यूज करोगे उसमें अमीनो नहीं आएगा जैसे एल्काइल अमीन अमीन ही आएगा तो इसका जो नाम होगा वो होगा मिथाइल मिथाइलमीन ना कि अमीनो अमीनोमिथेन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है क्लोरिडो डाईमीन क्लोरिडो मिथाइल मिथाइलमीन प्लेटिनम मिथाइलमीन प्लेटिनम ये सही आगेगा ए विल बी द करेक्ट आंसर आ गया सबका सी नहीं आएगा सी विल नॉट बी द आंसर अमीनो मिथेन हम नहीं लिखते हैं वी डू नॉट राइट अमीनो मिथेन ये बात सबको समझ आ गई क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन एक एक मिनट और चेक कर लेते हैं वेदर वी हैव एनी मोर क्वेश्चन इस uh, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है ठीक है जस्ट वन सेकेंड तो आई पे के जनरली मतलब देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं बट जब जब आते हैं जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन आया तो आई होप आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे ठीक है अभी एक और uh, ये नेमिंग का क्वेश्चन आएगा देखो अभी एक और नेमिंग का क्वेश्चन आएगा बट देन इसके अंदर हमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में रिक्वायरमेंट है एक बार मैं आपको ज्योट्रिकल आइसोमेरिज्म करा दूं फिर आप जेईम ट्वेंटी ट्वेंटी का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सो so, आप खुद देख लो अगर आ, मतलब नॉमिन क्लेचर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं नहीं तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है वीबीटी तो ये अभी आपसे नहीं होगा नहीं होगा अभी ये नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया ठीक है ओके फिर भी तसल्ली कर लेते हैं ठीक है ना फिर भी तसल्ली कर लेते हैं ओके okay. तो अभी इन सबके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ठीक है चलो फिर हम आ, स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है नॉर्मिन लेचर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो मेन मेन रूल्स जो है वो मैंने आपको सिखा दिए है दस पंद्रह क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना इससे ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना बट ट्वेंटी में जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो चांसेस है कि बाद में ये क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं ठीक है ना ओके okay, तो यहां तक अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है नाउ वी आर देयर लेफ्ट विथ थ्री टॉपिक्स तीन टॉपिक्स बचे हैं पहला टॉपिक है वीबीटी फिर हम करेंगे सी फिर हम करेंगे आइसोमेरिज्म और एक कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं अब ध्यान से सुनना नया टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियोरी जैसे मैंने आपको वर्नर्स थियोरी सिखाया तो जो वर्नर्स थियरी थी उसने तो क्या किया बहुत सिंपल सिंपल वे में लिख दिया कि भाई देखो एक प्राइमरी वैलेंसी होती है एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है वर्नर ने ये नहीं बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें कितने लीगेंट चिपकेंगे भाई प्राइमरी वैलेंसी कैसे आई सेकेंडरी वैलेंसी कैसे आई ये सब उसने कोई वर्नर ने आइडिया हमें नहीं दिया तो अब हम धीरे धीरे अपग्रेड होके एक नई थियरी पर आते हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी जैसे कि आपको याद है वैलेंस बॉन्ड में में जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं सॉरी जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाती हूँ वीबीटी है ना तब भी हम ये बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती है है ना जैसे जब भी कोई आ, लेट से एक एटम है उसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना है जैसे सेंट्रल मेटल आयन है उसने बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो पहले सेंट्रल मेटल आयन के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे एनर्जी एक्सचेंज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे किसी भी लीगेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए मतलब पहले जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में मिक्सअप होके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसके बाद बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं यही होता है वी तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सेम वी का फिनोमिना मतलब सेम वी की थियरी हम यूज करते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल मेटल आइन है ठीक है उसके कुछ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी को उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रेडी होंगे इनकमिंग लीगेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है ना वही की वही जो बचपन में हमने चीजें करी थी मान लो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ मान लो आपके पास दो वैलेंस शेल में दो ऑर्बिटल्स हैं सपोज करो आपके दो लेट्स से किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है टू समझना अब इसमें भी क्या है ना अगर आप थियरी पढ़ने बैठो तो पाँच दस पन्नों में बुक्स में केवल वीबीटी की थियरी दे रखी होती है बट अपना काम यह नहीं है कि एक क्वेश्चन को ऐसे रबर की तरह स्ट्रेच करके आप करो अपना काम यह है कि कैसे शॉर्ट तरीके से आप वीबीटी के क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में कर कर डालते हो यह अपना काम है तो मैं आपको बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई मेन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रही हूं तो जैसे आप अगर किसी बच्चे ने बीएससी एमएससी जो बच्चे कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी ये वाली वीडियोस देखते हैं मतलब उन बच्चों को पूरा डिटेल सिखाया जाता है कि देखो वीबीटी में ये होता है ये होता है ये होता ये होता है सारी की सारी कहानियां बट मैं आपको अब क्योंकि वन शॉट है शॉर्ट में आपको सारी चीज समझा रही हूं तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे मतलब आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं आपको बताऊंगी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे सपोज करो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो जनरली हम बोलते हैं ना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दो होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एस होगी तो जो शेप होगी वो क्या होनी चाहिए लीनियर ये तो वही केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने सीखा था राइट अब ये मैं ट्रांजिशन मेटल्स के लिए कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कॉर्डिनेशन नंबर थ्री है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एस और ये शक्ल क्या होगी ट्राइगनल प्लेनर ट्राइगेनल प्लेनर बहुत रेयर रेयर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ट्राइगेल प्लेनर वाला ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स हो ऐसा कोई है ही नहीं अपने सिलेबस में अब ध्यान से देखना अगर आपके पास कॉर्डिनेशन नंबर क्या आता है फोर ध्यान से समझना इस चीज को सपोज करो आपका कॉर्डिनेशन नंबर आता है चार तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन एक तो एस भी हो सकती है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा कहती थी एक नई टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जो कि डी एक sp3 भी हो सकती है एक dsp2 भी हो सकती है अब DSP2 कैसे होती है, क्या बनती है वो मैं अभी आपको एक एक करके सिखाऊंगी तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो शेप क्या हो जाती है टेट्राहेड्रल। और अगर मान लो एक डी और बाइटल एक एस और बाइटल और दो पी और बाइटल आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं डी टू बन रही है तो अब शेप क्या आ जाती है स्क्वायर प्लेन ये शेप्स कैसे आई इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ ठीक है ये आज हम करने वाले हैं ये केमिकल बॉन्डिंग में किया था केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग बट ये स्क्वायर प्लेनर वाले हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्डिंग में पहले नहीं डिस्कस किए थे आज वो सारे कॉम्प्लेक्सेज हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब बड़े ध्यान से देखो अगर मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव अगेन अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की बात करूं तो या तो वो हो सकती है एस पी थ्री डी टू या वो हो सकती है डी टू एस पी थ्री इसको बोलते हैं आउटर ऑर बाइटल कॉम्प्लेक्स अभी समझाऊंगी कैसे और नीचे वाले को बोलते हैं इनर ऑर बाइटल कॉम्प्लेक्स एक को बोलते हैं आउटर ऑर बाइटल कॉम्प्लेक्स एक को बोलते हैं इनर ऑरबाइटल कॉम्प्लेक्स और दोनों की जो शेप होती है वो होती है ऑक्टा हेड्रन ये सारी चीजें आज हम वीबीटी में डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन वीबीटी वन बाय वन ठीक है अब मेरी बात सुनो एक लाइन बोलती हूं आई थिंक उस लाइन से आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी एक सेंट्रल मेटल आयन का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है एक सेंट्रल एटम आयन का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने आपको वेकेंट और बाइटल्स चाहिए ठीक है मतलब उतने वेकेंट और आपस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी कहने का मतलब ये मान लो आपके पास निकल टू प्लस है ठीक है

वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर सके मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो जैसा कि आप जानते हो हम डी और बाइटल्स के लिए बात करें हम थ्री डी फोर डी फाइव डी सीरीज के लिए बात कर रहे हैं तो डी में क्या क्या होगा एक तो एन माइनस वन डी और बाइटल यूज होंगे एक एन एस यूज होंगे एक एनपी यूज होंगे एक एन डी यूज होंगे सही बात है ना ये आउटर मोस्ट शेल इनका एक कम वाला डी यूज होता है और इसके बाद डी भी है अब एक बात बताओ मान लो इनर वाला डी यूज हुआ एक s और तीन 3p यूज हुए मान लो दो d के यूज हुए एक s का और तीन p का तो हाइब्रिडाइजेशन जो बनती है उसको बोलते हैं d2sp3 क्योंकि इनर वाला n-1 d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनको क्या बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑन द अदर हैंड मान लो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराते हुए इनर वाले d अवेलेबल नहीं थे तो आपने एक s यूज किया यूज किए एंड लेटर से बाहर वाले दो डी और बाइटल यूज कर लिए अब जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको बोलते हैं एस पी थ्री डी टू यानी कि मैम हमने तो डी को बस आगे पीछे लिख दिया नहीं डी टू एस पी थ्री में आपका जो डी है वो इनर डी ऑर बाइटल होता है एन माइनस वन डी ऑर बाइटल इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स डी टू एस पी थ्री और अगर आप बाहर वाला यूज करते हो तो इसका नाम हो जाएगा एस पी थ्री डी टू क्योंकि आप आउटर डी ऑर बाइटल यूज कर लिये हो इसका नाम क्या हो जाता है आउटर ऑर्बाइटल कॉम्प्लेक्स अब कुछ कुछ आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी आई एम श्योर sure आपसे काफी चीजें आप को रिलेट कर पाओगे ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो VBT वैलेंस बॉन्ड थियोरी ने आते ही लीगेंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया ये VBT आई एक थियोरी दी गई VBT VBT ने कहा देखो हमारे लीगेंड्स दो टाइप के होते हैं ठीक है लीगेंड जो है वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट एक क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अब इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोला क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट का ये कोई कॉन्सेप्ट वीबीटी ने नहीं दिया बस ये मैं आपको करने का तरीका बता रही हूं एक होते हैं अपने वीक फील्ड लीगेंट ये फील्ड का क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब होता है ये जो जो फील्ड फील्ड और वीक है ना ये एक्चुअल येप्ट एक नई थीरी का है जिसका नाम है सी एफ टी ठीक है क्रिस्टल फील्ड थियोरी वहां पर जब हम सी एफ टी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंट का मतलब क्या है बट अगर तब तक मतलब आप ये सोचो ना कि मैम बाद में जाके हमें बताएंगे इसका मतलब क्या है तब तक आप वीबीटी के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो अगला एक घंटा आपके लिए टफ जाएगा तो मैं आपको जस्ट पहले से थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि वीबीटी ने कहा दो तरीके के लीगेंट होते हैं एक होते हैं फील्ड स्ट्रॉन्गेंट फील एक होते हैं वीक फील्ड उसने बहुत सारे को क्लासीफाई नहीं किया बहुत ही सिंपल था कहता देखो जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं आपको केवल इतना याद रखना है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होते हैं जैसे सी एन जैसे आप याद रख लो ना स्ट्रॉन्ग पूरे पूरे चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा तो कहता कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स जो होते हैं मतलब जो जिनकी डोनेटिंग साइट कार्बन या नाइट्रोजन होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इसके अलावा जिनकी ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट होती है या एक्स ऑक्स आप बोल सकते हो हेलोजन डोनेटिंग साइट होती है ये डोनर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड उस VBT हमें ये नहीं बता पाई कि कार्बन वाले क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं नाइट्रोजन वाले क्यों स्ट्रांग फील्ड होते हैं ऑक्सीजन वाले क्यों वीक फील्ड होते हैं हेलोजन क्यों वीक फील्ड होते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन VBT ने नहीं दिया था चीजों को हम अच्छे से समझ सके हमसे क्वेश्चन हो जाए इसीलिए चीज मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आई है ठीक है क्या ये सबको सब अच्छे से समझ आई अब इसका मैं थोड़ा सा मतलब बताती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको एक तरीके एक क्वेश्चन है उसको हम एक तरीके से करने की कोशिश करेंगे ठीक है एक क्वेश्चन है उसको एक तरीके से करेंगे पहले आप मेरे से कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ लो क्या हो गया ठीक है जैसे मैथ्स का सैंपल पेपर सर करा रहे हैं आप केमिस्ट्री का करा देना अच्छा तुम्हें करना है केमिस्ट्री का सैंपल पेपर भी डिस्कस तो मैं करा दूंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हाँ आज रात को सर करा रहे हैं ना सैंपल पेपर डिस्कस आज आई थिंक सर तुम्हें सैंपल पेपर डिस्कस करा रहे हैं ना तो ठीक है मैं भी केमिस्ट्री के पेपर से पहले करा दूंगी चिंता ना करो ठीक है ओके देखो बड़े ध्यान से देखना एक एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल हमने शुरू से चूज किया और उसी एग्जाम्पल को हम अच्छे से निपटाएंगे आपने लेना है पूरा VBT से क्या कैसे बनते हैं आपने लेना है एक एग्जाम्पल के आपका कॉम्प्लेक्स है अब आपको VBT से जो जो हो सके पता लगाना है ठीक है VBT को यूज करना है जितना पॉसिबल हो हमें सारी की सारी एक एक करके सारी चीजें पता लगानी है ठीक है सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करोगे आप ये सोचो कि जो सेंट्रल मेटल सबसे पहला काम आपकी निगाहें किस पे जानी चाहिए सेंट्रल मेटल पे मतलब आपको ये बताना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है क्या शेप है ठीक है शेप और हाइब्रिडाइजेशन से से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हैं वो वीबीटी हम निपटाते आपको मैं ये कहूं बताओ मुझे आ, सेंट्रल मेटल कौन तो आप बोलोगे आयन आयन का कॉर्डिनेशन नंबर क्या है यहां से दिखाई दे रहा है आयन का कोर्डिनेशन नंबर सिक्स है अगर आयन का कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैम दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन आपने सिखाई थी या तो सिखाई थी डी टू एस पी थ्री या आपने सिखाई थी एस पी थ्री डी टू क्या सही बात है यही तो मैंने आपको सिखाया था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो तो या तो आपके पास डी टू एस पी थ्री होगा या एस पी थ्री डी टू होगा ये सिखाया मैंने अब ध्यान से देखना होता क्या है आयन को लिखो ठीक है ना आयन क्या होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स है ना थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फिर लिखते हैं फोर एस टू थ्री डी सिक्स ये आयन होता है ध्यान से मेरी बात समझना एक एग्जाम्पल लंबे तरीके से करके दिखा रही हूँ उसके बाद सारे शॉर्टकट कर से करेंगे आयन ये होता है अब आपने आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस टू तो प्लस टू मतलब ये फोर एस टू वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब ये तो सारे इनर और बाइटल वाले हैं इनको छोड़ो तो फाइनली आयन के पास क्या बन गया डी सिक्स एक दो तीन चार पांच ठीक है डी सिक्स बन गया थ्री डी के बाद फोर एस खाली है आयन का और इसके बाद फोर पी खाली है क्या ये बात सही है ये थ्री डी है ये फोर डी है यह फोर पी है, ये 4P है। क्या इतनी बात समझ आई अब मेरी बात सुनो अब आयन ने कितने और मतलब आयन के पास खाली होने चाहिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है आयन के पास कम से कम छह और होने चाहिए जिसमें सी एन लीगेंड आकर के उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें ठीक है अब सी एन भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है मुझे कैसे पता स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड है क्योंकि वीबीटी ने कहा था

मतलब यहां पर अब थ्री डी की शक्ल कैसी हो गई ये भर गया ये भर गया ये भर गया ये डी खाली रह गया एस खाली रह गया तीन पी खाली रह गए तो अब जो ये तीन जो हैं, ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी डी टू एस पी थ्री छ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगी और फिर छह लीगन्स आके इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे सो तो इसको बोलते हैं VBT। तो क्या अब ये समझ आ गया कि के फोर एफ सी एन सिक्स में जो आयन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है डी टू एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री समझ लो डी टू एस पी थ्री का मतलब इनर वाले डी और बाइटल यूज हो गए हैं ठीक है डी टू एस पी थ्री का मतलब शेप क्या हो जाएगी अपनी ऑक्टाहेड्रल शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी अब बड़े ध्यान से देखो पेयर्ड 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 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो यहाँ पर जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी डायमैग्नेटिक अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई है या किसी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत है देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके वीबीटी में मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो आपसे ये पूछेगा जितने मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगी वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो डाय मैग्नेटिक है कैसे पता चलेगा वी से इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो डी टू हाइब्रिडाइज है कैसे पता चलेगा वी से अब बहुत बड़ी थियरी आपको नहीं करनी है दस बारह पेजों की थ्योरी होती है वी की बुक्स में सी की बुक्स में बट हमको इतनी थियोरी से कोई मतलब नहीं है हमसे वो हमें मतलब पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए जिससे आपके जेई में क्वेश्चन बन जाए ये मेन काम है ना डी टू एसपी थ्री वंस अगेन एक्सप्लेन कर दूं एक और करवा दूं एक और करवा देती हूं ठीक है एक और कर लो फिर उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी अगर वो ना समझ आएगा तो मुझे बताना मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है एक एग्जांपल ले लो के फोर एफ ई एफ सिक्स ठीक है आपका काम ये है आप मुझे पता करके बताओगे के फोर एफ ई सी एन सिक्स में आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है ठीक है क्या ये मैग्नेटिक आई मीन पैरा है या डाया है और एफर के फॉर सिक्स की पूरे कॉम्प्लेक्स की पॉलीहेड्रा क्या है ठीक है ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब शेप वगैरह आप मुझे पता करके बताओगे अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है ये सारे वीबीटी के पॉइंट्स हैं ध्यान से एक एक करके स्टेप नंबर वन आपकी निगाहें किस पे जानी चाहिए आयन पे इधर उधर कई निगाहें नहीं जानी चाहिए आयन पे जानी चाहिए आयन का अटोमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी हाइब्रिडाइजेशन कितना? कितना तो क्या क्या हो सकती है एस पी थ्री डी टू भी हो सकती है और डी टू एस पी थ्री भी हो सकती है पहले अंदर वाले यूज करने की कोशिश है नहीं तो एसपी थ्री डी टू हो जाएगी ये बात समझ आई सबको ठीक है अब बड़े ध्यान से देखो ये आयन था डी और इस अब आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आयन यहां पे प्लस टू में दिखाई दे रहा होगा सबको कैसे ये फोर माइनस चार जिधर भेज दो एक्स माइनस सिक्स टू माइनस फोर एक्स की वैल्यू प्लस टू एफ टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी सिक्स ये बात सबको समझ आई अब छह डब्बे बना दो मतलब पांच डब्बे बना दो डी सिक्स है तो एक दो तीन चार पांच छे अब एक बात बताओ क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है मुझे कैसे पता चला क्योंकि हमें वी ने कहा था हेलोजेंस जो होते हैं वो वीक फील्ड डिक्ड होते हैं और अगर हैलोजन वीक फील्ड है तो भाई साहब वीक फील्ड की मतलब वीक है तुम सोचो ना वीक फील्ड है इनका और इतना तगड़ा नहीं है मतलब मान लो ठीक है तुम्हारी आ, लेट से तुम्हारी एक टीचर है ठीक है जो दूर से आ रही होती है ना तब भी तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो कि अरे भाई मैम आ रही है सीट पे जाके बैठ लो उसका उन टीचर का और बहुत स्ट्रांग है स्ट्रांग फील्ड है एक टीचर है जो क्लास के अंदर भी आ गए ना तब भी तुम हल्ला मचा रहे होते हो उनको बोलते हैं वीक फील्ड तो स्ट्रॉ फील्ड क्या करते हैं करा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बट वीक के बस की बात नहीं होती कि कराएं तो तो अब ये तो वीक है कराएगा नहीं तो एक एस यूज करेगा तीन पी यूज करेगा और दो डी यूज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी एस पी थ्री डी टू क्योंकि बाहर वाला डी और बाइटल यूज हुआ इसीलिए इसको क्या बोल देंगे आउटर बाइटल कॉम्प्लेक्स सबको समझ आ गया क्योंकि बाहर वाला डी यूज हुआ अब और भी ध्यान से देखो क्या इसके अंदर आपको एक दो तीन चार अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तो ये जो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड होगा ये पैरा मैग्नेटिक होगा पैरा मैग्नेटिक क्यों होगा क्योंकि इसके अंदर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल अब समझ आया शेप क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल अब मुझे बताओ क्या ये चीज सबको अच्छे से समझ आ गई है किसी को आ, नहीं समझ आया तो बताओ देखो ये नहीं कि जब जब मन कर रहा है मैम पेयरिंग करा दें पेयरिंग नहीं यार तुम लोग क्लास में बैठे हो तुम अलग अलग सीट्स पे बैठ के खुश हो ना है ना, ना तुम लोग स्कैटर्ड रह के खुश हो बट अब मैं तुम्हारी पेयरिंग करवाऊँ जबरदस्ती ठीक है लड़के को लड़की के साथ नहीं करवाना मतलब जबरदस्ती मैं तुम्हें दो लोगों को साथ बिठाऊ गर्मी में तो तुम नहीं चाहते हो कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बैठे कोई भी नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरअप हो बट जब फील्ड स्ट्रॉन्ट फील आता है तो भाई सब किसी के बस की बात ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को पेयरअप होना ही पड़ता है बट हम उतने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्सर कराएंगे जितनों की जरूरत है यानी कि मन करा करा तो भाई फील्ड आया सबके सब, सब पेयर ऐसा नहीं है जरूरत है तभी पेयर कराओ जरूरत नहीं है तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे जो मैंने लाइन बोली इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको दो मिनट में समझाती हूँ पहले मुझे ये बताओ यहां तक सारी चीज अच्छे से सबको क्लियर हुई है या कोई डाउट है ठीक है अब ऐसे मैं आपको D0 के D1 के D2 के D3 के D4 के D5, D6, D7, D8, D9, D10 डी डी टेन सबके मतलब बड़े सारे हम कॉम्प्लेक्सेज बना सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ मान लो D0 है ठीक है D0 अब D0 जीरो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा देखना D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं D0 में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किस चीज़ की पेयरिंग कराओगे तो D0 चाहे वीक फील्ड लीगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो कोई दिक्कत शो नहीं करेगा है ना कोई भी दिक्कत शो नहीं करेगा और अगर डी मतलब D खाली है तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे क्योंकि खाली खाली है है ना ये दो आराम से यूज हो जाएगा डी टू एस पी थ्री कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो अगर आपने डी वन लेना है मान लो एक आयन है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है उसमें एक डी इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल आयन किसमें है एक डी इलेक्ट्रॉन अब आपको बॉन्ड बनाने के लिए कितने डी चाहिए दो ये दो डी खाली है ये दो डी खाली है चाहे वीक फील्ड आए स्ट्रॉ फील्ड आए कोई पेयरिंग का मतलब ही नहीं अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी D2, अभी इनको याद रखने का एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है डी टू डी टू मतलब मान लो सेंट्रल मेटल आयन है उसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मान लो सेंट्रल मेटल आयन है उसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है।, है आपको हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए कितने डी चाहिए दो अब ये नहीं कि मैम

और यहां पर भी डी थ्री का कर लो एक दो तीन तो देखो दो डी और बाइटल आपको खाली चाहिए डी टू एसपी थ्री के लिए खाली हैं खाली हैं तो पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं करानी हाइब्रिडाइजेशन क्या डी टू एस पी थ्री यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करो नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है यहां तक सब कुछ समझ आ गया देखो एक एक चीज मैं करा रही हूं यही अगर बारीकी से कर लोगे ना भाई साहब पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीबीटी का बोल बाला है CFT कुछ इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म कुछ इंपॉर्टेंट है बाकी VBT का बोल वाला सबसे ज्यादा है तो अगर बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए तो कोई दिक्कत की बात होने ही नहीं वाली है क्या ये बात सबको समझ आ गई अब एक बात बताओ ठीक है यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया अब मैं एक काम करती हूं डी फोर करके देखते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मान लो जो सेंट्रल मेटल आए ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन d4 आ रही है करना एक दो तीन चार यहां पर भी करो खुद से देखना क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी एक दो तीन चार d4 मतलब एक दो तीन चार अब अगर वीक फील्ड लीगेंड है एक दो तीन चार अगर वीक फील्ड लीगेंड आपका तो वीक फील्ड लीगेंड के बस की तो बात है नहीं पेयरिंग कराना हमें दो डी चाहिए थे बट एक ही है तो वीक फील्ड के बस की बात तो नहीं है पेयरिंग कराना तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए तो जब वो डी यूज कर ही नहीं सकता तो वो एक एस यूज करेगा तीन पी यूज करेगा और आगे वाले दो डी यूज करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड में डी फोर क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तो काम ही है पेयरिंग कराना आपको दो खाली चाहिए थे ये दो खाली चाहिए इसको एक को यहां भेज दो तो बन गया डी टू एस पी थ्री क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई कि कब डी टू एस थ्री होगा कब एस पी थ्री डी टू होगा मुझे बताओ क्या ये चीज सबको अच्छे से क्लियर है या कोई डाउट है ठीक है आगे सबको समझ एक और करोगे एक और अब अब करके दिखाओगे डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट ये कर लेना इसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कोई ना हो तो आप मेरे से पूछ लेना एक कोई भी काम कर लो ठीक है एक काम करो डी करके दिखाओ डी वीक फील्ड हाइब्रिडाइजेशन बताओ D7 सेवन स्ट्रॉन्ग फील्ड हाइब्रिडाइजेशन बताओ एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच छ सात जल्दी से मुझे बताओ D7 में हाइब्रिडाइजेशन क्विकली टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर अच्छा D7 वाला बहुत प्यारा केस है चलो रुको D7 मैं कराती हूं आप एक काम करो D6 करके दिखा दो D6 करके दिखाओ चलो पहले D6 कर लो D7 मैं करा देती हूँ D6 करो ये D6, D6 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 है में में वीक वीक फील्ड 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 और और लिगेंड की बताओ फील्ड लिगेंड में क्या क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ बहुत प्यारा केस है D7 वाला वो मैं कराती हूँ D6 में D6 में क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड तो पेयरिंग कर ही नहीं सकता तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं एस पी थ्री डी टू इसको क्या बोलेंगे आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स सही बात है ठीक है और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मुझे दो खाली करवाने हैं मतलब तुम सोचो ना तुमने पांच तुम्हारे पास घर ठीक है थीके? तुम्हारे पास पांच कमरे हैं जिसमें से एक कमरा फील्ड है तुमने किराएदार को दे रखा है बाकी चार कमरों में एक 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 मतलब एक एक, एक इंसान रहता है ठीक है और तुम्हें है कि कोई बाहर से इंसान आ रहा है जिसको खाली जगह चाहिए तो अब क्या होगा तुम और स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है ठीक मतलब तो है मतलब तगड़ा इंसान आ रहा है तो तुम इसको इसमें भेजोगे और तुम इसको इसमें भेजोगे हो गया तो डी टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी डी टू एसपी थ्री आया मतलब इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स हो गया इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स ये बात सही है आगे देखो भाई साहब अभी तुम तो मजे आएंगे तुम देखो तो जाओ अगर कल को वो तुमसे पूछे कि इन दोनों में से पैरा मैग्नेटिज्म किसका ज्यादा तो ये देखना यहां एक दो तीन चार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक है भाई साहब पेयर्ड 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 सारे पेयर्ड हैं तो ये है अब आपको डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक करना आ जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वेरी गुड मजा आ रहा है अब अच्छा लग रहा है सबके आ रहे हैं आंसर अभी तो तुम देखो तुम्हें अब जाके प्यार होगा मैं कितनी देर से सेशन से ले रही हूँ एक बार मैं तुम्हें टाइम बताती हूँ तीन घंटे चौबीस मिनट से सेशन से ले रही हूँ मैं है अब जो अगला आधा घंटा है ना तुम्हें प्यार हो जाएगा कोऑर्डिनेशन से इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे एक एक मैं और सिखा देती हूँ मान लो डी सेवन है ठीक है थोड़ा सा स्पेशल केस है डी एट डी नाइन भी करा दूँगी ये लो डी एट भी कर लेते हैं ठीक है अब D7 है तो D7 कैसा होगा एक दो तीन चार D8 मैं बना रही हूं बट अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है एक बना देते हैं स्ट्रॉन्ग फील ली है में ये अब ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती है मतलब लिटरली आपको ये चीज़ें ना नहीं पता होती हैं और आप कंफ्यूज रहते हो ठीक है ये आपको पता नहीं होती इसलिए मैं आपको पहले ही स्पेशल केस सिखा रही हूं इसको स्टार मार्क कर लो चार पांच छह सात आठ दस स्टार लटका लो काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना जरूरी है एक बार बताओ D7 में वीक फील्ड लीगेंड आए कल को है D7 में क्या हुआ वीक फील्ड डीगेंड आए तो आपका दिमाग तो क्या कहेगा कि मैम वीक फील्ड लीगेंड तो पेयरिंग नहीं कराता और आपको छे और बाइटल यूज करनी है तो आप क्या करा दोगे एसपी थ्री डी टू कोई दिक्कत एसपी थ्री आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक यही बोलोगे ना सही बात है आगे देखो d8 में भी करके देख लो D8 में क्या होगा d8 में देखना क्या होगा आ, वीक फील्ड है पेयरिंग कराएगा नहीं तो चुपचाप से क्या यूज कर लोगे sp3d2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरा मैग्नेटिक कोई दिक्कत वीक फील्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वीक फील्ड सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया वीक फील्ड ठीक है आगे देखो भाई सब स्ट्रॉग फील लिगेंड अब सही कहानी है एक मिनट ना मैं तुम्हें इसके बाद एक शॉर्टकट सिखाऊंगी ठीक है और उस शॉर्टकट के बाद हम करेंगे जेई जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन ऐसे फटाफट फड़ क्वेश्चन तुमसे बनेंगे मैं बस पांच दस मिनट तुमसे थियरी के मांग रही हूं उसके बाद तुम्हें मजे आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड आया ठीक है समझना ये है आगे तीन पी बैठे हैं फिर डी भी घर में खाली एक दो तीन चार मैंने बना दिया ठीक है ना अब स्ट्रॉन्ग फील्ड ने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं इसकी पेयरिंग करा देता हूं इसके साथ कितने खाली चाहिए थे तुम्हें दो खाली चाहिए थे तुमने क्या किया तुम्हें दो खाली चाहिए थे तो तुमने कोशिश करी कि मैम मैं इसकी पेयरिंग इसके साथ करा देता हूँ कराई तुमने इसकी पेयरिंग कराई है ना पहले देखना पह, पहले खुद से बात को समझने की कोशिश करो डी में क्या हुआ आपने एक की पेयरिंग कराई बढ़िया फिर आप सोच रहे हो मैम हमें तो डी टू एस पी थ्री चाहिए था ना तो यहाँ तो एक ही डी बचेगा तो कई बच्चों को लगता है कि मैम जब दो डी चाहिए थे पेयरिंग हो भी गई तो भी कोई फायदा नहीं है एस पी बना दो किस किस को ये लग रहा था मैं वापिस एक काम करती हूँ इरेज करके दोबारा बताती हूँ किस किस के दिमाग में ये पॉइंट आया कि मैम यहाँ पर लेटे से स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड आ भी गया उसने एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करा भी दिया तो भी तो वो खाली एक ही डी अवेलेबल कर पाएगा ना अपने को तो दो डी चाहिए थे तो मैम यहाँ पर एस पी थ्री डी टू ही रहने दो बट गाइज मैं आपको एक स्पेशल चीज बताती हूँ यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना यहां पर फील्ड लिगेंड इसका तो काम तमाम करता है इसको यहां पर शिफ्ट करता है अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई भाई वो कहता है भाई, मैं तो फील्ड हूं और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराने के लिए कोई है नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता क्या करता है उसको जोर से थप्पड़ मारता है इस इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा एक्साइट करेगा ताकि ये दो डी और बैटल खाली हो जाए ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में मतलब अभी भी हाइब्रिडाइजेशन तो अपनी क्या होगी डी टू एस पी थ्री अभी भी ये इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स होगा इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स बट ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, हायर एक्साइटेड स्टेट में तो ये क्या शो करेगा पैरा मैग्नेटिज्म क्या शो करेगा पैरा मैग्नेटिज्म अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं ठीक है यहां तक सबको समझ आ गया अच्छा एक और चीज बता देती हूँ जनरली ये देखो जहां पर पैरा इसको देख लो इधर वाले से जैसे यहाँ पे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ना तो स्पिन मोमेंट स्पिन ज्यादा आएगा ठीक है तो इनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनको हाई स्पिन बोलते हैं यहां पर जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मतलब या कम हो गए स्पिन तो इसको बोल देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस

राम क्लियर हो गया सबको कोई भी ऐसा आपका डाउट होता है ना आप बेझिझक पूछा करो अब मैं आपको बताती हूं। आप बुक्स उठा के देख लो कहीं किसी बुक ने ना D7 का स्पेशल केस दे नहीं रखा अब बच्चे मतलब है ना आपको जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि वो इसको एक्साइट कर सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तब तक आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि अपने आप से एक्साइटेशन होगी मैक्सिमम बच्चे D7 के लिए दोनों केसेस में एस पी लगाते हैं यही गलती हो जाती है और फिर याद रखते हो अच्छा मैम वो ना उस वाले कॉम्प्लेक्स में पता नहीं पैरा मैग्नेटिज्म क्यों आ रहा था जेई के क्वेश्चन में ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आई थॉट आपको क्लियर कट पॉइंट की तरह एक्सप्लेन कर दिया जाए समझ गए ठीक है चलो मैम पैरा मैग्नेटिज्म दा, मैग्नेटिक कैसे पता चलता है अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया जैसे यहाँ पर ये इधर आ गया ये सारे डाया हो गए बट इसकी वजह से ये अभी आगे है ना प्रेजेंट तो है कहीं बाहर तो नहीं गया तो पैरा अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो अब आपने सोचा ठीक है ये रखो अब आप सोचो मैम जैसे यहाँ पर वीक फील्ड लीगेंड है डी एट के केस में वीक फील्ड वीकेंड है तो मैम ये वीक फील्ड तो कुछ पेयरिंग करा नहीं सकता तो एसपी थ्री डी टू अब कल को कोई सोचे मैम डी एट में अभी भी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इतना तगड़ा है मान लो वो इसकी पेयरिंग यहां पे करा दे फिर आप कहोगे मैम एक ही खाली होगा फिर आप कहोगे मैम नहीं पेयरिंग करानी ही नहीं है इन दो को एक्साइट करा दो तो ऐसा नहीं है आप दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कराओगे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए काफी एनर्जी चाहिए यहाँ तो भाई एक इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो ठीक है ना आपको जैसे तुम्हें पता है पेपर में तुम्हारे लेट से पासिंग मार्क्स थर्टी फाइव है तुम्हारे थर्टी फोर आ रहे हैं ठीक है तो टीचर तुम्हें एक मार्क देके थर्टी फाइव कर देता है ग्रेस मार्क दे देता है पर तुम्हारे आ थर्टी थ्री रही है और टीचर चार है तुम्हें फेल करना तो वो दो मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देगा ठीक है ना ज्यादा एफर्ट्स हम नहीं लगाएंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एक को तो एक्साइट कर देगा बाकी दो को वो एक्साइट नहीं करेगा ठीक है ये बात याद रखनी है डी सेवन वॉज अ स्पेशल केस ठीक है अरे, अरे 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 श्वेता धीरे धीरे भाई कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स के तो सारे केसेस करो फिर कॉर्डिनेशन नंबर फोर के भी सिखाऊंगी चिंता क्यों करते हो सब कराऊंगी बट थोड़ा सा पेशेंस रखो तभी तो बोल रही हूँ यार अभी तुम बोल रहे हो ना मैम आज स्लाइड्स आपने क्यों नहीं बनाई है ठीक है अब यही मान लो मैंने तुम्हें सारा लिख दिया होता वो फील ना आती अब तुम एक एक चीज को फील कर पा रहे हो कि अच्छा मैम ऐसे हो रहा है अच्छा मैम ये एक्सेप्शन नहीं है अब यही मैंने एक्सेप्शन लिख दिए होता ना तो तुम्हें मजा ना आता यू आर लाइक खुद तो तुमने सोचा नहीं मैंने तो तुम्हें रटवा दिया होगा है ना अगर लिख के मैं तुम्हें बता देती ये ये कर लो तो वो रटी हुई फीलिंग आती मैंने हर चैप्टर की फाइल बनाई बट इसकी नहीं बनाई क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंड तुम्हें याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने खूब सारा तुम्हें लिख लिख के पढ़ाया था इफ आई होप यू रिमेंबर तो केमिकल बॉन्डिंग में भी यही था कि पहले खुद सोचो याद है कितने सारे हमने स्ट्रक्चर्स किए थे लूइज डॉट स्ट्रक्चर फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के वो फील ही तभी आती है जब आप खुद से लिख लिख के करो है ना एक केमिकल बॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेशन ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद से हाथ से लिख लिख के मजा आएगा चलो यहां तक हो गया अब मैं आपको कौन सा था हमारी ट्रिक कितनी ट्रिक पे हम पहुंच गए थे मुझे बताना जरा कहा गई ट्रिक नंबर स्टेट सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ये ट्रिक सिखाई थी एक और काम कर लो ट्रिक नंबर फाइव इसको लिखो ताकि आप याद रखो ये कि डाइमर कब बनता है ट्राइमर कब बनता है इसको लिखो ट्रिक नंबर फाइव ये जो दस बारह ट्रिक्स आज हमारे पास हो जाएंगी ना ये पूरे के पूरे जेई के क्वेश्चन तुमसे करवा लेंगे देखना ठीक है ट्रिक नंबर सिक्स अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी ट्रिक नंबर सिक्स एक एक करके मेरी कहानी बहुत आराम से अच्छे से सुनोगे आपने क्या करना है पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है मेटल का मेटल का अब इसी ट्रिक के बाद हम बड़े सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ठीक है थीके? इस ट्रिक के बाद क्वेश्चंस करेंगे अभी आपने क्या करना है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो मान लो आपने मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कितना आया छ कितना आया 6. आपने उसकी कॉन्फिगरेशन लिखी कॉन्फिगरेशन आ रही है डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री कितनी आ रही है या तो डी जीरो आ रही है डी वन डी टू डी थ्री अब इसमें मैंने सिखाया था ना चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या हो जाएगी डी टू एस पी थ्री याद रख सकते हो ऐसे आपको याद रखना है मान लो सेंट्रल मेटल आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है छे तो D0, D1, D2, D3, डी टू डी थ्री जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी डी टू एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री का मतलब है वो हमेशा इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स होगा अब जिनको ये नहीं समझ आया ये मैंने कंक्लूजन लिखा है कौन सी स्लाइड का इस स्लाइड का डी जीरो डी वन डू टू डी थ्री चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या आएगी डी टू एस पी थ्री इसी तरीके से हम सारे के सारे करके देखेंगे और कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता देती हूं आपके पास है डी फोर डी फाइव डी सिक्स क्या क्या है डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन अगर तो आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2 थ्री डी टू अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी डी टू थ्री किसी को कोई प्रॉब्लम है 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 तो क्या 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 हो हो जाएगी SP3, strong field है, hybridization हो जाएगी ठीक तक समझ आ गया अब एक अगला केस कर लो 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 आप ले लो D8, D9, D10. क्या ले लो? D8, D9, D10. कुछ भी कर लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो किसी के बस की बात नहीं है कि वो पेयरिंग कराए और डी वाले को यूज करे इनकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या हो जाएगी एसपी थ्री डी टू ऑलवेज चाहे वो Uh, क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हो या फिर वो वीक फीड लिगेंड हो ठीक है चाहे स्ट्रॉन्ग फीलिंगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे एस पी थ्री डी टू हाईब्रिड केवल इतना अगर आप याद रख सकते हो तो भाई साहब आपका बहुत जिनको ये याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया बट जिन बच्चों को ये याद रह गया भाई साहब काम आसान हो जाएगा कैसे याद रखना है मान लो क्वेश्चन आया इन ऑरबाइटल का क्वेश्चन आया आउटर ऑरबाइट का क्वेश्चन आया मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा है कौन सा पैरा मैग्नेटिक है कौन सा डाया मैग्नेटिक है ये सारे क्वेश्चंस कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है शेप है इन सब के क्वेश्चन आए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए वीबीटी का क्वेश्चन है वीबीटी का क्वेश्चन है मतलब पहले आपकी जो निगाहें हैं वो किस पे जानी चाहिए सेंट्रल मेटल लाइन पे निगाहें किस पे जानी चाहिए सीएमआई सेंट्रल मेटल लाइन पे जैसे ही आपने सेंट्रल मेटल लाइन को देखा आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तेरा उसे पूछो न, न, तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है वो कहेगा कह तो आप उससे पूछो भाई साहब मेरे पास तीन केस है मतलब तीन आपके पास जड़ी बूटी है उससे पूछो तो डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री है वो कहेगा हाँ तो कहना तेरी हाइब्रिडाइजेशन डी टू ठीक थ्री उससे पूछो तो डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट है सॉरी डी फोर्टी डी सेवन है डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन तो बोलना हाँ हाँ है तो अगर वीक फील्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 थ्री डी टू अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डी टू थ्री और वो वो भी ना हो तो उससे पूछो अच्छा तो डी एट डी नाइन डी टेन है हा हूँ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या हो जाएगी एस पी थ्री डी टू बातम खेल खत्म कहानी खत्म ठीक है इससे आपके सारे के सारे जेई के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे ठीक है मंजीत का एक क्वेश्चन आया कि मैम हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द स्ट्रॉग एंड वीक फील्ड वीक्रॉन्ग और वीक फील्ड पता करने के लिए हमारे पास एक थियरी होती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियोरी जो मैं आपको अभी कराऊंगी बट अगर मैं वर्नर की बात करूं तो वर्नर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप ये मान के चलो कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन मतलब ऑक्स ठीक है ना ऑक्स जो है ऑक्सीजन हेलोजन ये सारे वीक फील्ड लिखे इनके बस की बात कुछ नहीं है कार्बन नाइट्रोजन काफी तगड़े हैं ठीक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सी एन सी एन पढ़ रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड है अदरवाइज ऑक्सीजन हेलोजन वीक फील्ड है केवल अभी के लिए हल्के फुलके वीबीटी के क्वेश्चंस करने के लिए केवल इतना याद रखना है बट पूरी जो सीरीज है वो मैं आपको सिखाऊंगी है ना और आपको एक होमवर्क भी दूंगी तो पूरी सीरीज तो हम करेंगे बट अभी हल्के फुलके क्वेश्चंस करने के लिए आपको केवल इतना याद रखना है यहां तक हो गया ट्रिक सिक्स हमने कंप्लीट कर लिया अब वैसे तो मुझे क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर जाना चाहिए ठीक है ना बट एक काम करते हैं कॉर्डिनेशन नंबर फोर श्वेता अभी मेरे से पूछ रही थी कि मैम आपने कोर्डिनेशन नंबर सिक्स तो सिखा दिया कॉर्डिनेशन नंबर दूसरे कोर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हम कर लेते हैं यही दो अपने मेन के सिलेबस में है एडवांस के सिलेबस में है तो पहले इनको इसकी भी कुछ ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कुछ ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन एक साथ वीबीटी के सारे क्वेश्चन हम निपटा देंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है ना वीबीटी के सारे क्वेश्चंस अच्छा अभी कुछ मुझे आपको एक्सेप्शनल केसेस भी सिखाने हैं सो so, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आल्सो सीख लो उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे मेरी बात ध्यान से सुनो जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर फोर आया क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम या तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए या डी एस पी टू हाइब्रिटाइजेशन होनी चाहिए यही तो सिखाया था ना कोऑर्डिनेशन नंबर फोर मतलब या तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री या फिर डी एस पी टू यही होनी चाहिए अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की बात करूं तो जनरली है ना डी सेवन डी एट डी नाइन डी सेवन डी एट डी नाइन डी टेन वाले कोऑर्डिनेशन नंबर फोर शो करेंगे

एस बना दो पी बना दो डी बना दो एस बना दो पी बना दो डी बना दो ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में थोड़ा और कलर से बना देते हैं एक दो तीन चार एक एस बनाओ तीन पी बनाओ डी बनाओ एक दो तीन चार एक एस तीन पी डी ठीक है अब ध्यान से देखो डी सेवन एक दो तीन चार पाँच छ सात खुद से सोचो अगर वीक फील्ड लीगेंड है अगर वीक फील्ड लीगेंड है सपोज करो तो वीक फील्ड लीगेंड में तो पेयरिंग हो नहीं सकती है पेयरिंग होगी नहीं और चार और चाहिए तो क्या आप लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस थ्री किसी को कोई प्रॉब्लम डी एट एक दो तीन चार पाँच छः सात एक आठ डी एट डी एट में वीक फील्ड है पेयरिंग होगी नहीं तो चुपचाप से हाइब्रिडाइजेशन में एसपी थ्री लिख दूंगी डी सेवन डी एट वीक फील्डिंग लिगेंड में किसी को कोई प्रॉब्लम डी नाइन डी टेन का भी बना देते हैं ठीक है ना एक काम करो अरे डी नाइन डी टेन का भी कर लो फिर स्ट्रॉन्ग फील्डिंग लिगेंड में देखते हैं क्या क्या होगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक एस बना दो तीन पी बना दो एक एस बना दो तीन पी बनाना डी में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ठीक है अब डी नाइन में प्रेजेंस में, तो तो में सबको अच्छे, सब अच्छे से क्लियर हो गया कोई दिक्कत है तो बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ ठीक है अब ध्यान से देखो अब D7, D8, D9, D10 डी फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में देख लेते हैं एक मिनट ताकि थोड़ा इजी हो जाए एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक एस बनाओ तीन पी बनाओ तीन पी बनाओ चार डी ठीक है ना पांच डी हो गए ठीक है अब करके देखते हैं डी सेवन खुद से सोचना एक दो तीन चार पांच छ और एक सात एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ध्यान से देखना कन्फ्यूजन होएगी तो मुझे बताना मैं रिपीट कर दूंगी बाकी इजी सा चीज़ है D7 में D7 सेवन स्ट्रांग फील्ड है आपको कितने D और बाइटल खाली चाहिए एक इसको खाली करना है केवल इसको खाली करना है तो डोंट यू थिंक इस वाले को एक्साइट करा मतलब इस वाले को मैं वापस पेयरिंग करवा दूंगी इस वाले की पेयरिंग करा दूंगी एक डी खाली हो गया तो क्या सबको दिखाई दे रहा है डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन अपनी होगी डी सेवन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी डी एस पी टू ठीक डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी कोई दिक्कत अब डी एट में देखो डी एट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक डी और वाइटल खाली चाहिए इसको उठा के इधर भेज दो सबको दिखाई देगा डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी सबको दिखाई दे गया डीएसपी टू हाइब्रेडाइजेशन होगी डी टेन में देखना चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए भाई सब वो पेयरिंग तो नहीं करा सकता ना मतलब क्या ही कराएगा कोई है ही नहीं खाली तो चुपचाप से हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री लिख सकते हो आप कोई प्रॉब्लम अब अब देखो ये वही वाला अच्छा एक बार मुझे बताना डी नाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी देखते हैं तुमने कितना सोचा है समझा है D9 नाइन की हाइब्रिडाइजेशन एक बार सारे बच्चे मुझे करके दिखाओ डू द हाइब्रिडाइजेशन टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन फॉर D9। नाइन मजा आ जाएगा जिन बच्चों ने दिमाग लगा लिया सोचो 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 कई बच्चे दिमाग लगा पाए हैं बिकॉज वो थप्पड़ से एक्साइट करेगा राम अनुराग बहुत बढ़िया D9 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा आपको ऐसे लगेगा कि मैम एक ही तो इलेक्ट्रॉन है इसको किसके साथ पेयर करेंगे तो sp3 करा दो मैम आपको ऐसा लगा होगा तभी आपने एसपी थ्री बाय द वे मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इतना तगड़ा होता है ना एक थप्पड़ की दे रही है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां ले जाएगा बन गया डी एस पी टू क्या बन गया डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन आया मजा ये था वो पॉइंट जो थप्पड़ वाले से याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन बचा तो थप्पड़ मार सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ नहीं पड़ेंगे थप्पड़ पड़ेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन को तुम पास होने से बच रहे हो है ना मतलब तुम फेल होने से एक मार्क्स से बच रहे हो तो टीचर दया खा लेगा दो नंबर से बच रहे हो तो टीचर दया नहीं खाएगा ये बात सबको समझ आई अब मैं यहां पर भी आपको कितनी ट्रिक होगी थी छे सेवेंथ ट्रिक लिखना जरा भाई देखो जिनको ट्रिक्स याद रह जाए खूब बढ़िया बात है आपके क्वेश्चंस की स्पीड तेज हो जाएगी भाई मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है ट्रिक्स को सिखाने का मतलब यह है कि आपको ट्रिक्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उनको दिमाग में रिटेन करने के लिए जो तो आपने रिटेंशन करते टाइम टाइम स्पेंड कर दिया बहुत बढ़िया आपको पेपर में टाइम सेव होगा अगर आप लंबे तरीके से करना चाहते हो दैट इज टोटली अप टू यू कोई दिक्कत नहीं है बट पेपर में थोड़ा टाइम कंज्यूम कंज्यूमिंग हो जाएगा ध्यान से देखो ट्रिक सेवन मैंने आपको बोला मान लो आपका कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाला वही जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर वाला किया था ना ऐसी चार वाला तो चार वाले में आपको देखना है कि तुम D7 हो D8 हो या फिर D9 हो ठीक है तुम D7 हो D8 हो D9 हो अगर तो तुम वीक फील्ड लिगेंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर तो तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और तुम D10 हो तो भाई तुम स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 दिस इज योर ट्रिक नंबर सेवन दिस इज योर ट्रिक नंबर सेवन अब मुझे बताओ क्या यहां तक सारी की सारी कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई है किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ अभी तीन चार ट्रिक्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगी उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे ठीक है हाउ मेनी आवर्स वी हैव द सेशन आई हैव टू सी द टीवी अच्छा तो देख लो भाई यार प्रायोरिटी डिसाइड किया करो सेशन तो चलेगा मैं बोल रही हूँ मतलब अभी रिसेंटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे लिया है है ना मैराथन सेशंस करके बट जब मैं देख रही थी तो इट वाज लाइक सब कुछ शॉर्ट 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 में करा के खत्म हो गया चैप्टर यार फिर तसल्ली से करना है तो मुझे तुम्हें पाँच छः घंटे देने पड़ेंगे आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट ठीक है ना और अगर तुम्हें बस फटाफट फटाफट काम मुकाना है तो तो फिर मैंने एक फोर्टी डेज का क्रैश कोर्स लिया था जिसमें दो ढाई घंटे में मैंने भी कराया था है ना मतलब इट डिपेंड्स अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं ठीक है थीके? तो टाइम मुझे तो लगेगा आज आई विल डेफिनेटली टेक टाइम अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्वालिटेटिव एनालिसिस उसमें भी मैं टाइम लगाऊंगी बट मैं ये बोल सकती हूँ कि आज वाला चैप्टर अटेंड करो नेक्स्ट चैप्टर अटेंड करो भाई साहब तुम्हारा इनऑर्गेनिक में मार्क्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता जिस बच्चे ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बाउंस बैक सीरीज देखी है ना तुम्हारे इनऑर्गेनिक में मार्क्स आके रहेंगे सब मैंने कंप्लीट कराया एवरी सिंगल थिंग ठीक है तो टाइम तो लगेगा क्वेश्चन भी करा दो 2021 के 2021 वाले अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैं आपको पूरा बता देती हूँ जितने भी बाउंस बैक के सेशंस हैं उनमें मैं 2020 तक के सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ ठीक है इसलिए ताकि आप 2021 के क्वेश्चंस टेस्ट के बेसिस पे खुद से कर सको ठीक है ना खुद से करना भी तो सीखो ना सारे पीवा क्यूज मैं कराऊंगी तो आपको लगेगा हमें सारे पी वाई क्यूज आते हैं बट खुद से एनालाइज तो करो आपसे कितने बनते हैं और अगर चाहते हो कि मैं ही कराऊं तो जो प्लस पे हमारा बैच चल रहा है ठीक है ना अब ये कोई वो नहीं है कि मैम क्लास खत्म होने वाली है आप प्रमोशन कर रहे हो ये पूछा आपने इसलिए मैं बता रही हूँ तो जो प्लस पे हमारा रैपिड रिविजन बैच चल रहा है उसमें जैसे ये चैप्टर है इसी को और डिटेल में फटाफट हमें रिवाइज करना है मतलब रिविजन तौर पर हमारे वो बैचेस चल रहे हैं तो वहां पर बच्चे 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लास में मैं पूरा रिवाइज कराती हूँ फिर 2021 के क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं तो इन केस आप चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस वाले बैच में एनरोल कर सकते हो ठीक है ना? चलो ये हो गया अब दो तीन छुटपुटे से पॉइंट्स हैं अगेन मैं आपको बताती हूँ ये पॉइंट्स एन में एज सच लिखे नहीं हुए हैं अगर आप अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स उठा के देखो वहाँ पर भी इन पॉइंट्स को बस ऐसे नोट की फॉर्म में लिख रखा है एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ चाहे आप इनको एक्सेप्शन्स मानो इनकी जो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूंगी सी के जब मैं सी एफ कराऊँगी तब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है जब हम सी करेंगे ना तब हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे बट अभी क्योंकि वीबीटी के क्वेश्चन में ये पॉइंट्स यूज होते हैं और अगर आपको ना पता हो तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सो इट्स बेटर कि इन पॉइंट्स को हम अभी से डिस्कस कर लें ठीक है ट्रिक नंबर सेवन हो गया आज ट्रिक नंबर एट डिस्कस करते हैं ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है मतलब यार देखो जो बात है तो वो है ही सही अगर आप याद रख सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट ठीक है एक बात बताती हूँ पहली ट्रिक आपको पता है अमोनिया है

किसके किस 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 के लिए एफ टू प्लस एम एन टू प्लस सीओ टू प्लस लिखो एफ प्लस एम एन टू प्लस सीओ टू प्लस करो मैंने आपको नहीं बताया ठीक है फिर मन क्यों ठीक है ये जो है ना फिर मन क्यों ये जो फिर मन क्यों है इन तीनों के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है इन तीनों के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी CFT के टाइम पे अभी भी डिस्कस करेंगे बट पहले समझो अगर आपको पता ही नहीं है कि अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है प्लस के लिए ठीक है तो आप तो भाई पेयरिंग करा दोगे और फिर आंसर गलत आ जाएगा कल को आपको एम मिले और आपको पता ही नहीं अमोनिया इसके लिए वीक है तो आपका आंसर गलत आएगा समझ रहे हो तो ये कुछ और फिर आप सोचोगे अरे मैम ये तो एक्सेप्शन पूछ लिया जेई वाले ने तो जेई वाला आपको एक्सपेक्ट करता है कि ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पहले भी पूछे गए हैं तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है फिर मन क्यों ये तीन ऐसे हैं फिर हमारा जो मन है वो क्यों दुखी ना हो मन दुखी हो ही जाता है क्योंकि इन तीनों के लिए अमोनिया जो है वो अपना वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा इन तीनों के लिए जो अपना अमोनिया है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा क्या ये बात आपको सबको अच्छे से समझ आ गई है क्यों करेगा अभी इसका रीजन मैं आपको डिस्कस करूंगी बट पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं अब लिखो ट्रिक नंबर नाइन अभी रीजन सबके समझाऊंगी चिंता ना करना ट्रिक नंबर नाइन जो ऑक्सीजन है है ना ऑक्सीजन डोनर्स जो भी हैं देखा जाए वैसे तो ये वीक फील्ड वीकेंट है क्योंकि ऑक्सीजन बट तो भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग फील्डेंट की तरह एक्ट कर लेते हैं पता है किसके लिए दे कैन ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्डेंट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं कोबाल्ट थ्री प्लस के लिए और कॉपर टू प्लस के लिए किसके लिए कोबाल्ट थ्री प्लस एंड कॉपर टू प्लस अब ऐसा क्यों हो गया कि इनके लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं अभी समझाऊंगी याद रख सकते हो क्यों क्यों को क्यों क्यों कोबाल्ट प्लस थ्री कॉपर प्लस टू इन तीनों के लिए जो ऑक्सीजन डोनर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करते हैं एक और बात बताती हूँ ट्रिक नंबर टेन सारी एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी ट्रिक टेन मान लो आपका जो मेटल है अगर वो प्लस फोर में है कोई भी मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर की क्यों क्यों ना हो ठीक है कोई भी मेटल है चाहे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर में है उसके लिए भाई साहब हर लीगेंड एवरी इज भाई साहब स्ट्रॉन्ग फी लीगेंड हर मेटल प्लस फोर वाले के लिए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फी लीगेंड होता है हर मेटल प्लस फोर वाले के लिए लीगेंड स्ट्रॉग फील लीगेंड है सारे अभी रीजन बताऊंगी चिंता ना करो ट्रिक इलेवन ठीक है ट्रिक इलेवन जितने भी फोर्टी और फाइव डी सीरीज वाले मेटल्स हैं उनके लिए हर लीगेंड एवरी लीगेंड चाहे वो वीक फील्ड ही क्यों ना हो एवरी लीगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट हर लीगेंट भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट की तरह एक्ट कर सकता है हर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर सकता है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं पॉइंट्स क्लियर है पॉइंट्स ठीक है आगे देखो आपको पता है मुझे एक बार जल्दी से बताना जेड एन टू प्लस सी डी टू प्लस एच टू प्लस हमने किया है ट्रिक ट्वेल्व अब आप मुझे बताओगे ट्रिक ट्वेल्व मुझे बताना इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा जल्दी 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 हमने किया है कोऑर्डिनेशन नंबर इन सबका क्या होगा फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ अभी इन सबका एक्सप्लेनेशन दे रही हूं यार पहले ट्रिक्स तो नोट करो फिर सारे एक्सप्लेनेशन भी दूंगी मैं आपको बता रही हूं ना वापस बता रही हूं क्यों मैंने ऐसे ट्रिक्स लिखवाई हैं क्यों आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी जब सी एफ टी कराऊंगी आपको खुद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक्सप्लेनेशन तो याद होती है आप पॉइंट भूल जाते हो इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी आपको समझ भी आएगा मुझे पांच दस मिनट का टाइम दो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं दूंगी एक्सप्लेनेशन बट पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है वेरी गुड गाइस दैट इज ग्रेट इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है four. हमने डिस्कस किया था ना दो का चार दो का का चार्डिनेशन नंबर फोर अब एक बात बताओ ये सारे के सारे डी टेन वाले हैं और डी टेन है तो इनकी हाइब्रिटाइजेशन एसपी थ्री लिख सकते हैं इनकी हाइब्रिटाइजेशन एसपी थ्री लिख सकते हो किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछो क्यों अभी लिखवाया था ना कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में डी टेन ऑलवेज एसपी थ्री कॉर्डिनेशन नंबर फोर में डी टेन ऑलवेज एस पी थ्री देखो कैसे फटाफट आंसर आ रहे हैं अगर आपको पॉइंट्स याद है भाई साहब आप फटाफट से आंसर कर सकते हो एक्सप्लेनेशन दोबारा मैं बोल रही हूं अभी दे दूंगी अभी दे दूंगी दोबारा बट पहले पॉइंट्स याद रखो ट्रिक बारहवीं बार ट्रिक सबको समझ आ गई ट्रिक थर्टीन ट्रिक थर्टीन ठीक है बड़े ध्यान से देखना थर्टीन ट्रिक भी काफी अच्छी है मान लो प्लेटिनम प्लस टू है या फिर पलेडियम प्लस टू है क्या मैंने आपको बताया था इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए सोच के बताना क्या मैंने आपको बताया था इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए फटाफट 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 ट्रिक थ्री ट्रिक ट्वेल्व नहीं नहीं यहां पे ऐड कर दिया ना इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी देख रहे हो मतलब ऐड करा है हमने चलो जल्दी से बताओ इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए दो का चार दो का चार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए फोर एक बात बताओ ठीक है अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये कौन सी फैमिली में एन आई पी टी पी टी एन आई पीटी पी टी है ना तो ये निकल वाली फैमिली में है निकल वाली फैमिली में निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन आई टू प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है डी एट तो ये सारे के सारे कौन से हो गए डी एट ये सब के सब डी एट हो गए क्या इतनी बात याद आ रही है सारे डीएट हो गए और खुद मुझे बताओ जब डी एट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है अरे भाई साहब फोर्टी फाइव डी सीरीज के लिए ऑल द लीगेंट आर स्ट्रॉन्ग फील सब के सब लीगेंट इनके लिए स्ट्रॉन्ट होते हैं तो अगर इनके लिए सारे लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट होते हैं तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आप समझ पा रहे हो डीएसपी टू होगी किया था हमने स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी डीएसपी टू क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई कोई दिक्कत है तो बताओ आगे सबको बात समझ ट्रिक फोर्टीन अब ये खुद करोगे ट्रिक फोर्टीन प्लेटिनम प्लस फोर में है पलेडियम प्लस फोर में है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना जरा वी हैव हाँ ऑलरेडी डन दिस ट्रिक प्लेटिनम प्लस फोर कॉर्डिनेशन प्लस फोर प्लेटिनम प्लस फोर कॉर्डिनेशन प्लस फोर यार ऐसे स्पैम मत करो बहुत बच्चे यार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लिटरली ना ट्यूशन जाते हैं ठीक है ना उनके स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है ना किसी कोचिंग पे रिलाई करते हैं प्लीज उन बच्चों के लिए ही कम से कम स्पैम मत करो लेट दिस सेशन बी अ यूजफुल सेशन तुम स्पैम करोगे मैं आधा घंटा बकवास करके प्रवचन दे के सेशन को खराब करूंगी उसका कोई फायदा नहीं है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यार ये सारी चीजें मतलब आई विल टेल यू ठीक है अगर तुम कभी पढ़े हो है ना अच्छे से कभी इस चैप्टर को पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को कराने में ना मतलब महीने महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक है मैं तुम्हें यही कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा इतना टाइम ना लगवा के तुम्हारे पाँच छः घंटे लूँ बट पूरा कॉन्टेंट तुम्हें जितना हो सके सारा का सारा यहाँ दे दूँ हर चीज दे दूंगी और मैं लिख कर दे सकती हूँ अगर तुमने पूरा मेरा ये सेशन अटेंड किया भाई साहब जेई मेन जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने मैं लिख कर दे सकती हूँ तो प्लीज़ करो अच्छे से वेरी गुड कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये उसका ये क्या था ये इसका रिश्तेदार था ये इसका रिश्तेदार था तो जब पिछले वाले का कोऑर्डिनेशन चार तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स भाई सब फोर डी फाइव डी सीरीज फोर डी फाइव डी सीज सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो ऑल आर एस एफ एल और जब सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स में सोचना जरा तो क्या बनता है कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगी वो डी सिक्स आएगी तो पूछो इससे पूछो पूछो क्या तो डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री है कह रहे नहीं अगर मान लो डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है डी टू एस पी थ्री फिर इससे पूछो D4, D5, D6, D7 है? कहता हाँ। क्या तो डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से लिखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी डी टू एस देखो भाई। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर अच्छे से दिमाग लगा के इन पॉइंट्स को इन ट्रिक्स को तुमने याद कर लिया ठीक है अब एक्सप्लेनेशन तो चौदह की चौदह ट्रिक्स तुम्हें याद आ गई है ये ट्रिक समझ आ गई है ये ट्रिक समझ आ गई है ये ट्रिक समझ आ गई है ये ट्रिक अच्छा ये ट्रिक ये ट्रिक अभी नहीं समझ आई ट्रिक सात आठ नहीं सात आ गई है आठ नौ दस तीन ट्रिक्स मुझे तुम्हें समझानी है ना अब लिखो एक्सप्लेनेशन ये हो गया एक्सप्लेनेशन ठीक है ना अब हम ट्रिक्स की क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूं तुम्हें थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि मैम ने खाली पॉइंट्स नहीं रटवाए हमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया बाकी वापस मैं बोलूंगी एक्सप्लेनेशन तुम्हें याद हो ना हो तुम्हें ट्रिक्स याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन जल्दी से बनेंगे ठीक है चलो एक काम करो एम एन टू प्लस एफ प्लस मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने ठीक है मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने मैंने ये ले लिया इन्हीं में एक्सेप्शन थी। अब एक बार बताओ जैसे जैसे एक बार बताओ ये मेटल है, समझना हाँ? ये मेटल आयन है और ये लीगेंड अपना आ रहा है हमारे पास लीगेंड को मेटल को अट्रैक्ट करना है ना मेटल हैज टू अट्रैक्ट द तभी तो आके मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा हैज टू टू कम क्लोज मेटल मेटल तभी तो मेटल जो है वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा समझ रहे हो अगर आप मैंगनीज से आयन सेबाइल कोबा, निक, से निकल से कॉपर जाओगे क्या आप सबको दिखाई दे रहे यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है मैंने आपको बताया था जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है क्या ये बात सबको समझ आई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता रहता है ठीक है अब होता क्या है जो ये वाले हैं ठीक है ये वाले ये तो काफी मतलब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई है बट जो शुरू शुरू के हैं मैंगनीज आयन कोबाल्ट इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है नॉट ग्रेट वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव इफेक्टिव इनका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं है तो एक बात बताओ अगर एक एक आप आप एक बात सोचो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आएगा तो वो बॉन्ड बनाना चाहेगा ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आइन के साथ ठीक है जो स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना चाहेगा मिनट गिव मी, गिव मी वन मिनट ठीक है ना आवाज आ रही है पहले तो मुझे ये बताओ हेलो 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 गाइस आवाज आ रही है ना अभी आवाज आ रही है अभी आवाज आ रही है ना हाँ साउंड इज क्लियर देखो देखो ध्यान से देखो हाँ तो हम यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा रही थी एक बार बताऊँ अगर जो स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है वो स्ट्रांग फील्ड लीगेंड क्या चाहता है कि मैं मतलब चिपक जाऊँ मेटल के साथ जाके मेटल के साथ बॉन्ड बना लूँ तो अगर मेटल भी अपनी तरफ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा शो करेगा तभी तो मेटल और लीगेंड का स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो आपको पता है जो हमारा अमोनिया होता है ना जो अपना अमोनिया होता है वो क्यों इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट की तरह एक्ट करता है वो अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते इसीलिए जो अमोनिया है वो मन फिर क्यों मन फिर क्यों के लिए एक वीक फील लीगेंट की तरह एक्ट करता है जबकि बाकियों के लिए वो स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट की तरह एक्ट करता है पॉइंट नंबर ट्रिक नंबर एट थी ना अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा मन फिर क्यों क्योंकि इनका साइड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होता बट बाकी काफी अच्छा होता है उनके लिए ये स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई क्यों अमोनिया वाली एक्सेप्शन आई अमोनिया वाली एक्सेप्शन सबको अच्छे से समझ आ गई अमोनिया जो है वो ऐसे यहां से देख लो अमोनिया इसको वापस लिख देती हूं मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने अमोनिया इन तीन के लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा जबकि इन दोनों के लिए जो अमोनिया है वो किसकी तरह बिहेव करेगा फील्ड लिगेंड क्या ये बात सबको समझ आ गई जनरली सबके लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है बट मन फिर क्यों के लिए अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ठीक है अब ऑक्सीजन की बात करूं भाई सब ऑक्सीजन जो है वो खुद ही यार वो खुद ही वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब वो तो मन फिर क्यों नहीं इन चारों के लिए ऑक्सीजन डोनर्स जो हैं वो वीक फील्डेंट की तरह काम करेंगे केवल कॉपर टू प्लस ऐसा होता है जिसके लिए मतलब जिसका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है कि ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करे समझिए जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसमें एक वीक फील्ड लिगेंड भी एक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी वीक फील्ड की तरह बिहेव कर लेगा क्या ये बात सबको समझ आ गई सारे एक्सेप्शन क्लियर होते जा रहे हैं

जब आप थ्री डी से फोर डी से फाइव डी में जाते हो तो फोर डी और फाइव डी सीरीज़ का ये तो आपको पता ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसीलिए हर लिगेंड, चाहे वो वीक फील्ड क्यों ना हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है अब क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है तो हम आगे कंटिन्यू करें क्वेश्चंस करें नहीं आई तो यहाँ तक जो भी डाउट्स हैं मैं आपसे पूछ लेती हूँ ठीक है ना पहले मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर है ट्रिक्स एक बार रिवाइज कर लें फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लेटेस् रिवाइज अ फ्यू ट्रिक्स हमने ट्रिक्स कहां से सीखी ट्रिक नंबर सिक्स से मैं बात करती हूँ ट्रिक नंबर सिक्स में कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स का क्वेश्चन आ गया तो उससे पूछो क्या तू डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री है वो कहेगा हाँ हूं तो बोलो भाई तू डी टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है वो कहे नहीं तो मैं तो डी फो डी फाइव डी सिक्स डी सेवन हूँ तो तुम कहो क्या तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो तो तुम एसपी थ्री हो स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है तो d2 sp3 हो ठीक है और फिर वो पूछे कि तुम डी सेवन डी एट तुम डीए डी नाइन डी टेन हो तो क्या ना भाई तुम कुछ भी कर लो तुम एस पी एस पी थ्री डी टू ही रहोगे एसपी थ्री डी टू ही रहोगे की कॉर्डिनेशन नंबर चार आएगा तो उससे पूछो भाई तो डी सेवन डी एट डी नाइन है वो कहेगा हा हूँ तो क्या ना अगर तू स्ट्रॉग फील्ड इगेंट है तो तू हमेशा क्या बनाएगा डी एस पी टू ठीक है वीक फील्डेंड है तो एसपी थ्री बनाएगा जो तो तू डी टेन है तो हमेशा क्या बनाएगा एसपी थ्री आगे ट्रिक एट मैंने आपको बताया जो अमोनिया है वो वैसे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट मन फिर क्यों के लिए वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन डोनर्स जो है वो वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है बाकी कॉपर टू प्लस और कोबाल्ट थ्री प्लस के लिए वो किसकी तरह स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं फिर हमने टेंथ ट्रिक सीखी कि अगर मेटल प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया वो बहुत तगड़े तरीके से लीगेंड को अट्रैक्ट करेगा मेटल इन प्लस फोर के लिए हर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्डिगेंड है 45D सीरीज के लिए हर लीगेंड एक स्ट्रॉन्ग फीडीगेंड है और जो फोर्थ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन ट्रिक तो अपनी सिंपल ही थी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है एक्सप्लेनेशन कर लिया नाउ इट्स द टाइम टू डू अ फ्यू जेई के क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन करते हैं ठीक है अब जेई के क्वेश्चन करते हैं इंटरनेट खत्म हो गया तो <laughs> मम्मी का फ़ोन ले आओ पापा का फ़ोन ले आओ ठीक है अभी तो क्लास दो घंटे और चलेगी क्या टाइम हो गया साढ़े छः हुई है ना तो साढ़े आठ तक लगभग क्लास चलेगी एक घंटा लगेगा सी करने में और कलर ऑफ कंपाउंड्स करने में एक घंटा लगेगा आइसोमर्स करने में तो क्लास एक घंटा चलेगी बट उससे पहले हम क्वेश्चन करते हैं चलो अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे जितना सी एफ टी वीबीटी का हमने पढ़ लिया एक बार तसली कर लो कि तुम्हें आ गया है या कोई दिक्कत है ये ग्रीन स्लाइड ग्रीन स्लाइड के बाद हम क्वेश्चन करते हैं ठीक है वन सेकेंड एक एक करके ये अभी नहीं होगा ये अभी नहीं होगा अभी ये भी नहीं करेंगे ये भी नहीं आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बाद में कराएंगे ठीक है ना आइसोमर्स नहीं आइसोमर्स नहीं आइसोमर्स नहीं आइसोमर्स नहीं आइसोमर्स नहीं।, नहीं अभी डी टू टी टू जी नहीं किया कलर नहीं आइसोमर्स नहीं आइसोमर्स नहीं करना जरा द पेयर इन विच द हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का सेम है जेईमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है वैसे तो ये सीएफटी से कर सकते हैं बट वीबीटी से भी आप कर लोगे एक बार करना करके दिखाओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है आपके अकॉर्डिंग करो 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 और आंसर बताओ 아야, 안전아야? थिंक ये क्वेश्चन बन जाना तो चाहिए तुमसे बट अभी सी एफ टी मैंने नहीं कराया तो आई थिंक सी एफ टी से ज्यादा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे ठीक है सी एफ टी से ज्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन हो जाता या तो रुको सी एफ टी कर लेंगे टी टू जी जी तब हम ये क्वेश्चन करेंगे ठीक है रुक जाओ अभी दो मिनट सारे सी एफ टी सी एफ टी के क्वेश्चन मिक्स हैं ठीक है ना ओके okay, ये क्वेश्चन करना फॉर द ऑक्टा हेड्रल एम एन टू प्लस एंड टेट्राहेड्रल आई टू प्लस कॉम्प्लेक्सेस मिक्स क्वेश्चन है है ना एक मिनट जो ये एडवांस का एक क्वेश्चन था 2018 का वो कराती हूं पहले चलो ये वाला करके दिखाओ जई एडवांस ट्वेंटी एटीन का लो पहले एडवांस का क्वेश्चन कर लो जयवां एटीन का क्वेश्चन है टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये बन जाएगा वीबीटी का क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा करना बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए जई एडवांस ट्वेंटी एटीन का क्वेश्चन हाँ ये करो आराम से कर लो है ना कलर नहीं आता तभी अभी ना मिक्स कॉन्सेप्ट है तो जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं वो हम सी एफ टी कर लेंगे फिर कर लेंगे करो ये करो जई एडवांस ट्वेंटी एटीन का क्वेश्चन है अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ डाया मैग्नेटिक स्पीशीज ऐसे कितने स्पीशीज हैं जो डाया मैग्नेटिक है हाउ मेनी स्पीशीज आर डाया मैग्नेटिक जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए डाया मैग्नेटिक कितनी स्पीशीज होंगी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आठ अरे क्या बात है करो करो आठ सही आंसर नहीं है करो करो टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जो डाया मैग्नेटिक हैं करें आंसर आया किसी का सिक्स एट टाइम लो जल्दबाजी में मत करो मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने तुमसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ मतलब क्वेश्चंस uh, कराए हैं एक ही क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा अनिकेत का बिल्कुल बढ़िया आंसर आया है अनिकेत करेक्ट है ना अनिकेत का आंसर एकदम सही आया करके देखते हैं क्या इनमें से कौन सी स्पीशीज डाया है सबसे पहले हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पैरा मैग्नेटिक है डाया तो नहीं है कह रहे एनओ टू का मोनोमर आपको मैं एक बात बता दूं कि नाइट्रोजन में जो एनो एनओ टू का जो होता है है ना इस ये अगेन एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तभी वो डाइमराइज करके एन टू ओ फोर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है तो इवन एनओ टू का मोनोमर भी पैरा मैग्नेटिक है O2 पे माइनस सुपर ऑक्साइड जितने भी मैंने आपको एमओी से सिखाया था O2 पे माइनस 16 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये स्पीसीैग्नेटिक होना चाहिए ये भी हमने किया हुआ है है ना तो जितने भी इवन वाले होते हैं एक्सेप्ट 10 और 16 वो डाया होते हैं अदरवाइज ये ऑड इलेक्ट्रॉन है है तो आई I मीन mean, ये भी कह हैटिक डायमेरिक सल्फर इन वेपर स्टेट जैसे ओटू पैरा होता है ऐसे ही जब सल्फर का वेपर बनाओगे एस टू तो वो भी पैरा मैग्नेटिक होगा ये एनसीआर की लाइन है सल्फर एस टू इज पैरा मैग्नेटिक क्योंकि वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है हाई टेम्परेचर पे तो पैरा मैग्नेटिक गया नेक्स्ट इज एम एन थ्री ओ फोर एम एन थ्री ओ फोर अगर देखो तो दिस इज एन ऑक्साइड अगर आप करो कि मैम थ्री एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू एट बाई थ्री ये गलत हो जाएगा एम एन थ्री ओ फोर एक मिक्स ऑक्साइड है जहां पर मैंगनीज प्लस टू में भी है और मैंगनीज किस में है प्लस थ्री में भी है ना मैंगनीज प्लस टू मैंगनीज प्लस थ्री अब मैंगनीज होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू है ना थ्री डी फाइव फोर एस टू दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्लस थ्री में डी फोर हो जाएगा तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी पैरा मैग्नेटिक है नेक्स्ट इज NH4 फोर ट्वाइस एफ ई सी एल फोर देखना एन एच फोर ट्वाइस एफ ई सी एल फोर है ना यही है ना एफ ई सी एल फोर अब बड़े ध्यान से देखो अब यहां पर ये टू टू माइनस का चार्ज है क्योंकि अमोनिया पे प्लस वन है तो मतलब आयन पे चार्ज कितना हो गया प्लस टू आयन पे चार्ज कितना हो गया प्लस टू बड़े ध्यान से देखो और आयन होता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू तो दो गया ये डी सिक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एक बार ध्यान से देखना जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो डी सिक्स होगा तो आप करके देखो ठीक है ना जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा और आपका डी सिक्स है और ये वीक फील्ड लिगेंड है देखना एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छ वीक फील्ड लिगेंड है तो वो तो कोई पेयरिंग कराएगा नहीं आपको पता है ना सीएल तो एक वीक फील्ड लिगेंड है कोई पेयरिंग नहीं होगी तो ये भी पैरा मैग्नेटिक यहां तक समझ आ गया तीन रह गए हैं थोड़ी जगह चाहिए मुझे ये तीन लिखने के लिए या दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे अब ऐसे ही है एन एच फोर ट्वाइस एन आई सी एल फोर अब देखना मतलब ये बन गया एन आई सी एल फोर टू माइनस मतलब निकल हो गया प्लस टू मतलब डी एड अब मेरी बात सुनो डी एट वीकेंड हमने क्या था ना D7 D8 D9 अगर वीक फील्ड होते हैं तो ये क्या होते हैं वीक फील्ड मतलब sp3 हाइब्रिड तो निकल में D8 है ध्यान से देखना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये भी पैरा मैग्नेटिक के टू एम एन ओ फोर करना जरा मैंगनीज टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो मैंगनीज प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज अगर प्लस सेवन में होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं प्लस सिक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है अब बचा के टू सी आर ओ फोर तो टू एक्स माइनस टू सॉरी टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो क्रोमियम आ गया प्लस सिक्स में मतलब सारे इलेक्ट्रॉन चले गए कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो गया डायमैग्नेटिक तो केवल वन वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस जेई एडवांस ट्वेंटी एटीन क्वेश्चन अब मुझे बताओ समझ आया चमका सबको वन इज द करेक्ट आंसर वन एक एक मैंने कहा था ना जेई एडवांस -E में इस चैप्टर की खूब इंपॉर्टेंस है अगर करके जाओगे तो लिख कर दे सकती हूँ जो ट्रिक सिखाई है उनसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और सही भी होगा ठीक है ना बट याद रखनी है चीजें किस तरीके से अप्रोच करना है तभी पेपर में क्वेश्चन सही करोगे जो बच्चे गिव अप कर देते हैं तुक्केबाजी करते हैं भाई सब एडवांस का क्वेश्चन है इसे हल्के में मत लेना सोच समझ के करना ठीक है ना टेक योर टाइम एंड देन डू द क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है सोच समझ के करना है ये सबको समझ आ गया ठीक है एक जे एडवांस 2018 में मैच द फॉलोइंग भी आया था देखती हूँ मैं इफ इट इज देयर जई एडवांस ट्वेंटी में एक मैच द फॉलोइंग था ये कर लो भाई साहब लो एडवांस के क्वेश्चन कह रहे थे ना वीबीटी से सिखा रही हूँ जय एडवांस ट्वेंटी टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टेक यूर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के टू एम एन ओ फोर रिपीट कर दो अगर के एम एन ओ फोर होता है तो मैंगनीज़ प्लस सेवन में होता है एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो अगर के टू एम एन ओ फोर है मैंगनीज़ प्लस सिक्स में मैंगनीज़ होता है डी फाइव एस टू तो तुमने छः इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो पैरा मैग्नेटिक है सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देते पेयर कर देते तो डाय मैग्नेटिक होता अब करो इसका आंसर बताओ दिस इज फॉर क्लास इलेवन स्टूडेंट्स नो 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 आज वाला जो सेशन है दैट इज बेसिकली फॉर ग्रेट ट्वेल्थ स्टूडेंट्स जो भी बच्चे ग्रेट ट्वेल्थ में है, या अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है जो इस सेशन को देख रहा है आपके लिए ये सेशन यूजफुल है करो एक मिनट करो है नीबीटी के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे फिर सी एफ टी स्टार्ट कर देंगे बस सी एफ टी बचा और आइसोमेरिज्म बचा दो टॉपिक्स है सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पहले आंसर करके दिखाओ बाद में ब्रेक सी और डी सौरभ इज सेइंग मैम सी और डी सौरभ थोड़ा सा और दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा मतलब मैं कहना चाहूंगी काफी बच्चों का सही आंसर आने लग गया है है ना तो करके देखते हैं यही उठा लो पी वाला उठा लेती हूँ एक बार एफ ई एफ सिक्स फोर माइनस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस टू आयन प्लस टू में है आयन होता है डी सिक्स एस टू और प्लस टू का मतलब आयन डी सिक्स है इतनी बात सबको समझ आई आयन डी सिक्स है आयन d6 है और और देखो जब d6 है और उसके साथ क्या है वीक फील्ड लिगेंड और आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले से पूछो क्या तू तो d0 d1 d2 d3 है इसने कहा नहीं फिर इससे पूछो तू d4 d5 d6 d7 है कहता हाँ क्या कह तेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है कहता हाँ तो आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2 तो sp3d2 वाला कौन है c एस पी थ्री डी टू में पी आना चाहिए सी में पी आना चाहिए ये नहीं है ये नहीं है सी में पी आना चाहिए सी में पी आना चाहिए है ना सी और डी में से आंसर है इतना तो समझ आ गया अब कोई भी और ले लो ये मैं एन आई सी एन फोर टू माइनस ले लेती हूँ कोई भी आप ले लो वट विच एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर देखना एन आई सी एन होल फोर टू माइनस निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल डी एट है निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको क्या सिखाया था डी एट है ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले से पूछो क्या तू डीवन डी एट डी नाइन है कहता क्या तू है कहता यस अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा डी एस पी टू तो डब्ल्यू आना चाहिए डीएसपी टू ए का आना चाहिए डब्ल्यू ए का आना चाहिए डब्ल्यू ठीक है और ए का एस भी आना चाहिए ये भी करके देख लो ये तो देखना वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं इट sure, तो वाला नहीं होना चाहिए सी करेक्ट आंसर जय एडवांस 2018 का क्वेश्चन तुमने चुटकियों में कर डाला अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे थे क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी किसी को कोई डाउट है तो यहां तक मेरे से पूछ सकते हो ठीक है एक जई एडवांस 2018 का और क्वेश्चन था ठीक है आयन और निकल वाला एक मिनट जई मेन 2018 का था लेट मी चेक जई मेन 2018 का एक और क्वेश्चन मैंने डाला था वन सेकेंड ना नहीं है चलो वो जेई मेन ट्वेंटी एटी का एडवांस का देखते हैं ट्वेंटी सिक्सटीन का एक क्वेश्चन डाला था ज्योमेट्री वाला जेई एडवांस ट्वेंटी सिक्सटीन जोमेट्री का क्वेश्चन है एडवांस वाले मैं तुम्हें पहले करा देती हूँ मेन वाले फिर भी इजी है एडवांस वाले तरक् अच्छे से कर लो ये लो जेई एडवांस ट्वेंटी का क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जेई एडवांस ट्वेंटी आंसर बताओ तसली से करना और आंसर बताना आज तो एडवांस के पहले करा रही हूँ मेन के मैं फिर भी स्किप कर रही हूँ कि छोड़ो पहले एडवांस कंप्लीट करो फर्स्ट वाला लेके सी और डी बता दिए नहीं नहीं तो एडवांस के क्वेश्चन में ऑप्शन ध्यान से चेक करने होते हैं ना हम टीचर्स तो मैं मतलब आंसर बताते हुए वी आर लाइक वेरी पर्टिकुलर है ना जिससे हमें क्लिक कर जाता है कि देखो ये वाला एन आई सी एन फोर टू माइनस पता ही है स्क्वायर प्लेनर होगा तो हम डायरेक्टली वही ऑप्शन चूज करते हैं अगर आप बच्चों को भी नहीं आता तो कोशिश करा करो एडवांस में सारे ऑप्शन करके देखा करो एडवांस का थोड़ा सा ध्यान रखना है मेन में फिर भी मतलब आप लोगों का वो वाला एटीट्यूड चलता है कि पहला किया आंसर आ गया तो आगे बढ़ो बट एडवांस में ध्यान रखना है ठीक है ना मैम इलेवेन्थ ट्वेल्थ केमिस्ट्री जय कब तक कंप्लीट करा दोगे आप थर्टींथ जैन तक ठीक है थर्टींथ जैन तक जो हमारा स्कड्यूल है बाउंस बैक का वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे डिसम्बर का स्कड्यूल मैं आपके साथ आई थिंक मैंने शेयर कर दिया है बट वो बाउंस बैक की जो टाइम टेबल है उसमें नहीं डला तो वो कुछ बैक एंड से देर इज अ शफल ऑफ टीम्स है ना जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है बट विल गेट दैट डन ठीक है डी कई बच्चे डी बोल रहे हैं ध्यान से कर लेते हैं एडवांस 2016 का क्वेश्चन है मतलब मेरा मन नहीं है जब तक बच्चे आंसर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन करने का सब बच्चे डी कह रहे हैं ऐसा हो गया करके देखें द जोमेट्रीज ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्सेज अमोनिया कॉम्प्लेक्सेज के लिए जोमेट्री निकल टू प्लस पी टी टू प्लस और जेड एंड टू प्लस भाई साहब जेड एंड टू प्लस तो मेरे को पता है डी टेन है और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड हो चाहे वीक फील्डिंग हो बात खत्म एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है ये तो तुमने खुद ही सीखा है तो ये तो टेट्राहेड्रल होगा ही होगा तो डी जो बच्चे बोल रहे हैं वो तो हो नहीं सकता अभी तो करा के आई हूँ जेड एंड टू प्लस डी टेन कॉर्डिनेशन नंबर फोर डी टेन वाला एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है स्क्वायर प्लेनर कहां से याद आया तुम्हें ये ऑक्टा हेड्रल कोई कैसे सोच सकता है जेड एंड टू प्लस का कोर्डिनेशन नंबर चार ही तो सिखाया था और डी टेन है तो एस पी थ्री होगा आगे देख लेते हैं कह रहे प्लेटिनम भाई साहब प्लेटिनम प्लस टू के सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस एक मिनट ना तुम पॉइंट्स तुम ट्रिक्स याद नहीं रखते हो और फिर रोते रहते हो अब अगर मैं ट्रिक बताने जाऊंगी तो काफ़ी पीछे चली गई है स्लाइड फिर इस पे आना मुश्किल हो जाएगा प्लेटिनम प्लस टू के सारे कॉम्प्लेक्सेस सिखाए थे कॉर्डिनेशन नंबर फोर होता है ये फोर्टी फाइव डी सीरीज वाले हैं सारी हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है स्क्वायर प्लेनर तो ये भी नहीं हो सकता ए विल बी द करेक्ट आंसर एडवांस ट्वेंटी सिक्सटीन का क्वेश्चन था तुमने एम ऐसी खराब किया ट्रिक सिखाई थी ना आज एक काम कर लेना ठीक है क्लास के बाद एक काम जरूर कर लेना ट्रिक्स सारी की सारी याद कर लेना एक पेपर लेना है ना वो मिडल वाला पेज ले लेना उस पर सारी ट्रिक्स लिखना और अपने दिमाग में फिट करना फिर जेई के क्वेश्चन करना मजा आ जाएगा ऐसे करोगे तो शायद लंबा प्रोसीजर लगेगा बट जिनको ट्रिक्स याद है अच्छा मैम जेड एंड टू प्लस का आपने सिखाया था कोऑर्डिनेशन नंबर चार डी टेन है मतलब एसपी थ्री होगा जिनको ट्रिक याद थी डायरेक्टली फटाफट आंसर आएंगे ठीक है निकल का करके दिखा दो क्या था ये निकल प्लस टू में है अमोनिया के साथ जब निकल कॉम्प्लेक्स बनाता है होल पॉजिटिव बनाता है एट है ठीक डी एट एस टू होता है तो टू चले गए डी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अब उससे पूछो तू तो जीरो वन टू थ्री का है कह रहे नहीं तो फोर फाइव सिक्स सेवन का है कह रहे नहीं फिर उसे पूछो तू एट नाइन टेन वाला है कह रहा है हाँ एट नाइन टेन में तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू ई तो थ्री इट वॉज एस पी थ्री डी टू याद आ गया ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स बनाया था हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी थ्री डी थी टू थी। ठीक है चलो जो एडवांस ट्वेंटी सिक्सटीन का क्वेश्चन हो गया अब मैंने मेरे ख्याल से जितने एडवांस वाले क्वेश्चन थे कर दिए हैं एक और कर लेते हैं एडवांस दो हजार सोलह का एक और क्वेश्चन मैंने डाला था मिलता है तो करा देती हूँ जे एडवांस 2016 का एक और क्वेश्चन चलो नहीं डाला होगा ठीक है तो ये एडवांस के मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं मेन वेन के क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे ये मे एडवांस का था एक और एडवांस ट्वेंटी मिले तो करा देते हैं नहीं तो वी कैन कंटिन्यू फर्दर ठीक है अब अपना एडवांस एडवांस दो नहीं अभी तो जोमेट्रिकलाइस हो है ठीक है कोई नहीं ठीक है ना तो अब अपना हमारा जो वीबीटी है वो भी कंप्लीट हो चुका है सो नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सी एफ टी ठीक है ना हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है सी एफ टी तो सी एफ टी मैं आपको करा देती हूँ उसके बाद नहीं सेकेंड सेकेंड लास्ट है एक आइसोमेरिज्म भी अपना बचा है वो भी काफी टाइम कंज्यूमिंग है ठीक है तो वी बी टी हमने कर लिया सी एफ टी और आइसोमेरिज्म कर लेते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए तो ब्रेक लेना है या कंटिन्यू कर लें थक गए तुम ठीक है भूख लग गई है अरे <laughs> थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या तो फिर ब्रेक ले लेना है नहीं तो ना फिर ज़्यादा रह जाएगा अगर सी एफ टी भी रह गया लेटेस्ट से और आइसोमेरिज्म रह गया तो थोड़ा लंबा चल जाएगा सेशन ठीक है तो थोड़ी देर और पढ़ लो उसके बाद ब्रेक ले लेना पंद्रह बीस पच्चीस मिनट और पढ़ लो फिर ब्रेक दे दूंगी ठीक है तो थोड़ा ब्रेक के बाद ऐसा होगा कि बस थोड़ा सा ही रह गया है ना हाँ ब्रेक नहीं लेते हैं ठीक है ना कलर कॉम्प्लेक्स बता दीजिए कलर कॉम्प्लेक्स भी सिखा दूंगी वो इसी में पार्ट आ जाएगा सी एफ टी का आ जाएगा नहीं तो उसको लास्ट में आई सो मेरी के बाद डिस्कस कर लेंगे ठीक है अब सी एफ टी देखो यार काफ़ी ईजी है तुमने सब कर ही लिया अब तो मैं बस दस मिनट लूंगी सी एफ टी की पूरी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगी और तुम्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि मैम सी एफ टी तो काफ़ी ईजी था हमने ये सोच रखा था कि सी एफ टी मुश्किल है बट एक्चुअली सी एफ टी ईजी था मैं आपको बताती हूँ बिफोर वी डिस्कस सी एफ टी मैं कुछ ड्रॉबैक्स बताती हूं आपको वीबीटी के वीबीटी का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि वीबीटी टेल यू एनीथिंग अबाउट कि मैग्नेटिक मोमेंट याद है हम मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे और अटक गए फिर मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ सी करेंगे तब हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट है ना मतलब वीबीटी आपको ये नहीं बताता कि कौन सा जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फी लीगेंड है वी ब, बस इतना बोलते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन हाइलोजन वाले वीक है क्यों स्ट्रांग है क्यों वीक है, है वो ये नहीं बताता सारे की क्लासिफिकेशन वीबीटी ने नहीं करी ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट वीबीटी नहीं बताता कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वीबीटी नहीं बताता एक्सेप्शन जो थे वो वीबीटी नहीं, नहीं बताए वो तो मैंने तुम्हें ट्रिक्स लिखवाए ना अदरवाइज वो थे तो वीबीटी के एक्सेप्शन वो वीबीटी उनको नहीं बता पाया ठीक है तो वीबीटी वैसे तो काफी अच्छी मानी जाती है है ना वीबीटी वैसे तो दे, देखो काफी अच्छी मानी जाती है बट मतलब उतनी यूजफुल नहीं थी अब हमारे पास जितने भी जेई वे के क्वेश्चंस बचते हैं वो जनरली सी और आइसोमेरिज्म से आते हैं तो अब सी हम कंप्लीट कर लेते हैं सो so दैट जो चीजें वीबीटी नहीं करा पाया वो हम सी से सीख लें अब सी हमें क्या सिखाती है मेरी बात अच्छे से बड़े ध्यान से समझना देखो पहले इसके लिए मैं आपको डी और वाइटल्स के बारे में बताती हूँ आपको पता है आपके पास पांच डी और वाइटल होती है किसी भी आइटम के पास जैसे थ्री डी हो गया फोर डी हो गया फाइव डी पांच पाँच डी और वाइटल्स है जिसमें से एक होती है डी एक होती है डी वाई जेड एक होती है डी एक्सड एक होती है डी एक्स मिनट का टॉपिक थियरी वाला समझ लो क्वेश्चन आपके पास पांच टाइप की से आपको बचपन में सिखाया गया था ना? इनको जनरली हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं जनरली हम क्या करते हैं जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं तो अब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं देखना ये एक्स वाई है तो जो डी एक्स वाई होती है वो इन बिटवीन द एक्सेज हो जाती है जो डी वाई जेड है ये भी इन बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सेज है जो एक्स जेड है वो भी इन बिटवीन द एक्सेज हैं तो इनको बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सेस सही बात है अब हमारी होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ये एक ये ये अलोंग द एक्सेज होती हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सेस राइट और एक होती है डी जेड स्क्वायर है ना तो ये d z स्क्वायर होती है दिस इज अलोंग द z एक्सिस तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं अलोंग द एक्सिस ये दोनों क्या हो गई अलोंग द एक्सिस जबकि dx y dz dz x क्या हो गई इन बिटवीन द एक्सिस ये थोड़ी सी d और y틸 की आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी बिफोर वी डू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या ये बात सबको समझ आ गई अब मैं आपको एक आ, मतलब बताती हूँ देखो CFT ने क्या कहा मतलब पहले पूरा नाम लिखना C F टी नाम लिखेंगे ना पूरा मतलब फुल फॉर्म लिखेंगे आधा वैसी क्लियर हो जाएगा सी एफ टी स्ट फॉर क्रिस्टल फील्ड थियोरी देखो जब मैं वीबीटी की बात कर रही थी तो मैं बारी बारी किसकी बात कर रही थी ऑरबाइटल की फिर मैं बात कर रही थी ऑरबाइटल जो है वो एनर्जी इनकी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है ना मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं

इनको क्या कहते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ये कहता है जब लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास अप्रोच करता है तो एक फील्ड जनरेट होती है एक क्रिस्टल बनता है समझ रहे हो जो सी है उसने मेटल और लीगेंड के बीच की जो इंटरक्शन है उसको क्या कंसीडर किया है आयनिक क्या कंसीडर किया है आयनिक जबकि जो वीवीडी थी उसने मेटल और लीगेंट के बीच की इंटरेक्शन को क्या कंसीडर किया था कोवेलेंट क्या ये बात सबको समझ आई वो कैसे बिहेव किया था कोवेलेंट अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि नेगेटिव अगर नेगेटिव ने, लीगेंड हो तो, तो उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो अगर मान लो न्यूट्रल लीगेंड है कोई बात नहीं अब उसको डायपोल की तरह कंसिडर कर लेना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस मतलब चार्ज की तरह आपको उसको कंसिडर करना है क्या ये बात अच्छे से सबको समझ आ गई ठीक है ये चीज अच्छे से सबको क्लियर हो गई अब बड़े ध्यान से देखना जब जब सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड आपस में पास आएंगे तो जो सेंट्रल मेटल आयन का न्यूक्लियस है वो इस लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को को करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? लीगेंड मेटल के पास क्यों आएगा क्योंकि मेटल का जो न्यूक्लियस है वो लीगेंड के जो लोन पेयर है, है उनको अट्रैक्ट करेगा इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है क्या ये बात सबको समझ आई सब एट द सेम टाइम

डी और भरा हुआ है कि जैसे जैसे लीगेंड और मेटल आपस में पास पास आएंगे एक आयनिक होने लग जाएगी एक, एक बनेगा आप कह सकते हो एक, एक फील्ड बनेगी मेटल आयन के अराउंड जिसमें लीगेंड आकर के बैठना चाहेगा क्या ये बात सबको समझ आ गई या नहीं आई क्या ये बात सबको समझ आ गई ठीक है कि मेटल है और लीगेंड है दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है इतनी बात समझ इंटरेक्शन हो रही है ठीक है अब मेरी बात ध्यान से समझना देखो आपके पास है डी और दो तीन चार पांच। ये, पांच ये मेटल है जिसके पास पांच डी और बाइटल है इन डी और बाइटल को बोलते हैं डी जनरेट इनको क्या बोलते हैं डी जनरेट और बाइटल डी जनरेट और बाइटल का मतलब इन पांचों की पांचों की एनर्जी सेम है अब मेटल आया legend और में इंटरेक्शन हुई तो ये थोड़े से अनस्टेबलाइज इनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थोड़ी सी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है जैसे जैसे मेटल के पास आ रहा है इनकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई तो मतलब ये एक्साइटेड है सारे एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट भी ना बोलकर मुझे ये बोलना चाहिए कि नाउ दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड की फील्ड इन द फील्ड ऑफ लीगेंड धीरे धीरे लीगेंड आना शुरू हो गया अब यार प्रॉब्लम यह है कि जो लीगेंड है

वो अलोंग द एक्सिस आने की कोशिश करता है द द कम्स अलोंग एक्सिस एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चे क्या करते हैं केवल रट्टा मार लेते हैं जब जब आप रट्टा मारोगे ठीक है हाँ नॉलेज यूनिवर्स स्पैम मत करो है ना मैंने याद रख लिया है टॉटो मैंने सब मैं डलवा दूंगी ठीक है डलवा दूंगी याद रख लिया मैंने स्पैम मत करो समझो बच्चे क्या करते हैं यहां से रट्टा मारना शुरू करते हैं भाई साहब जैसे ही तुमने रट्टा मारा ना एडवांस के क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे फॉर श्योर sure. क्योंकि वाला पूछता है, वाले वो नहीं पूछेगा. समझ के चलो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी समझ रहे की तरह बैठा है, बैठ है इसके कुछ डी ऑर वाइटल कुछ डी ऑर वाइटल इन बिटवीन द एक्स है समझ रहे है ना ये सेंट्रल मेटल आइन है ये आराम से है इसके कुछ डी ऑर बाइटर देख रहे हो जैसे डी एक्र वाई स्क्वर हो गया ये अलोंग अलॉन्ग दी जेड स्क्वर हो गया अलोंग द है कुछ इन बिटवीन द एक्सेज भी है कुछ इन बिटवीन द एक्सेज भी है ठीक है ये आराम से सच धज के बैठा कि लीगेंड आए मुझे इलेक्ट्रॉन दे लीगेंड ने आना शुरू किया अब छीगेंड आ रहे देखो कॉर्डिनेशन नंबर छे है तो छीगेंड आ रहे हैं एक ऊपर से आया एक नीचे से आया एक इधर से आया एक इधर से आया एक इधर से आया एक इधर से, से आया मतलब ये अलोंग द एक्सेज आने लग गए तो क्या आपके दिमाग में यह बात गई कि जो डी और एक्सिस थे वो ज्यादा रिपेल करेंगे को ये मेटल का डी अलोंग अलोंग द द एक्सिस एक्सिस था और भाई साहब ही आ रहा है तो डोंट यू थिंक डी और बाइटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलोंग द एक्सिस थे वो लीगेंड इनकमिंग कमिंग लिगेंड को रिपेल करेंगे तो जब जब लीगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा जब जब लीगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा सम, समझना जब जब लीगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा है ना तो वो किस तरीके से आएगा अलोंग द एक्सेस तो जब जब लीग अलोंग द एक्सेज आएगा तो ऐसा होगा ध्यान से समझना ऐसा होगा कि कुछ डी ऑर बाइटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा है कुछ की एनर्जी कम बढ़ेगी इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखूं देखो ये डी ऑर बाइटल्स थे ठीक है ये डी ऑर बाइटल्स थे इनकी एनर्जी काफी लो थी डी और वाइटल से पांच के पांच एक दो तीन चार पांच ये इन द एबेंस ऑफ एनी फील्ड इन एनी फील्ड मतलब लीगेंट के पहुंच के बाहर थे पांच के पांच की एनर्जी सेम थी जैसे जैसे लीगेंट की फील्ड आनी शुरू हुई जैसे जैसे लीगेंट पास आना शुरू हुआ तो सबकी एनर्जी बढ़ी सबकी एनर्जी बढ़ी देखो सबकी चाहे डी एक्स वाई हो डी वाई जेड हो डी जेड एक्स हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो या फिर डी जेड स्क्वायर हो सबकी एनर्जी बढ़ी ठीक है सबकी एनर्जी बढ़ी बट अगर मैं बोलूँ ना टोटल लगभग टोटल कितनी एनर्जी बढ़ी तो ये हमारी एवरेज एनर्जी आ जाती है कि पहले इतनी थी अब इतनी होगी मतलब अब टोटल इतनी इनकी बढ़ गई ठीक है ये एवरेज एनर्जी होगी तो कई बच्चे क्या करते हैं वो इसको रेफरेंस पॉइंट मान के देखते हैं कहते हैं इसको रेफरेंस मान लो तो वो ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं है, मैम जब जब डी और वाइटल आएगा ना तो कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ की कम हो जाएगी ऐसा नहीं है मेटल आइन था जैसे ही है ना जैसे ही लीगेंट जा रहे थे सारे डी और बाइटल की एनर्जी बढ़ी कुछ की ज्यादा बढ़ी कुछ की कम बढ़ी तो ये होता है एवरेज इसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि भाई इनकी बढ़ गई इनकी कम हो गई जबकि इसको इन दोनों को कंपेयर करो तो सबकी एनर्जी बढ़ी ही है ठीक है अब डी एक्सक्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र और बाइटल थे अलॉन्ग द एक्सेस और लीगेंट भी आ रहा था अलॉन्ग द एक्सेस तो लीगन के जो लोन पेयर थे और मेटल के जो डी और बाइटल के इलेक्ट्रॉन्स थे रिपल्शन इतनी रिपल्शन बढ़ी कि इनकी एनर्जी बढ़ गई रिपल्शन बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ गई स्टेबिलिटी कम हो गई राइट तो ये बन गया हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और ये हो गए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहां पर क्रिस्टल फील्ड की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट हो गए क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है या किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से यह बात डिस्कस कर सकते हो अब ये बात सबको अच्छे से समझ आई या ठीक है रिपल्शन क्यों हुआ रिपल्शन क्यों हुआ सोचो मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा था एक्स एक्सेस में वाई एक्सेस में जेड में इन बिटवीन द एक्सेज में लीगल ने आना शुरू किया अलोंग द एक्सेज अलोंग एक्स एक्सेज अलोंग वाई एक्सेज अलोंग जेड एक्सेज तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेंगे क्या और रिपल्शन होगी तो रिपल्शन कहां ज्यादा होगी यहाँ पे डी ओ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से लीगेंड आ रहा है तो दो, दोनों आमने सामने होंगे तभी तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो जो अलोंग एक्सिस थे, उनकी एनर्जी बढ़ गई जो इन बिटवीन एक्सिस थे एवरेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं उनकी एनर्जी कम होगी बाकी एनर्जी सबकी ही बढ़ती है क्या ये बात सबको समझ आ गई ये स्प्लिटिंग कब हुई ऑक्टा हेड्रल फील्ड में थोड़ी देर और सुन लो दस पंद्रह मिनट उसके बाद ब्रेक ले लेंगे फिर लास्ट टॉपिक करेंगे घबराओ मत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां इतनी मेहनत कर लिया है वहां क्या लास्ट एक डेढ़ घंटे के लिए रो रहे हो अच्छे से कर लो भाई साहब मजा आ जाएगा लाइफ में नहीं करोगे तो लास्ट में पछताओगे कि मैम क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ठीक है ना कि क्वेश्चन नहीं बन रहे अब ध्यान से देखो ये जो एवरेज एवरेज एनर्जी होती है ना बड़ी इसकी भी अब इसकी कुछ कम हुई कहियों की ज्यादा बढ़ गई कहींयों की कम बढ़ी जो ओवरऑल एवरेज एनर्जी हम लेते हैं इसको बोलते हैं बेरी सेंटर स्पेलिंग चेक कर लेना बी ए डबल आर वाई है या बीई डबल आर वाई है या बीई आर वाई है आई एम नॉट श्योर एनसीआर टी से चेक कर लेना इसको बोलते हैं बेरी सेंटर ठीक है और ये जो स्प्लिटिंग हुई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हुई इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा ओ डेल्टा का मतलब स्प्लिटिंग कितनी हुई एनर्जी और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कितनी हुई ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है ये जो नीचे वाली तीन और बाइटल है इनको हम बोलते हैं टी टू जी इनका नाम है टी टू जी और ऊपर वाली दो को बोलते हैं ई जी अब ये जो जी है ये अपने सिलेबस में नहीं है अगर आप बी एस सी एमएससी वगैरह करो तो आपको जी रेड अन जी रेड सिमिट्री बताते हैं है ना मतलब ये जो जी है इट सिंपली टॉक्स अबाउट सिमिट्री ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो ऑरबाइटल uh, है वो सिमिट्री के लिए है इसको टी टू जी बोलते हैं जी रेड सिमिट्री है इसको ई जी बोलते हैं जी रेड सिमिट्री है ठीक है थीके? ये जी का मतलब अपने से नहीं पूछा जाएगा इसकी डिटेल भी नहीं पूछी जाएगी चिल मारो अपने मेन एडवांस में नहीं है तो समझ गए टी टू जी नीचे आ जाएंगी तीन ई e जी ऊपर चलेंगी चली जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू एवरेज ये बात सबको समझ आ गई डेल्टा ओ अब मान लो टेट्राहेड्रल फील्ड में आपने बात करी टेट्राहेड्रल में पता क्या होता है ठीक है ना टेट्राहेड्रल में देखो ऐसे है यह सेंट्रल मेटल आइन है है ना ये सेंट्रल मेटल आइन है अब टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है जो लीगेंड है वो इट अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल मेटलाइन लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल लाइन को अप्रोच करता है ठीक है इन बिटवीन द एक्सेस या आप ये कह दो इट डज नॉट अप्रोच आप ये कह दो इट डज नॉट अप्रोच लीगेंड डज नॉट अप्रोच द सेंट्रल मेटल मेटेलाइन अलोंग द एक्सेस अलोंग द एक्सेस वो अब अप्रोच नहीं करता ठीक है ना वो अलोंग दिन आएगा तो जो ऑरबाइटर नहीं मिलेगी तो अब यहां पर भी वही कहानी होती है। पहले पांच डी ऑर्बाइटर सेम एनर्जी के फिर जब फील्ड बढ़ने लगती है तो सबकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है बट अब इसमें होता क्या है देखो तीन की एनर्जी बढ़ गई दो की एनर्जी कम हो गई तो जो अलोंग द एक्सेस थे ना उनकी एनर्जी कम बढ़ी बट जो इन बिटवीन द एक्सेस उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी तो यहां पर हम लिखते हैं डी एक्स वाई यहां डी वाई जेड यहां डी जेड एक्स यहां लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां लिखते हैं डी जेड स्क्वायर और एक चीज आपको याद रखनी है टेट्राहेड्रल फील्ड में सिमेट्री नहीं होती तो इसको हम लिखते हैं ई e और इसको लिखते हैं टी टू जो तीन है उनको टी टू नाम देते हैं जो दो है उनको ई नाम देते हैं इसके पीछे भी बहुत अच्छी थियरी है कि इसको ई क्यू बोलते हैं टी टू क्यों बोलते हैं टू क्यों बोलते हैं टी टू क्यों बोलते हैं बाकी वो एमएससी लेवल के आपको वो नहीं करनी है आप उसमें चिल मार सकते हो ठीक है आप इंस्टाग्राम यूज करते हो अरे बड़े सारे बच्चे इंस्टा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं है ना हाँ ठीक है हाँ तो बीच बीच में से स्पैम आ जाता है इंस्टाग्राम यूज करते हो यूट्यूब यूज करते हो हाँ तो इसके अलावा भी देर इज दिस चैनल हाँ जिसको तुम फॉलो करते रहते हो बहुत बच्चे करते हैं बट बीच बीच में स्पैम मत क्या करो ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया और ये जो स्प्लिटिंग है हाँ ना ये जो स्प्लिटिंग है इसको बोलेंगे डेल्टा टी क्यों टेट्राहेड्रल फील्ड में टेट्राहेड्रल फील्ड में यहाँ की जो हमारी स्प्लिटिंग हुई वो कौन से फील्ड में हुई नाउ द स्प्लिटिंग इज देयर इन द टेट्राहेड्रल फील्ड अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं कोई कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ लो फिर हम कंटिन्यू करते हैं ठीक है अच्छा एक और चीज बता दो अगर क्यूब से समझना है ये मैंने वैसे सिखाया था सॉलिड स्टेट में मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी टेट्राहेड्रल को क्यूब के उसमें देखा करो आठ है ना एक एक को छोड़ दो एक एक पॉइंट टच कर लो जैसे एक ये टच कर दिया इसको छोड़ दो एक ये टच कर दिया इसको छोड़ दो है ना एक ये कर लो और एक इसको छोड़ दो ये ये कर लो ये देखो और यहाँ पे टेटरा हेड्रल बना लो इस तरीके का दिख रहा है टेटरा हेड्रल तो अब तो यहाँ पर जो लीगेंड है वो लगभग इन बिटवीन द एक्सेज आता है वो अलोंग द एक्सेज नहीं आता तो जो और बाइटल इन बिटवीन द एसेज होती है उनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है जो और बाइटल अलॉन्ग द एक्सेज होती है उनको रिपल्शन कम मिलता है इतनी बात सबको समझ आ गई ठीक है अब ध्यान से देखो एक्चुअली क्या होता है समझना है ना समझना एक्चुअली क्या होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लीगेंड होते हैं वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं डायरेक्ट अप्रोच करते हैं समझ लो जैसे मैंने दिखाया था ना करके कि वो लिटरली अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं लीगेंड जो है वो एक्चुअली अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं तो भाई रिपल्शन भी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी ठीक है इसी वजह से ये जो स्प्लिटिंग है ये जो स्प्लिटिंग है ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग हमेशा हमेशा टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग से ज़्यादा होती है तो यहां से एक पॉइंट आपको समझ आ गया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लीगन डायरेक्ट अप्रोच करते हैं एंड छह लीगन्स अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से डेल्टा ओ विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी इसके बेसिस पे जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी यहां तक सबको समझ आया ठीक है यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया तो बताओ फिर हम कंटिन्यू करते हैं जेई मेन की बात करूं तो जेई मेन में दैट्स इट इतना ही है एक छोटा सा टॉपिक कराती हूं जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जेई मेन में नहीं है हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये एडवांस में है एडवांस में है मेन में जनरली स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग अपने सिलेबस में नहीं है ठीक है तो मैं आपको बता देती हूँ एडवांस में क्या होता है देखो अब एक बार बताओ स्क्वायर प्लेनर का मतलब है ऐसा सा लेटस से एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है ना जो हमारा कॉम्प्लेक्स है बनेगा है ना जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक्स प्लेन में होगा तो क्या ये बात मानते हो जो ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में हैं उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी जो ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में नहीं है या कम है उनको कम रिपल्शन मिलेगी ठीक है ना तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में उनकी रिपल्शन सबसे ज्यादा तो डी एक्सक्वायर वाई स्क्वायर तो, तो टोटली एक्स वाई प्लेन में है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको मिलेगी डी एक्सक्वासर वाई स्क्वेयर को उसके बाद इन बिटवीन द एक्सिस कौन है डी एक्स वाई तो डी एक्स वाई भी इन द मतलब प्लेन में ही है ना तो इसको भी रिपल्शन अच्छी खासी मिलेगी समझ रहे हो उसके बाद डी जेड स्क्वायर को देखो तो डी जेड स्क्वायर में वैसे तो जेड एक्सिस है बट एक्स वाई प्लेन में वो गोला लाई करता है याद है तो उसके बाद रिपल्शन मिलेगी डी जेड स्क्वायर को और फिर लगभग इक्वल रिपल्शन मिलेगी डी एक्स वाई को और सॉरी डी वाई जेड को और डी जेड एक्स को ठीक है ना इक्वल रिपल्शन मिलेगी डी वाई जेड को और डी जेड एक्स को क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई डी जेड एक्स और इक्वल रिपल्शन मिलेगी डी वाई जेड को ठीक है तो अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूं स्प्लिटिंग की बात करूं तो पहले तो ये पांच डी और बाइटल सेम थे ये किसकी स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर की तो सबसे ऊपर कौन चला जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर उससे नीचे आएगा डी एक्स वाई और नीचे आएगा डी जेड स्क्वायर और सबसे नीचे आएगा डी वाइजेड ये आपको बुक्स में मतलब पांच 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 पन्नों में स्प्लिटिंग दे रखी है अपने को इतनी स्प्लिटिंग नहीं करनी है केवल इतना अगर आपको इतना भी याद रहेगा तो आपका मेन और एडवांस के जितने क्वेश्चन बनेंगे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे उसकी आपको चिंता नहीं करनी है अब मुझे बताओ क्या यहां तक सारी की सारी कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई है ठीक है यहां से सी एफ टी फिर से देखना पड़ेगा मुझे तो अरे देखो सी एफ टी के लिए तुम्हें डर पता क्यों लग रहा है क्योंकि अभी बड़ी सारी थ्योरी मैंने सिखा दी है जब क्वेश्चंस करने सिखाऊंगी ना तो पूरी सी रिवाइज हो जाएगी कौन कह रही है ये साहिब है ना नहीं नहीं साहिब नहीं साहिब सिंह तो कह रहा है यू आर द मोस्ट अंडर टीचर अरे <laughs> दुख वाली बात कर दी है ना कि मैम इज द मोस्ट अंडर टीचर तो मैम को अंडर से थोड़ा मतलब रेटेड बनाने के लिए तुम्हारा ही मुझे वो चाहिए है ना मैं तो बच्चों को जाके कैसे बोलूँ कि यार वीडियोस देखो जब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इस चैनल पे हम इतना एडवांस का कंटेंट करा रहे हैं मतलब मेरे से शर्ट लगवा लो मैं बोल सकती हूँ ओपनली कि ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी मैराथन सेशन में नहीं कराई जाती नहीं कराई जाती है मैं तुम्हें एडवांस की चीज़ें भी यूट्यूब पर करा रही हूँ यूट्यूब पर कॉन्टेंट है मेन लेवल का बट तुम्हें एडवांस की भी चीज़ें यहाँ करा रहे हैं एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं यार तो तुम शेयर किया करो मतलब मुझे लिटरली अच्छा लगेगा है ना शेयर करोगे बच्चों को पता चलेगा तो अच्छा लगेगा ना मतलब एटलीस्ट स्टूडेंट्स विल सी कि एडवांस का कंटेंट यहाँ पर हो रहा है इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बच्चों को तो शेयर किया करो ठीक है गलत कमेंट पढ़ लिया मैंने हाँ डेल्टा टी क्या होता है मैम डेल्टा टी ये दिस इज स्प्लिटिंग इन टेटरेड्रोजोमेट्री स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रोल ज्योमेट्री ठीक है स्प्लिटिंग इन टेटरहाड्रोल ज्योमेट्री स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाड्रोल ज्योमेट्री अब मैं एक बात बताती हूं आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे हाउ आर यू यू नो थिंकिंग अबाउट डेल्टा आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेल्टा को अब आप खुद सोचोगे देखना ये खुद से अब आपका आंसर आएगा मैं आपसे पूछ रही हूं एक मेटल आयन है ठीक है एक मेटल आयन है और लीगेंड है लीगेंड और मेटल आयन को पास में आना है और जब जब लीगेंड और मेटल आयन पास में आएंगे ज्यादा पास आएंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी डेल्टा ज्यादा होगी क्या ये बात आ, इतनी समझ आई है है ना अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो डेल्टा है स्प्लिटिंग ये किस किस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए क्या आप मानते हो कि अगर एट्रैक्शन बिटवीन लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन ज्यादा होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा कौन कौन इस बात से अग्री करता है अगर लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा तो वो ज्यादा पास आएगा और ज्यादा पास आने की वजह से ज्यादा रिपल्शन भी होगी क्यों रिपल्शन देखो पास क्यों आएगा पास क्यों आएगा क्योंकि न्यूक्लियस लीगेंड के लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है रिपल्शन की होगी क्योंकि एट द सेम टाइम मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लीगेंड के लोन पेयर को रिपेल भी करेंगे तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है आगे समझो आगे समझो ठीक है आगे समझो सेकेंड पॉइंट ये जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सुनो अगर किसी मेटल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो मतलब वो उस लीगेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा का मतलब डेल्टा ज्यादा हो जाएगा यही तो बोला था याद है वो हमने क्या था मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने या थ्री डी फोर्डी फाइव डी फाइव डी में जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा होता है कि अगर एक घटिया सा वीक फील्ड लीगेंट भी आ रहा होता है तो भी वो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर देता है क्यों क्योंकि वो लीगेंट बहुत पास आ जाता है सेंट्रल मेटल आइन के आइन के ठीक है ना जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है तो क्या ये दो पॉइंट सबको समझ आए आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव ऑन मेटल मान लो मेटल है एक है कोबाल्ट प्लस टू एक है कोबाल्ट प्लस थ्री भाई साहब जिस पे पॉजिटिव ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो लीगेंट को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा जैसे ही अट्रैक्ट हुआ है ना जैसे ही अट्रैक्ट हुआ स्प्लिटिंग बढ़ गई ये जितने भी पॉइंट्स है ना मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने कोबाल्ट टू प्लस कोबाल थ्री प्लस ऑक्सीजन डोनर्स एन एच थ्री वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड वो सारे सी एफ टी एक्सप्लेन करता है वीबीटी वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये बात सबको समझ आ गई एक और बात देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टा डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड का मतलब लीगेंड एक्चुअली क्या होता है लीगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला लोन पेयर डोनर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है मतलब ल्यूस बेस तो जो जितना अच्छा ल्यूइस बेस होगा वो उतना अच्छा लीगेंड होगा जिसकी वजह से है ना जो जितना अच्छा ल्यूइस बेस होगा वो उतना अच्छा लीगेंड होगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने तक सबको क्लियर हो गया तो पूछो ना कुछ डाउट है तो पूछो नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं ठीक है अब मैं आपको एक सीरीज बताती हूँ कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है एक सीरीज दी गई थी जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज वी हैव अ सीरीज जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पर हम इस सीरीज में क्या करते हैं लीगेंट को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे लगाते हैं है ना क्लासीफाई द लीगेंड मतलब जो जितना अच्छा लीगेंड है है ना उस ligand का नाम सबसे आगे आएगा जो लीगेंड घटिया लीगेंड है उसका नाम सबसे पीछे आएगा ठीक है अब मैं आपको एक बार बताती हूँ सबसे तगड़ा लीगेंड है co फिर है सी एन माइनस अब इसके यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं जो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रटवा सकती हैं निमोनिक मेरे पास भी है है हाँ ना तो मैं कोशिश करूँगी निमोनिक का शॉर्ट आज डाल दूं बट तो एक एक मतलब स्टोरी टाइप का निमोनिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बाकी हजारों निमोनिक्स हैं आपको जो अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हो या अगर आपको नहीं भी रटना तो भी मेन मेन लीगेंट आपको पता होने चाहिए मैंने आपको बताया था कार्बन और नाइट्रोजन दोनर स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट होते हैं सी ओ स्ट्रांग फील्ड है सी एन स्ट्रांग फील्ड है एनओ टू माइनस स्ट्रांग फील्ड है उसके बाद हमने पढ़ा था डाईपीडीन और इथिलीन डायामीन ये भी स्ट्रॉन्ग है लगभग लगभग सेम स्ट्रेंथ के हैं ठीक है इसके बाद इन्हीं का आधा ले लो डाइम ई एन से आया इथिलीन डायमीन से आ गया अमोनिया और डायपिरीडीन से आ गया पिरिडीन ठीक है ना तो अमोनिया हो गया फिर पिरिडीन हो गया इतना समझ आ रहा है फिर हो गया ई डी टी ए फोर माइनस ई डी टी ए फोर माइनस और उसके बाद हो गया एन सी एस तो ये हमारे मतलब तगड़े तगड़े स्ट्रांग फिलीगेंट की कैटेगरी में आते हैं ठीक है दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रांग फिलीगेंट इसके बाद अगर ध्यान से देखो वाटर एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो जाता है विच इज अ वीक फील्ड लीगेंट जनरली मतलब वाटर के बाद वाले जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं वाटर से कम वाले वीक फील्ड लीगेंट माने जाते हैं ठीक है फिर ऑक्जलेट आ गया आपका ठीक है ना क्या आ गया ऑग्जिलेट सी टू ओ फोर टू माइनस ठीक है और लास्ट में तो आपको पता ही है आएंगे लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ सबसे पहले आई माइनस लगा दो वीक फील्ड लीगेंड है फिर बी आर माइनस लगा दो ठीक है ये सारे के सारे जो हैलोजेंस है ये आपको वीबीटी ने भी बताया था ये वीक फील्ड लीगेंड है फिर आप लगा दो एस सी एन माइनस फिर सी एल माइनस लगा दो एस टू माइनस लगा दो अलग अलग निमोनिक है जिन बच्चों को सारे के सारे याद रह जाते हैं बढ़िया है कुछ याद रहेंगे तो भी बढ़िया है आपको सारे के सारे रटने की जरूरत नहीं है ठीक है ना फिर एनओ थ्री माइनस लगा दो अगेन एनसीआरटी में सारे लीगेंस मेंशन नहीं है बट मैं आपको जितने जई मेन जई एडवांस में आज तक लीगियंस पूछे गए हैं सबको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करके मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया एफ माइनस लगा लो एच OH माइनस लगा लो ठीक है ना उसके बाद सी टी माइनस लगा लो और फिर सी टू टू माइनस लगा लो ये लो ये सारे लीगन्स मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ठीक है ये सारे के सारे लीगन्स वी हैव डिस्कस हियर सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा सीओ फिर सी एन फिर एनओ टू माइनस डाईपिरीडीन इथिलीन डाइमिन इन दोनों का आधा आधा पिरिडीन और अमोनिया ई डी टी ए फोर माइनस एन सी एस माइनस फिर पानी सी टू ओ फोर टू माइनस एसीटेट ओ एच माइनस एफ माइनस एन ओ थ्री माइनस एस टू माइनस सी एल माइनस एस सी एन माइनस बी आर माइनस आई माइनस तो अगर आपके पास निमोनिक है याद रखने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है नहीं है तो मैं आपको निमोनिक डिस्कस कर दूंगी क्लास के एंड में ताकि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद रख सको ठीक है ये हो गया अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की पूरी की पूरी कहानी अब इफ यू वॉन्ट अब हम ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं ठीक है ना अब चाहते हो तो हम एक बार ब्रेक ले लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर ब्रेक के बाद हम uh, एक घंटा और लगेगा इसको कम्प्लीट कर लेंगे आइसो अपना कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक है ना अगर आपको याद है मैंने लो स्पिन वर्सेस हाई स्पिन की बात करी थी ये एक बार समझो ठीक है ना इसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक फिर सिर्फ क्वेश्चन बचेंगे सी एफ टी के फिर सी एफ टी के क्वेश्चन करेंगे और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन और आइसोमेरिज्म डिस्कस देखो मान लो ठीक है मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ समझना मान लो आपके पास एक स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आते ही क्या कर देना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ने आते ही कर देना है इन दोनों की स्प्लिटिंग और तगड़े लेवल की स्प्लिटिंग होगी मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा डेल्टा हो वो बहुत ज्यादा होगा आपके पास कल को वीक फील्ड आया है ना वीक फील्ड आया वो इतनी स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा जो गैप है 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 वो कम ठीक मान लो आपने आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं से आपने पांच इलेक्ट्रॉन भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन पांच समझो तो पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे ठीक है अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन उसको ऊपर जाने के लिए तो काफी हाई एनर्जी चाहिए है ना तो वो सोचेगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो आपको याद है मैंने कहा था वीबीटी कहते पेयरिंग करा दो पेयरिंग करा दू तो एक्चुअली वीबीटी क्या कहती है मतलब सी क्या कहती है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है डेल्टा ओ बहुत ज्यादा है इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे पेयर अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं ध्यान से देखो तो क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो पहले तीन इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे फिर दो इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया समझ रहे हो आगे देखो अब ये ये इतनी छोटी छोटी चीजें समझ आ गई ठीक है अब ध्यान से देखो जब इलेक्ट्रॉन को आपने पेयर कराया तो आपको पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले डी फाइव कैसे था एक दो तीन चार पाँच पहले डी फाइव ऐसे था जब आपने पेयरिंग कराई तो आपको पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी यहाँ एक भी पेयर नहीं था यहाँ दो पेयर है तो यहां पे आपको दो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी यहां पे एक भी पेयर नहीं था यहां पर भी एक भी पेयरिंग नहीं है तो यहां पर आपको पेयरिंग एनर्जी नहीं देनी पड़ी तो समझ रहे हो अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यार मैं पेयर हो जाऊं इतना क्रॉस करना बैरियर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है मतलब वो पेयर करे एनर्जी खर्च करे इससे बढ़िया वो कहता है कि मैं ऊपर ही चला जाऊं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा समझ गए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है जब डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है जब डेल्टा ओ की वैल्यू पेरिंग एनर्जी से कम होती है सो so, ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है यहां तक सारी बात सबको अच्छे से समझ आ गई हो तो आप मुझे बताओ फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं ठीक है या अभी यहाँ पर ब्रेक ले लो ठीक है वी कैन टेक अ ब्रेक हियर यहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हो फिर मैं आपको स्प्लिटिंग की जो वैल्यूज हैं वो बताऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे तो अभी भी जेई मेन जेई एडवांस के खूब सारे क्वेश्चन हैं जो हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे ठीक है ना सो नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक आप आराम से ब्रेक ले लो फिर कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना लेंदी चैप्टर है बट वही है इसको तसल्ली से करो वन टाइम एफर्ट है एक बार अगर आपने मेरे साथ एफर्ट लगा लिया तो चैप्टर इज ऑल yours. फिर तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे बट यही है अभी गिव अप कर दोगे कि मैम ये छुड़वा दो ये छुड़वा दो फिर यू नो देर आर चांसेस की क्वेश्चन ना बने ठीक है ओके ठीक okay. है Chalo. thank you Thank you. यस yes guys, सो so are यू ऑल बैक शेल वी गेट स्टार्टेड करें वापस से रिज्यूम मैम आई गॉट द आंसर कंसिस्टेंसी अरे <laughs> देखो यस yes गाइस आज एक बहुत अच्छी बात आ, मतलब अभी एक बच्चे ने लिखी यहाँ पर है ना आ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तेरह लाख बच्चे जेई का पेपर देते हैं ना जिसमें से सिलेक्शन होता है केवल दस हजार बच्चों का टू बी मोर प्रिसाइज केवल सात से आठ हजार बच्चे हर साल आई जाते हैं जबकि तेरह लाख बच्चे पेपर देते हैं है ना आप अगर अपने आप में कंसिस्टेंट हो आपने दो साल एक साल जिस बच्चे ने जब से मेहनत करना स्टार्ट करी है अगर आप बिना रुके मेहनत करते हो तो आप उन तेरह लाख बच्चों में से उन पाँच छ हजार बच्चों में आ जाते हो जो आईआईटी जाते हैं जो बच्चे जितनी जल्दी है ना अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं जो बच्चे जितनी जल्दी मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं कि अरे ये टफ है ये हमको नहीं करना ये टाइम कंज्यूमिंग है ये हमको नहीं करना धीरे 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 वो बच्चे छंटते जाते हैं फिर वो दस पच्चीस दस बीस हज़ार बच्चे जाते हैं एन में और बाकी जो बच्चे जाते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं सो यू हैव टू मेक श्योर अगर आपका किसी से कॉम्पिटिशन है तो वो आप खुद हो है ना मतलब आ, वो आप खुद हो जो अपने आप से कंपीट करते हो अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो भी आप हो कोई अगर आपको जिता सकता है तो भी आप हो तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं है ना जहां पर लिटरली हम लोग थक जाते हैं और मन करता है गिव अप कर दो बट यार गिव अप नहीं करना ये लास्ट के जो दो तीन महीने बचे हैं ना इसमें दिल लगा दो मतलब जी जान लगा दो शिद्दत से मेहनत करो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता मैं लिख कर दे सकती हूँ ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं है ना एक मिनट में रिमोट ले लेती हूँ लेटस कंटिन्यू ठीक है कंटिन्यू करते हैं वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली है ना हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं सी एफ टी के और उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म ठीक है और कलर ऑफ कम्प्लेक्सेज ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड आई थिंक विद इन वन आवर हम इन इस पूरे टॉपिक को हम वाइंड अप कर देंगे बट उससे पहले कुछ सी एफ टी के पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं जो आपको सीखने हैं सबसे पहली चीज़ ये आपसे जनरली रिलेशन पूछा जाएगा यू विल बी आस्क द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी डेल्टा ओ और डेल्टा टी मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बताती हूँ जो डेल्टा टी है वो कम होती है मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में तो ये आती है फोर बाय नाइन टाइम्स डेल्टा ओ ये कहाँ से आई क्यों आई इसके पीछे खूब सारा लॉजिक है खूब एक्सप्लेनेशन है बट अगैन इट विल टेक 15-20 मिनट्स अपने काम की ये चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए सो डेल्टा टी अगर आपको गिवन होगा तो आप उसका फोर बाय नाइन कर देना आपके पास आई I मीन mean, अगर डेल्टा ओ गिवन होगा तो उसका फोर बाय नाइन कर देना आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जेई वाला हर ऑल्टरनेट uh, ईयर पे पूछ लेता है सो आई थॉट आपके साथ ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया जाए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ uh, तो है ही है. ये के में है, ये आपको रखना है अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कंसीडर करती हूँ स्क्वायर प्लेनर सो वो आती है फोर बाई थ्री टाइम्स डेल्टा मतलब स्क्वायर देखो ऑक्टा फील्ड की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से ज्यादा है ना और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर में फिर होती है ऑक्टाहेड्रल में और सबसे कम स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में तो ये दो रिलेशन अगर आप याद रख सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट ये फॉर जेई एडवांस एंड दिस फॉर जेई मेन दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल ठीक है स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ओ तो आप फोर बाय थ्री याद रख सकते हो एक है फोर बाय नाइन एक है फोर बाय थ्री तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो आपके आंसर्स आ जाएंगे ठीक है अब मैं आपको बताती हूं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सी एफ एस ई ध्यान से समझना इस सी एफ ई का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं स्प्लिटिंग नहीं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बड़े ध्यान से समझना इसको हम लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सी एफ एस ध्यान से देखो पता क्या होता है मान लो ये मेटल है है ना मेटल के पास लीगेंड आया इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हुई तो जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से जो भी एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ जो भी एनर्जी डिक्रीज हुई उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये निकालना अपने सिलेबस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे होंगे आपने जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखे जहां सी एफ एस सी की कैलकुलेशन आपसे करा रखी है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे पहले है ना सी एफ एस की कैलकुलेशन हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखो क्या होता है ये पांच डी जनरेट डी और हैं सबकी एनर्जी लगभग लगभग बढ़ गई ये आपकी एवरेज एनर्जी होगी इसको मैंने बेरी सेंटर मान लिया इसको मैं जीरो मान रही हूँ जीरो होती नहीं है सबकी बड़ी ही है बट मान लो मैंने इसको जीरो मान लिया अब इनमें क्या हुआ तीन की एनर्जी कम हो गई और दो की एनर्जी बढ़ गई तीन की एनर्जी कम हो गई दो की एनर्जी बढ़ गई इसको हम लिखते हैं डेल्टा ओ है ना इसको क्या बोल बोल देते देते हैं हैं स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग डेल्टा ओ इसको हम स्प्लिटिंग बोल देते हैं. क्या ये बात सही है अब देखो हुआ क्या मान लो है ना इसको मैंने जीरो मान लिया एवरेज का था इसको मैंने मेन सेंटर जीरो ले लिया अब ध्यान से देखो जब जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में भरेगा है ना तो इसको हम लेते हैं जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ और ये जो स्प्लिटिंग हुई ये हुई जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स डेल्टाओ एक जो नीचे वाली आप ऐसे याद रख सकते हो नीचे वाली जो है है ना तीन है तो यहाँ पे कम वाला आएगा 0.4 डेल्टा ऊपर दो है तो यहाँ ज्यादा वाला आएगा 0.6 डेल्टा एक्चुअली इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ सपोज करो आपने पांच इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं ठीक है सपोज करो आपने पांच इलेक्ट्रॉन भरने आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा तो जो एनर्जी सी आप कैसे कैलकुलेट करोगे सी विल बी नीचे अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप लिखोगे माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ इंटू वन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन भरे तो आप और क्या लिखोगे माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ इंटू अनादर वन ठीक है अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन भरा तो आप लिखोगे माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फोर इंटू डेल्टा ओ इंटू वन कितना हो गया फोर फोर एट और फोर ट्वेल्व तो मतलब ये सारा का सारा हो गया माइनस वन पॉइंट टू टाइम डेल्टा क्या ये बात सही है जब तीन इलेक्ट्रॉन नीचे भरे तो एनर्जी डिक्रीज हो गई अब आपने इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना को ऊपर भेजोगे तो पॉजिटिव नीचे भेजोगे तो नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये कितना जाएगा? प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा मतलब कितना आ जाएगा टोटल वन पॉइंट टू डेल्टा मतलब एवरेज कितना आ गया अभी भी जीरो समझ गए तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भरते हैं जब क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होती है है ना क्रिस्टल फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग होती है तो जो भी और आ, एनर्जी डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं सी एफ एस सी ठीक है सो द डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीज जिसको हम क्या बोल देते हैं सी एफ एस सी तो सी एफ एस सी की कैलकुलेशन करना आ गया इसका टो, टोटल क्या होता है डेल्टाओ हो, टो टोटल क्या हो गया डेल्टाओ तो नीचे जो तीन और बाइटल थे इनको नीचे आओगे तो पॉइंट फोर डेल्टाओ लिखोगे ऊपर जो दो थे इनको क्या लिखोगे जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ठीक है और टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाएगा टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा उल्टा केवल इतना ही फर्क था है हाँ ना टेट्राहेड्रल में अपना क्या हो जाएगा उल्टा क्या ये बात सबको आ, समझ आ गई जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है हाँ ना जितना नीचे आएगा उतनी स्टेबलाइज होगी जितना ऊपर जाएगा उतना डिस्टेबलाइज होगा तो अगर तीन नीचे आ गए दो ऊपर आ गए तो इक्वली भर गया है हाँ ना मतलब एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ सपोज करो हम बात करते हैं डी सेवन ठीक है ना एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आपने D7 में देखना है कि सी एफ एस सी कैलकुलेट करनी है ठीक है ठीके? वी हैव टू कैलकुलेट सी एफ एस सी तो हम क्या करेंगे पहले वीक फील्ड लीगन ले लेते हैं और फिर क्या ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगन ठीक है आप क्या करो एक बार डी सेवन की सी एफ ऐसी आपने कैलकुलेट करनी है एक बार वीक फील्ड ले लो एक बार स्ट्रॉग फील्ड डी सेवन का मतलब कैसे होना चाहिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए अगर वीक फील्ड होता है तो देखना इन दोनों में जो एनर्जी गैप है वो कम होना चाहिए अगर स्ट्रांग फील्ड होता है तो इन दोनों में जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा होना चाहिए तो पहले आप पांच इलेक्ट्रॉन्स को भरो एक दो तीन चार पांच ठीक है और अब दो इलेक्ट्रॉन्स को भरो क्योंकि ये वीक फील्ड है आई मीन क्योंकि वीक फील्ड है है ना डेल्टा कम है तो आराम से पांच भरने के बाद ये बन जाएगा छ और ये बन जाएगा सात ठीक है ये आ जाएगा आपका फाइनल डब्ल्यू एफ एल इसकी एक्चुअल क्या लिखेंगे टी टू जी में कितने हैं पांच और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन है दो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है डी सेवन की किस में वीक फील्ड लिगेंड में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डी सेवन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो ध्यान से देखना अपने तीन भरे फिर फोर्थ भरने लगे तो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब डेल्टा बहुत ज्यादा है तो वो नीचे ही पेयरअप हो जाएगा फिर फाइव फिर सिक्स और फिर सेवंथ वाला ऊपर जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी टी टू जी सिक्स ई जी वन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी टी टू जी सिक्स ई जी वन अब मुझे बताओ यहां तक चीजें क्लियर है टी टू जी सिक्स ई जी वन यहां तक सबको समझ आ गया अब सी एफ एस सी निकालते हैं बड़े ध्यान से देखो सी एफ एस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर सीएफएस नीचे वाला क्या होता है जीरो पॉइंट फोर ऊपर वाला क्या होता है है ना जो कम है उसमें ज्यादा जो तीन है उसमें कम तो देखो एक दो तीन चार पांच पांच इलेक्ट्रॉन आए तो लिखो फाइव इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा हो प्लस और ऊपर दो गए टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टाओ आपकी सी एफ एस सी निकाल दिया आगे देखो यहां देखना यहां क्या लिखोगे एक दो तीन चार पांच छह सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फोर डेल्टा हो प्लस वन इंटू जीरो पॉइंट सिक्स साइंस डेल्टा हो यह बात सबको समझ आ गई नीचे आओगे तो माइनस लोगे ऊपर जाओगे एवरेज के कंपैरिजन में तो प्लस लोगे एक और फैक्टर आपको कंसीडर करना है जिसको आपको ध्यान से देखना है ओरिजिनल में कितने पेयर हो रखे थे इलेक्ट्रॉन्स दो फाइनल में कितने पेयर हो रखे हैं दो मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी नहीं देनी पड़ी यही जो आप कैलकुलेट करोगे सी एफ एस सी आ जाएगी बट यहां पर ओरिजिनल में कितने पेयर हो रखे थे दो फाइनल में कितने पेयर हो रखे हैं तीन ओरिजिनल से कंपेयर करोगे किससे कंपेयर करोगे ओरिजिनल से कंपेयर करोगे ये नहीं कि मैम तीन पेयर है तो थ्री पेयरिंग एनर्जी नहीं शुरू में दो पेयर थे फाइनल देखोगे तो तीन पेयर है मतलब एक आपने एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी दी So, ये हो जाएगा आपका सी एफ एस सी का कैलकुलेशन अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या हम कंटिन्यू करें आगे ये आपकी पूरी थियरी मैंने करा दी सी एफ टी की अब अपने कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है क्या आएगा एक भी इसमें से आज तो इंग्लिश में एक भी नहीं आया था यूट्यूब वालों का क्या 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 नहीं आया मुझे ठीक है मैम कैन आई सी क्रैश कोर्स फ्रॉम टुडे प्लीज रिप्लाई जब जागो तभी सवेरा अभी भी आपके पास टाइम है अगर आप टाइम निकाल के हर रोज़ इन क्रैश कोर्स को जितने भी मैथ्स केमिस्ट्री फिज़िक्स के हमने यहाँ पर ये यह सारे के सारे वीडियोस लिए हैं अगर आप टाइम निकाल के उनको देख सकते हो योर रैंक इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव ये मैं लिख कर दे सकती हूँ एक एक चीज़ यहाँ पर करा रहे हैं जिन बच्चों का अभी तक कोई ट्रैक नहीं था ना है ना कि कहां से पढ़ाई करनी है कैसे अगर अभी भी आप बाउंस बैक सीरीज को फॉलो करते हो यू डेफिनेटली कैन बाउंस बैक ठीक है इसके साथ प्लस पे रिविजन कोर्स चल रहा है वहां पर आना चाहते हो तो वहां पर भी आ सकते हो ठीक है ये सबको क्लियर हो गया एक और खुद से करके देखना चाहोगे वुड यू लाइक टू डू वन बाय योर एक और खुद से कोई करके देख लेते हैं सो so दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए ठीक है एक और खुद से कर ले डी फाइव कर लो आपको डी फाइव की सी एफ एस सी कैलकुलेट करनी है किसकी डी फाइव की एक्चुअल में ऐसे होता है आपको वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में सी एफ एस कैलकुलेट करनी है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सी एफ एस कैलकुलेट करनी है ठीक है टाइम लो कंफ्यूजन नहीं है धीमे धीमे करो कोई दिक्कत नहीं है तो वीक फील्ड का मतलब है एक दो ये डेल्टा कम होगा वीक फील्ड कम बनाया करो ताकि याद रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है काफी ज्यादा डेल्टा है ठीक है ना अब आपको क्या करना है पांच इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर वीक फील्ड है तो तीन तो यहां जाएंगे फोर्थ और फिफ्थ ऊपर चला जाएगा इसकी कॉन्फिगरेशन क्या लिखूंगी टी टू जी eg2। टू टी टू जी थ्री ई जी टू जितने नीचे भरे उतने ही ऊपर भर रहे हैं तो यहां पर जो आपकी सी एफ एस सी है वो क्या आ जाएगी जीरो सी एफ एस सी जीरो आ जाएगी अब डी फाइव यहां पर भरो एक दो तीन भरे फिर फोर्थ भी यहां पर आएगा और फिफ्थ भी यहां पर आएगा समझ रहे हो फोर्थ और फिफ्थ दोनों नीचे आएंगे क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है बट ऊपर जाना काफी मुश्किल है तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगी टी टू जी फाइव ई जी जीरो पूछे जाते हैं कि कॉन्फिगरेशन क्या है तो आपको निकालनी आनी चाहिए और इसका सी एफ ऐसी निकालो जरा तो नीचे वाले का क्या होता है जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ नीचे जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितने हैं पांच है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ इन फाइव प्लस यहां पे कितने पेयर थे एक भी पेयर नहीं था यहां कितने पेयर हैं दो तो लिख दोगे टू पेयरिंग एनर्जी अब मुझे बताओ क्या यह बात सबको अच्छे से समझ आई है या कोई दिक्कत है टू पेयरिंग एनर्जी ठीक है क्लियर हुआ अब अब दोनों d5 d7 का मैंने कराया डी फाइव का आपने खुद कर लिया अब यहां तक कॉन्फिडेंस आ गया है तो मुझे बताओ वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन क्वेश्चन हम कर लेते हैं ठीक है अच्छा एक और बात मैं बता देती हूँ टेट्राहेड्रल हेड्रल एक बार टेट्रा हेड्रल फील्ड भी देख लो फिर कहोगे कराया नहीं टेट्राहेड्रल हेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है देखना ये ऐसे ऐसे हो जाएगा दो नीचे तीन ऊपर और ये हो जाएगा डेल्टा टी लेट मी टेल यू गाइस ये जो डेल्टा टी है ना हमेशा ही कम होता है डेल्टा टी तो डेल्टा ओ के कंपैरिजन में कम ही होता है तो हमेशा मतलब ये जो डेल्टा टी है कम होगा तो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो या फिर वीक फील्ड लीगेंड हो वो हमेशा ऐसे ऊपर ही भेजेगा पेयरिंग नहीं कराना पसंद करेगा ठीक है ना चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो वो कोशिश करेगा ऊपर ही भेजेगा यहाँ पर पेयरिंग हम नहीं कराते हैं ठीक है डेल्टा टी में मतलब टेट्राहेड्रल में नो नीड ऑफ पेयरिंग ऑफ पेयरिंग पेयरिंग नहीं करानी है क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू ऑलरेडी काफी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन आराम से ई e में चला जाएगा बाय द वे इसको ई e लिखेंगे और इसको टी लिखेंगे जी नहीं लिखना टेटर टेट्राहेड्रल में सिमिट्री नहीं होती है तो जी नहीं लिखेंगे क्लियर है क्लियर है क्लियर है यहां तक चीजें समझ आ गई अब हम फुल ऑन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ठीक है पहले मैं जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का एक क्वेश्चन कराती हूं करो अब क्वेश्चन करो पांच दस क्वेश्चन करो मजा आ जाएगा ठीक है ना उसके बाद लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा गिव मी अ मिनट क्वेश्चंस आ जाएं ठीक है ना मैं बताती हूं कौन कौन सा करोगे सबसे पहले जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का डी फोर वाला करो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है ये तो आइसोमेलिज्म वाले रुको ट्वेंटी ट्वेंटी का डी फोर ये करो जेई ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है अब देखो कैसे मजेदार फटाफट क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो मैं लिख कर दे सकती हूं तुम्हें मजा आ जाएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कह फॉर इन एंड मेटल हेड्रल इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी फोर मेटेलाइन है ठीक है ना इरेज ऑल करो साफ साफ लिखते हैं अब करो द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज जल्दी से बताओ जल्दी से बी सी डी वट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर अनिकेत ऑसम कितना टाइम और लगेगा फोर्टी फाइव मिनट्स फिफ्टी मिनट्स और लगेंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा निशान जैसे ही मेरी क्लास फिनिश होगी तो निशान सर आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ठीक है ना जैसे ही क्लास मान लो नौ बजे क्लास खत्म होती है तो सवा नौ बजे तक निशान सर आपकी क्लास कर लेंगे नौ सवा नौ मेरी खत्म होगी तो लगभग नाइन थर्टी पर सर स्टार्ट कर लेंगे पांच दस मिनट का हमें गैप दे देना उसके बाद सर स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना ओके okay, ए बच्चे बोल रहे हैं देखना कह रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड है डी फोर है ऑक्टाहेड्रल का मतलब एक दो तीन ये और डी फोर द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज एक बात बताओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी फोर है एक दो तीन और ये चार ये तभी पॉसिबल है ना जब डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तभी टी टू थ्री आएगा ई जी वन आएगा जब डेल्टा ओ की तभी पॉसिबल है जब डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग से कम होगी तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ डेल्टा इज लेस देन पेयरिंग ये जेई मैन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन था मुझे बताओ कितना चिंदी क्वेश्चन था टाइमिंग एट था बट मेरा वन शॉट थोड़ा लंबा चल गया ना तो सर को लगा था दो से आठ में मैम का वन शॉट खत्म हो जाएगा और सर आठ बजे क्लास ले लेंगे बट हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया सर की आगे शिफ्ट करा देंगे ठीक है आगे सबको समझ ये कंप्लीट करो तभी मैथ स्टार्ट करना एक एक करके सब कुछ एक साथ नहीं होएगा ये ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन था कितना मतलब लिटरली मतलब सस्ते लेवल का क्वेश्चन इन्होंने पूछा जो तुमसे फटाफट हो गया नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जेई 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी का एडवांस के भी कराती हूं जल्दी जल्दी करके बताओ कैर द स्पीशीज दैट हैज ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फाइव पॉइंट नाइन इज टेट्राहेड्रल फील्ड में अच्छा टी डी मतलब टेट्राहेड्रल है।, है कौन सी स्पीशीज का 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आंसर टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फटाफट फटाफट बहुत सिंपल क्वेश्चन है टाइम मिलेगा तो कलर वाला भी करा दूंगी यार चिंता क्यों करते हो सब करा दूंगी डी आंसर आया, आया एक बात बताओ अगर मैग्नेटिक मोमेंट ये पिछले चैप्टर में सिखाया था 5.9 बोर मैग्नेटोन आ रहा है इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए फाइव अगर फाइव पॉइंट समथिंग आता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइव होने चाहिए इतनी बात समझ आई ठीक है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच अब अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच कहां कहां पर हो सकते हैं ये निकल टू प्लस निकल टू प्लस में भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच हो ही नहीं सकते हैं निकल टू प्लस निकल जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच तो नहीं हो सकते हैं एक मिनट करना मैंगनीज प्लस टू मैंगनीज होता है डी फाइव एस टू तो मैंगनीज प्लस टू में पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वीक फील्ड लिगेंड है यस इट विल बी द करेक्ट आंसर निकल के तो कोई कॉम्प्लेक्स में आपने पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे ही नहीं है निकल के कहां से पांच की बात कर रहे हो, हो है ना डी एट एस टू है पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए सो करेक्ट आंसर विल बी डी ठीक है डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर बस थोड़े से दिमाग पे जोर दिया करो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं uh, ये जो आपका क्वेश्चन है जे मेन ट्वेंटी ट्वेंटी में एक और इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैंने डाला था कहाँ है कहाँ है देखो बहुत सारे हैं इंटीजर टाइप वाला मैं ढूंढ रही हूँ ताकि हर वैरायटी यहाँ पर डिस्कस कर लें वन सेकेंड Uh -huh, uh -huh, ये नहीं था ये करना इंटीजर टाइप जेन ट्वेंटी ट्वेंटी का टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कंसीडरिंग दैट डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग कह रहे डेल्टा ओ पेयरिंग से ज्यादा है और आर यू एच टू ओ सिक्स टू प्लस मतलब मुझे इतना समझ आ गया कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस Plus? ये उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन हो पाएगा जिनको ये पता है कि आर यू कहां पे लाई करता है सबको पता है आर यू कौन से ग्रुप में लाई करता है जल्दी 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 आंसर करो फटाफट फट, इजी क्वेश्चन है आर यू टू प्लस सेम एज एफ ई टू प्लस मतलब ये है डी सिक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीग है होएगी ऊपर जाएगा नहीं तो d6 सिक्स भर दो एक दो तीन चार पांच छः द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो किस किस का आंसर सही आया मैग्नेटिक मोमेंट जीरो वेरी गुड कौन कौन है अनिकेत क्री कृषांशु जयसवाल दैट इज करेक्ट धीरेन्द्र करेक्ट समिरन वेरी गुड समझ आया सबको आपको प्रियोडिक टेबल जो सिखाई थी ना सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो रू रा पर आगे खड़े हैं एफ ई और आर यू सेम उसमें आते हैं तो यार एफ ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगी तो आर यू की आ जाएगी ठीक है ना एक अगला क्वेश्चन कर दो एडवांस का है तो एडवांस का करा देती हूँ ठीक है नहीं तो मेन वाले कर लेते हैं मेन में लाइक काफी सारे इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एक और क्वेश्चन करके दिखाओ गिव मी वन सेकेंड ठीक है द वैल्यूज ऑफ ऑक्टा फील्ड जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है एक मिनट है ये लो क्वेश्चन करके दिखाना जेई ट्वेंटी ट्वेंटी जितने क्वेश्चन करा दूंगी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक क्वेश्चन करेंगे ठीक है कर लो द वैल्यूज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्टेबिला की वैल्यू निकालनी है high spin, high spin का मतलब पेयरिंग नहीं होनी चाहिए तो एक दो तीन चार पांच है एंड टेट्राहेड्रल फील्ड टेट्राहेड्रल क्या होता है एक दो तीन चार पांच टेट्राहेड्रल में तो कतई पेयरिंग नहीं होती है एक दो तीन चार पांच छ सही बात है अब यहां पर देखना एक बार कैलकुलेशन करने से बचो ये जो तीन है सोचो ये इन दो को इक्वलाइज तो कर देंगे करना सिखाया था ना ये कितना होता है जीरो डेल्टा माइनस डेल्टा इंटू

ठीक है सो इस टाइप के आई थिंक अब सब क्वेश्चन आप कर पाओगे है ना ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है तो जितने भी बाकी क्वेश्चन इसमें हैं दीज आर लिटरली सिमिलर क्वेश्चन आई वॉन्ट एक बार आप सब लोग ट्राई जरूर करना कैलकुलेशन सब में सिमिलर ही है बस दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा जो पॉइंट्स मैंने याद करवाए केवल उतना याद कर जाना आपके सारे के सारे आंसर्स फॉर श्योर मैं कह सकती हूं आ जाएंगे ठीक है अब हम करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे कंटिन्यू जिसका नाम है आइसोमेरिज्म तसल्ली तो से बैठो आइसोमेरिज्म इजी है मैं आपको एडवांस लेवल का आइसोमेरिज्म सिखा देती हूँ बट ये मेन और एडवांस के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यू विल लाइक अरे मैम इतने सिंपल क्वेश्चन लेंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आइसो मैरिजम दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन ठीक है आइसोमेरिज्म को हम दो केसेस में स्टडी करते हैं एक होता है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जैसे ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं सेम उसी तरीके से यहां पर स्टडी करेंगे एक होता है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप सब बच्चों को पता है ये दो तरीके से डिफाइन करते हैं एक जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी तरीके से स्टीरियो डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम बहुत सारे पढ़ते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बड़े सारे टाइप हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड सो ऑन ठीक है isomerism, isomerism so on, तो अब मैं ये चार पांच टाइप के जितने भी आइसोमेरिज्म अपने सिलेबस में हैं हम ये सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे सिंपल सिंपल है इसके बेसिस पे पांच दस क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये देखो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज मे बी डिफरेंट कलर डिफरेंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये शो करते हैं ठीक है ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब जब ये पान मतलब अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आयनाइजेशन आइसोमर इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इनको एग्जाम्पल से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं बड़े ध्यान से देखना देखो इजी सा टॉपिक है ठीक है इजी बिजी क्वेश्चन है कितना टाइम और लगेगा नौ बजे तक मेरे ख्याल से हम लोग वाइंड अप कर देंगे नौ बजे तक हमारा पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा ठीक है देखो आयनाइजेशन आइसोमर्स का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल लिखूंगी मैं ना एनसीआर में देखो तो बच्चे क्या करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल रटते हैं हम रटेंगे नहीं हम ए बी सी डी टाइप से लिखेंगे ताकि कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना आ जाए आप उसको ए बी सी डी में फिट करके आंसर निकाल पाओगे ठीक है हम इस तरीके से करेंगे सपोज करो आपके पास एक मेटल है एम उसके पास कुछ एक्स नंबर ऑफ लीगेंट जुड़े हुए हैं है ना एक मेटल है एम उसके पास कुछ एक्स लीगेंट जुड़े हुए हैं और उसके साथ एक बी लीगेंट भी जुड़ा हुआ है और उसका बाहर का जो काउंटर आयन है वो ए है एक और आपके पास कॉम्प्लेक्स है जिसके पास एक्स लीगेंट जुड़े हुए हैं बट अब ए अंदर है और बी बाहर है ए अंदर है बी बाहर है अब आप सोचो जब ये पानी में डालेंगे है हाँ ना जब इनको हम पानी में डालेंगे तो या तो ये पॉजिटिव होगा लेट्स से ये माइनस होगा तो आपके कैटाइन एनाइन डिफरेंट होंगे इसको पानी में डालोगे है हाँ ना तो लेट्स से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो केटाइन एनाइन डिफरेंट मिलेंगे जब जबकि दोनों का देखो जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है एक मेटल है एल लीगेंड है मतलब एक्स एल लीगेंस है एक ए है एक बी है तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जिस तरीके से ये आयोनाइज हो रहे हैं वो डिफरेंट है ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स आइसोमर्स क्या क्या ये बात सबको समझ आ गई इनको क्या बोलते हैं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है ठीक है कॉम्प्लेक्स के कलर्स भी करा देना कलर भी कर... तुम्हारी मतलब फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं और तुम्हें होता है जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर दो तो कलर भी करा दूंगी ठीक है ट्रांजिशन ये भी करा दूंगी बट पहले आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लेते हैं क्या ये बात आपको सबको अच्छे से समझ आ गई इनको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं एक एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ हमारे पास कोबाल्ट है ठीक है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है और अपने पास पांच अमोनिया है और एक एसओ फोर है ठीक है आपके पास पांच अमोनिया है एक एसओ फोर है और एक बी आर है ये मेन मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बना दिया मैंने क्या बना दिया दिस इज द मेन मॉलिकुलर फार्मूला ठीक है ना अब मैंने क्या किया इसको इस तरीके से लिखा सी ओ एन एच थ्री फाइव

है ना इन दोनों को बेरियम टू प्लस के साथ रिएक्शन कराया बेरियम टू प्लस एक्वस तो समझ रहे हो ये तो बी फोर का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा बट ये पीपीटी नहीं बनाएगा कल को आपने इन दोनों को एजी थ्री के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया तो ये ये तो एजी बी आर के साथ व्हाइट प्रीपीटी बना लेगा बट ऊपर वाला नहीं बनाएगा

वैसे भी अगर कलर आज नहीं करेंगे तो घबराना मत क्वालिटेटिव एनालिसिस जस्ट अगले मतलब कमिंग ट्यूसडे हम करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस चिंता ना करो मैं यही हूं कहीं नहीं जाऊंगी सारा कुछ कराऊंगी ठीक है चलो अगला देखते हैं ये आयनाइजेशन आइसोमर का इतना ही था इससे ज्यादा अपने उसमें नहीं करना डिटेल में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगी सेकेंड हमारे पास आइसोमे isomer, आइसोमैरिज्म है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल देखो मान लो आपके पास पानी है ठीक है और आपके पानी में आई I मीन mean, आपके पास एक मेटल है उसके ऊपर छह पानी आपने लगा रखे हैं और दो हेलोजन बाहर की साइड है मतलब जो काउंटर जो काउंटर आइन है वो आपका हेलोजन है ये एक फॉर्म हो गई दूसरा फॉर्म देखना यही मेटल पांच पानी से सराउंडेड है एक हेलोजन से सराउंडेड है तो एक हेलोजन बाहर रह गया एक पानी बाहर रह गया तो अब इनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है हाइड्रेशन पानी के जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना ये तो कॉर्डिनेट ये जो पानी है ध्यान से देखो ये जो पानी है ये तो कॉर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये जो पानी है ये लूजली हेल्ड है वीकली हेल्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉर्डिनेटेड नहीं है ठीक है ना तो मान लो मैंने इसके अंदर लेटेस्ट से एच टू एस फोर डाला है ना मैं इसकी डिहाइड्रेशन कर रही हूं माइल्ड कंडीशन में मैंने इसकी डिहाइड्रेशन करी तो एक बात बताऊं ध्यान से सुनना तो ये जेई मेन में, में पूछा हुआ क्वेश्चन है जब मैंने इसकी डिहाइड्रेशन करी तो यहां तो कोई भी लूजली हेल्ड वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो नहीं निकलेगा बट यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड है तो इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से कंपाउंड का मास कम हो जाएगा समझ लो तो इन दो आइसोमर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हो तो एक का मास ज्यादा कम होगा एक का मास कम होगा या इसका तो मास कम ही नहीं होगा इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है इज दिस थिंग क्लियर यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है 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 ना यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये दोनों कंपाउंड्स है ना आयनिक होने चाहिए कोई भी कंपाउंड्स जब भी आप ये ये जो मैं फैक्ट बता रही हूँ ना ट्रिक फोर्टीन हमने करी थी ना दिस इज योर ट्रिक फिफ्टीन दिस इज योर फिफ्टीन ट्रिक जब हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म केवल वही कंपाउंड शो करेंगे जो आयनिक होंगे मतलब जैसे यहाँ पे टू प्लस चार्ज है तो हेलोजन पे टू माइनस आना चाहिए पे +1 चार्ज है है ना पे प्लस चार्ज तो माइनस ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे पानी को बाहर रख दो सारे हेलोजन को अंदर रख दो ऐसे नहीं करोगे ठीक है मतलब आपके चार्जेस मेंटेन होने चाहिए आयनिक होना चाहिए तभी जाके वो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करता है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म सबको क्लियर है Hydration, clear है। अच्छा, डेडिकेशन थैंक यू मैम अरे 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 है ना तुम्हें पढ़ाना आप चैट से पीछे चल रहे हो प्लीज रिफ्रेश अच्छा चैट पीछे आ रही है अरे सॉरी सॉरी वो तो जो जैसे आ रहा है मैं वैसे ही पढ़ रही थी ठीक है ना चलो कोई नहीं हम कंप्लीट करेंगे तसली करो चिंता ना करो हम सारा कुछ करेंगे हाइड्रेशन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म ठीक है अब ये बहुत इजी इजी है इनमें घबराने की बात नहीं है दीज आर वेरी वेरी इजी आइसोमेज लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है सपोज करो आपके पास एक मेटल है इसके पास कुछ एक्स लीगेंट्स जुड़े हुए हैं अब लिंकेज आइसोमर्स आपके दिमाग में आ रहा है बाईड शो मीन एम बी डेंटेड लीगेंट शो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एनओ टू हो गया वो नाइट्रोजन के साथ भी एक्ट एड हो सकता है ऑक्सीजन की तरफ से भी एक्ट हो सकता है तो उसको मैंने ए बी लिख दिया ए भी मतलब वो पहले मान लो ए की साइड से अटैच हुआ ठीक है तो वो अलग लिगेंड होगा जैसे पता है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक स्ट्रॉ फील्ड है एक वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग अल, अलग अलग हो हो जाएगी कलर अलग हो जाएगा सारी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी तो ये एक हो गया अब मान लो एम एल एक्स बी ए लिख दिया तो जो जो एम्बीडेंटेट होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं है ना तो जो लीगेंड आपका वो एम्बीडेंटेट होना चाहिए ये जो लिगेंड है आपका ये एम्बी डेंटेट होना चाहिए कि ये दो साइड से कनेक्शन शो कर सके और जब दोनों साइड से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन शो करेगा ठीक है ना जब ये दोनों साइड से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन शो करेगा तो जो प्रॉपर्टीज आएंगी उस कॉम्प्लेक्स की वो भी डिफरेंट आएंगी तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी सबको क्लियर हो गया इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एक नेक्स्ट आइसोमेरिज्म मैं आपको सिखाती हूं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ध्यान से समझना ठीक है इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ये जो ये रीजन है देखो मैंने आइसोमेरिज्म टॉपिक लास्ट में इसलिए रखा सो so दैट मतलब आप लोगों को ईजी लगे क्योंकि नाउ यू हैव डन द मेजर पोर्शन मेजर काम तो का आपने कर लिया बस छोटे छोटे काम है वो हम यहाँ पर करके कंप्लीट कर देंगे तो मेन काम ईजी हो जाए अपना ठीक है ना देखो कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल देखो समझना ठीक है एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ आपने ले लिया एक सिल्वर और एन एच थ्री पे टू है और एक पॉजिटिव मैं आपको बताऊंगी कब कब अब मैं ये भी बताती हूँ आपको टीचर्स कैसे सिखाते हैं सिल्वर सी एन मैंने टू ले लिया माइनस वन तो बच्चे कई बच्चे ऐसे इसको सीखते हैं कई टीचर्स भी ऐसे इसको सिखाते हैं कि भाई आप ना लीगेंट्स को एक्सचेंज कर दो तो जो आइसोमेरिज्म बन जाएगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनेगा मैं आपको एक बात बताती हूँ आपको क्या करना है ना देखो आपको क्या करना है एक एक लिगेंट को एक्सचेंज करो जैसे यहां पर सीएन है और यहां पर अमोनिया है आप एक काम करो एक सीएन को आप इधर लेकर आओ ठीक है ना एक एक CN को इधर लेकर जाओ एक अमोनिया को इधर ले जाओ, ले जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है तो जब लेके गए ये ये बन गया AG, ये रह गया एक अमोनिया और ये रह गया सी एन ठीक है अब यहां पर इधर ले जाओ ये भी क्या बन गया एजी एक बन गया सी एन एक, एक आ गया अमोनिया क्या ये बात आपको समझ आई इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन क्या ये, ये समझ आया अब ऐसा करने से जब आपने एक एक लीगेंट को एक्सचेंज किया तो ए जी पे प्लस वन था सी एन पे माइनस वन ये जीरो हो गया ना ए जी पे प्लस वन या सी एन पे माइनस वन ये जीरो एक के टाइम होगा एक ए नाइन होगा तभी तो दोनों कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर्स आपने बनाए हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना दोनों पे जीरो चार्ज आ गया तो मतलब ऐसी शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है इसको शिफ्ट कराने का फायदा ही नहीं है ठीक है अब आप कहो कि मैम दोनों दोनों इधर ले आए कि दोनों सी एन ले आओ आपने कहा ए जी सी CN2 टू लिख दो यहाँ लिख दो ए जी एन एच थ्री टू पे प्लस लिख दो तो ये इधर भी एक्सचेंज करने का भी क्या फायदा हुआ ये भी सेम है ये भी सेम है मतलब ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपसे जेई में पूछे जाते हैं ठीक है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो आपको एक एक लिगेंड को लेफ्ट से राइट right में एक्सचेंज करना है ठीक है एक एक लिगेंड को लेफ्ट से राइट right में एक्सचेंज करना है बट याद रखना है कि ये जीरो जीरो नहीं होने चाहिए अगर जीरो जीरो हो गए तो वो कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे क्या ही बात समझ आई एक एग्जाम्पल और ले लें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं करना प्लेटिनम एनएच थ्री पे फोर है ठीक है आपके पास है प्लेटिनम NH3 थ्री पे फोर और एक आपके पास है प्लेटिनम सीएन फोर

और ये कितना आ गया प्लेटिनम सी एल थ्री और एक एन एच सी क्या हम ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं मतलब मैंने लीगेंट्स को इंटरचेंज किया बिटवीन द मेटल्स मैंने लीगेंट्स को क्या चेंज इंटरचेंज किया बिटवीन द मेटल अब देखना प्लेटिनम पे टू था क्लोरीन पे माइनस वन तो ओवरऑल अभी भी प्लस वन है और यहां पे प्लेटिनम पे कितना था ठीक है ना यहां पे निकालो प्लेटिनम इधर माइनस वन होगा तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन है ना एक्स कितना आ जाएगा प्लस थ्री तो ये चल जाएगा अपना काम हो जाएगा आगे देखो अब आप क्या करो एक और सी को इधर ले जाओ एन को इधर ले जाओ प्लेटिनम क्या बन गया सी एल टू एन एच थ्री होल्ड वाइज और यहां पर करो प्लेटिनम सी एल टू एन एच थ्री होल्ड वाइज कैसे कर अब यहां पे प्लेटिनम पे प्लस टू क्लोरिन पर माइनस वन तो यहां पे भी ओवरऑल जीरो हो गया यहां पे भी जीरो हो गया मतलब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा एक ही केवल एक ही कॉर्डिनेशन आइसोमरिज्म यहां पर पॉसिबल है क्या यह बात सबको अच्छे से समझ आ गई दो कॉर्डिनेशन मतलब इस कंपाउंड के लिए दो कॉर्डिनेशन आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं पहले एक एल को ले जाओ और अब एक एल को वहां माइनस ले जाओ ठीक है यहां तक सारी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई अच्छा ये माइनस थ्री क्यों किया मैंने यहां आएगा एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन एक्स इज इक्वल टू प्लस ये भी एक्सेप्टेबल ठीक है इनको बोलते हैं हम कॉर्डिनेशन आइसोमर्स जहां पर आप केटाइन को एक्सचेंज कर मतलब जो लीगन है उनको एक्सचेंज कर सकते हो ठीक है जब ये ये कब पॉसिबल होगा कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगा जब आपका जो केटाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जब एनआन हो तो भी कॉम्प्लेक्स हो तो जब कैटाइन एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स हो आप लीगन्स को इंटरचेंज करके देखो जीरो जीरो नहीं आना चाहिए अदरवाइज वो जो है कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है ठीक है अब कुछ क्वेश्चन कर लें क्लियर हो गया चलो यहां तक हो गया अब ये हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो तो हमारे कंप्लीट हो गए स्ट्रक्चरल इतने ही हैं अब एक काम करते हैं स्टीरियो भी लगे हाथ निपटा देते हैं फिर क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे ठीक है स्टीरियो भी लगे हाथ निपटा देते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इजी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब जो थ्री में है ना थ्री में जो इनकी शक्लें हैं वो डिफरेंट होती है इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म जबकि स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम है बट देर ओरिएंटेशन इन थ्री इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स ये दो टाइप के होते हैं एक हम डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक हम डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना एक हम डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक हम डिफाइन करते, 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 करते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा अगर उस कंपाउंड में देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक में सिखाया था उसी स्केल पे है अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सो फॉर एनी आइसोमर टू बिहेव एज ऑप्टिकल आइसोमर देर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है ठीक है मैं एक एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ अरेंजमेंट होती है एटम्स एटम्स की atoms की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल अब मैं आपको बोलूं कि ऐसे रट लो तो आई थिंक आप कोई भी दिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप रटो मत मैं आपको एक एक एग्जाम्पल कराती हूं आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लोगे ठीक है एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले हम एक काम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर को कंसीडर करते हैं अपने सिलेबस में तीन ही आप तो समझ गए ना कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर फोर स्क्वायर प्लेनर इन तीन में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना है ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है केवल इतना ही अपने सिलेबस में है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है पहले ध्यान से देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में मैंने टेट्राहेड्रल देखा क्या देखा टेट्राहेड्रल या फिर मैंने क्या देखा स्क्वायर प्लेनर दो ही पॉसिबिलिटी है या तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में टेट्राहेड्रल बनेगा या कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में स्क्वायर प्लेनर बनेगा समझ रहे हो एक बात बताओ जब मैंने टेट्राहेड्रल देखा तो मेटल यहां पर होगा कुछ चार लीगेंट्स यहां पर होंगे अब ये चारों के चारों लीगेंट्स अपने से एक दूसरे से वन हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट के एंगल्स पे है मतलब मान लो आपने ए ए बी बी रखा उसको आप ऐसे रख दो या ए ए बी बी ऐसे रख दो कैसे भी रख दो ये तो सारी सेम अरेंजमेंट है ना क्योंकि सबका एंगल ही सेम है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल कैन नेवर शो जीआई ये कभी भी जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इन सबकी पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर स्क्वायर प्लेनर को देखना जरा मान लो आपने लिया एम ए टू बी टू मेटल को सेंटर में रखा आपने देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं दो ए को आप ट्रांस पर रख दो या फिर दो ए को सिस पर रख दो तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी आई ना तो इनको बोलते हैं जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर स्क्वायर प्लेनर ये तो कैन शो जीआई, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं ये जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे बट कुछ भी हो जाए कोई भी ग्रुप्स क्यों ना हो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल कभी जी आई शो नहीं करेंगे कभी भी ये जी आई शो नहीं करेंगे ये बात सबको समझ आई दिस इज क्लियर अब ध्यान से देखो जी आई की कहानी हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल में दर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एस सच कोई प्लेन तो नहीं है ना मतलब इट कैन इट कैन ठीक है ना नो एस सच कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब आप बोल सकते हो इट कैन शो इट कैन शो है ना ऑप्टिकल आइसोमैरिज्म ऑप्टिकल आइसोमैरिज्म शो कर सकते हैं ठीक है बट स्क्र प्लेनर में तो देखो एवरी टाइम स्क्वेर प्लेनर मतलब ये एक plane में ही है तो जब इसमें प्लेन है इट ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमिट्री तो इट कैन नेवर कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमैनिज्म आपको केवल इतना याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री है अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गई वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ठीक है करके देखें कुछ कुछ क्वेश्चन करके देखें सबसे पहला पांच दस क्वेश्चन करा देती हूं आप मुझे बताओ एम ए फोर क्या ये जी आई शो करेगा क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं ये आपका क्वेश्चन है देखना एम ए फोर रखने हैं चार ए रख दो ए ए आपने चारे रख दिए ठीक है चार ए रख दो अब बड़े ध्यान से देखो ये तो सारे एक दूसरे से 109 हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट्स पे है तो ये कभी भी जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेंगे है ना दे विल नेवर शो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको देखो और इजी तरीके से देखो ऐसे रख दिया करो है ना ताकि एक प्लेन आप बना सको एक प्लेन बना सको इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे एक ही बात है बट मतलब मेरा देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्लेन दिख जाए क्या आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है ए आगे एक पीछे है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया मतलब तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो क्या ये बात सबको समझ आई नेक्स्ट करना आप एक क्वेश्चन करो एम ए थ्री बी आपको मुझे बताना है क्या ये जी आई या ओ आई शो करेगा या नहीं ऐसे बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मतलब सो दो सो क्वेश्चन हम बना सकते हैं ठीक है आपको सारे नहीं करने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगानी आती है बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है ना आपको यह देखना है कि क्या ये जी शो करेगा या नहीं एम ए थ्री बी एक काम करो यहां पे ए ए रख दो ये ए बी ये सारे एंगल्स एक दूसरे से वन डिग्री 20 28 मिनट्स हैं तो किसी ए को उठा के बी की जगह पे रख दो कोई फर्क नहीं आएगा तो जी आई नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये एक प्लेन कंसीडर करना इसके आगे ए आ रहा है इसके पीछे बी जा रहा है तो आपको लग सकता है कि हाँ मैम ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब हमारा शो कर सकता है बाकी मैं एक बात बताती हूँ एक काम करो बी को उठा के यहां रखो एक बार मतलब जो डिफरेंट है ना उनको उठा के यहां रखो जिनके अबाउट देखना है। आपका ये कोशिश होना चाहिए कि ऐसा प्लेन सर्च करो जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो ए बी से पास करो एक ए के ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई तो मतलब इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो क्या ये बात सबको समझ आई कि कहां कहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है कहां कहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता इज दिस थिंग क्लियर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने के कुछ क्वेश्चन बने समझ आया ठीक है एक अगला करके देखें अब एक काम करो ए टू बी सी में कर लो ठीक है प्लेनर ये टेट्राहेड्रल हो गया अब करो एम ए टू बी सी स्क्वायर प्लेनर आपको मुझे बताना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं थियरी थियरी के क्वेश्चंस करा देती हूँ फिर सीधा जेई मेन के क्वेश्चंस करेंगे स्क्वेयर प्लेनर मतलब ऐसा मेटल बीच में ए टू आप एक काम करो पहले दो ए को सिस पे रख दो दूसरी पॉसिबिलिटी दो ए को ट्रांस पे रख दो बना जो दो सेम है ना जो दो सेम है जैसे ये दो सेम है इनको पहले सिस पे रख के देखो बन बन गया ये सिस है दोनों तो को ऑपोजिट रख के देखो ये ट्रांस है तो हां जी जी आई तो शो करेगा जी आई शो करेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ये एक प्लेन है प्लेनर कंपाउंड है तो इसके अंदर plane of symmetry है मतलब ये 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 नहीं नहीं करेगा करेगा इसमें भी plane of symmetry है तो ये optical isomerism शो नहीं करेगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है ठीक है जी आई ओ आई कैसे निकालते हैं ये आपको करना आ गया होगा थोड़े से और क्वेश्चंस करके देखते हैं ठीक है ना थोड़े से और क्वेश्चंस कर लो एम ए टू बी टू मुझे बताओ हाउ मेनी जी आई हाउ मेनी जी आई एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर स्क्वायर प्लेनर अब स्क्वायर प्लेनर है प्लेनर है तो मैं बोल सकती हूँ ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होंगे ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो एक काम करो पहले कि नहीं दो को ले लो ये तो मैथ्स में आप करते हो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वही वाले क्वेश्चन है पहले कि नहीं दो को उठा के फिक्स कर दो दो ए को मैंने क्या करा रख दिया दो ए को है ना दो ए को मैंने सिस पे रख दिया अब क्या कर दो, दो को इधर रख दो, दो को ट्रांस यहां रख दो बी तो आ गए और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है सो इट विल शो टू जेमेट्रिकल आइसोमर्स आ गया आंसर इट विल शो टू जेमेट्रिकल आइसोमर्स क्लियर है आ गया जी आई ओ वाई देखना ठीक है एक और करके दिखाते हैं मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया एम ए ए बी सी अब घबराना नहीं है मैम ये क्या हो गया जैसे इथिलीन डायमीन डायमीन है इथिलीन है ना जैसे एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू है ना तो दो लीगेंट वाली साइड्स कौन सी हैं एक ये है एक ये है तो इनको जो इस टाइप के होते हैं ना जो अच्छा इनको बोलते हैं चिलेशन चिलेशन मतलब जो रिंग बना सकते हैं मान लो ये मेटल आयन है तो ये इससे रिंग बना रहा है ये इससे रिंग बना रहा है देख रहे हो रिंग बना रहे हैं तो दोनों की अटैकिंग साइट ए

उनको आप हमेशा ना सिस पे रखोगे ऐसा नहीं कि इन दोनों को ट्रांस पर रख दोगे ट्रांस पर रखोगे ना तो वो रिंग बेंड हो जाएगी मतलब वो प्लेन नहीं रहेगा वो बेंड हो जाएगा इट विल नॉट बी स्क्वायर प्लेनर तो ऐसे केस में आपको इनको हमेशा कहां पे रखना है सिस पे तो एक बी रख दो एक सी रख दो यही एक ही पॉसिबिलिटी है कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है तो मुझे बताओ ठीक है ना तो केवल एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां एग्जिस्ट करेगा ट्रांस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा कल को आपका मन करे कि मैम ऐसे बना दे

ऑक्टा हेड्रल में बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते मैनी टाइम्स इट कि बच्चे क्या हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते में। तो मैं आपको एक बात बताती हूं बहुत सही चीज है मान लो है ना ये एक दूसरे के अच्छा देखना मैंने बनाया एम ए फोर बी टू मैंने क्या बनाया एम ए फोर बी टू तो मैंने क्या किया चार ए को प्लेन में रख दिया एक बी को ऊपर एक बी को नीचे मतलब दो बी के बीच में एंगल कितना हो गया 180 तो इनको क्या बोल देंगे ट्रांस ये क्या हो जाएंगे ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मैंने क्या किया है ना ए को यहां रखा ए को यहां रखा ए को यहां रखा ए को, को यहां रखा और दोनों बी को एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सिस दे विल बी सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में भी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है मतलब ये जोमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं दे हैव दिस पॉसिबिलिटी कि यह जी आई अब कोऑर्डिनेशन नंबर में दिस विल बी ट्रिक ध्यान से देखना कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे चेक करते हो ध्यान से सुनना कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे करनी है चेक ध्यान से देखो मान लो ये है ये दो एंटी है ना ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं एंटी बोलो या ट्रांस बोल दो अगर दोनों ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों पे ए, ए है तो मतलब वो कभी भी आ, क्या शो नहीं करेगा वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्या ये बात सबको समझ आई ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल दो कंडीशन में हो सकता है या तो जो दोनों ट्रांसपोजिशन है उस पर सेम ग्रुप लगा दो या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कोई दो ट्रांस सेम सेम हो जैसे ये ए बी है ये भी ए बी है ये कभी भी जिमेट क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये दो कंडीशन है, नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या सिखाया कोई भी ट्रांस पे दोनों ऑपोजिट दोनों सेम सेम ग्रुप लगा दो या कोई दो जो ट्रांस है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जैसे ए बी ए बी जैसे सी 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 इस तरीके से सी सी ठीक है और यहां पे सी डी डी सी ऐसा कर दो तो ये ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे दे विल नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव अब बताओ यहां तक सारी चीजें सबको अच्छे से समझ आई ठीक है चिलेशन मतलब जैसे मेटल था ठीक है मेटल टू प्लस था अब यहां पे एक एनएच टू आया ये सी एच टू है ये सी एच टू है ये एन एच टू है ध्यान से देखना और यहाँ पर एक एनएच टू सी एच थ्री है एक एनएच टू सी एच थ्री है लगभग लगभग सेम लीगेंस है ना जैसे ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा ये इससे करेगा ये इससे करेगा ये इससे करेगा तो जब कोऑर्डिनेट करते करते एक रिंग लाइक बना लें, तो इसको बोलते हैं चीलेट चीलेट मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं चीलेशन और ऐसे लीगेंस को बोलते हैं चीलेट लीगेंट्स चीलेट का मतलब होता है जब वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लें जैसे मान लो मेरे हाथ हैं ठीक है मैंने एक उठाया जैसे ये अगर मैं एक से उठा सकूँ सपोज करो ये तो मेरे एक फिंगर ने है ना ये आप ऐसे देखो अलग अलग तीन फिंगर्स यूज हुए तीनों ने इसको उठाया बट रिंग नहीं बनी अब मैंने क्या किया इन पांच को यूज़ किया इस पंजे को यूज़ किया और ऐसे उठाया ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसको बोलते हैं चीलेट जहां जहां चीलेशन होती है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसका रीज़न मान लो आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो जैसे ही तोड़ोगे ये यहां से निकल जाएगा आपने ये तोड़ना है जैसे ही तोड़ोगे ये यहां से निकल जाएगा आपने ये तोड़ना है आप इसको तोड़ोगे है ना ये निकलेगा यहां से यह फ्रीली घूम रहा आएगा सी एच टू एन एच टू अभी यहीं पे बट दूसरे वाला चिपका हुआ है ना तो जब आप इसको तोड़ने जाओगे तब तक ये वापस चिपक जाएगा इसको तोड़ने जाओगे तब तक ये वापस चिपक जाएगा मतलब चीले ड्रिंग्स को तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है चीले ड्रिंग्स इसीलिए ज्यादा स्टेबल होती है तो जिस भी कंपाउंड में चिलेशन होता है वो थोड़ा काफी स्टेबल हो जाते हैं समझ गए भाई जैसे ये वाला हाथ है मैंने इससे पकड़ रखा है इसको तोड़ने जाओ टूट गया इसको तोड़ने जाओ टूट गया बट ये दो से ऐसे पकड़ रखा है तो जैसे ही आपने ये वाला हाथ छुड़वाया ये मैं उधर गया बट इसने तो पकड़ रखा है ना तो अब इसको तोड़ोगे तो मैं आके अटैक कर दूंगी अब इस मैं इसको तोड़ने की कोशिश करो है ना तो आपने इसको तोड़ने की कोशिश करी बट इसने पकड़ रखा है जब इसको तोड़ोगे तो ये आके अटैक कर देगा तो मतलब ऐसे अटैक कर देते हैं एक दूसरे को चीरे टिंग समझ गए ठीक है अब मेरे ख्याल से ना डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए इन केस मतलब अगर क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा मजा आएगा ऐसे तो ए बी सी डी वाले हजारों एग्जाम्पल्स हैं है ना क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगी लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन चलो अच्छा आपको एक और चीज बता दू है ना देन वी कैन कंटिन्यू फर्दर एक और चीज बताती हूँ आपको मान लो ठीक है ना मान लो लेट्स डायरेक्टली शिफ्ट टू द क्वेश्चन तो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन करोगे लेट्स डू द क्वेश्चन अभी थियोरी तो ऐसे मैं कह रही हूं ना हजारों आप एग्जाम्पल uh, कर सकते हो एबीसीडी के टाइप के बाकी मजा तभी आएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे एक एक करके करते हैं ठीक है ना जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन है कर लो ओ एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूं लेट्स गो बैक है ना विल डू वन मोर थिंग एंड देन विल कम टू द क्वेश्चन मान लो आपके पास एम ए थ्री बी थ्री टाइप के कंपाउंड हैं एम ए थ्री बी थ्री ऑक्टा में तो ध्यान से देखना आप क्या कर सकते हो या तो आपने तीनों ए को ऐसे रख दिया मतलब ऐसे एक प्लेन के फेस पे रख दिया एक प्लेन के फॉर्म में आपने कनेक्ट कर दिया तीन बी को आपने ऐसे रख दिया ऐसे इसको बोलते हैं फेशियल जब आप फेस पे रखते हो ये एक फेस है ना जब तीनों को एक एक फेस के कॉर्नर पे रखा ठीक है तो इनको बोलते हैं फेशियल आइसोमर और मान लो अब आपने तीन ए को ऐसे रख दिया कि ये एक फेस का पार्ट नहीं है ऐसे ये फेस का पार्ट नहीं है या आप ये कह दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बन रही है इनको बोलते हैं मेरीडियोनल ये जो फेशियल, इसको बोलते हैं मेरीडियोनल जिसको मर बोलते हैं इसको बोलते हैं फेक तो ये फेकमर तब हम कंसीडर करते हैं हैं जब आपके पास M A3, के के होते कि तीन को आप फेस, फेसिस के पे रख सकते हो इसको बोलते हैं फेशियल और दूसरे वाले को बोलते हैं जब तीन फेस के कॉर्नर्स पर नहीं है इनको बोलते हैं मेरिडियोनल फेक है फेकमर, ना फेकमर आइसोमेरिज्म ये रह गया था तो आई थॉट आपको ये भी करा दिया जाए ये हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो ब्लैंक स्लाइड्स बीच में है इनको मैं डिलीट कर दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है सब लोग टाइम लो और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ ठीक है आज बस ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं फिर कलर जो है ना वो मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिखा दूंगी एम एल सी टी और एल एम सी टी ठीक है ये रख देते हैं अब बहुत लंबा हो गया सेशन मैं भी काफ़ी देर से मतलब बोल रही हूँ तो कलर वाला मुझ पे छोड़ दो मैं कहाँ कराऊंगी क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो ना कराया तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना बस मैं करा दूंगी चिंता मत करो ठीक है साई ने बोला था है ना आज काफी लंबा हो गया तो कलर वाला पार्ट रह गया उसमें पंद्रह बीस मिनट और लगेंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ठीक है डी आंसर आ गया सब बच्चों का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है कह रहा है द आइसोमर ऑफ सीओ कितने हैं देखना कोऑर्डिनेशन नंबर छट है सी एल ओ सी एल एंगल ऑफ 90 डिग्री कह रहे सी एल ओ और सी एल के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए उस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे चार अमोनिया चिपका दो कंफ्यूजन नहीं होना ये किसका टाइप है एम ए फोर बी टू अब एम ए फोर बी टू में आपको याद है एक हमने सिस किया था एक हमने ट्रांस किया था तो जब दोनों सी एल के बीच में एंगल 90 डिग्री तो ये सिस फॉर्म है इट विल ओनली बी सिस ट्रांस में दोनों के बीच में एंगल 90 हो नहीं सकता सिस और ट्रांस दोनों हो नहीं सकते मेरिडियोनल होने के लिए आपको मैंने बताया था ए थ्री बी थ्री चाहिए होता तो ए होगा नहीं डी इज द करेक्ट आंसर किस किस का सही आंसर है आ हाँ मेरे एटम्स आज तो मतलब मचा रखिए सारे क्वेश्चन देख रहे हो ये चैप्टर ही ऐसा है बस पढ़ा दिया आपको ना एक अच्छी पैडागोजी से आपने पढ़ा वो मेरी ट्रिक्स याद रखना कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ना हो पाए सारे क्वेश्चन होंगे फॉर श्योर sure मैं लिख कर दे सकती हूं सब कर पाओगे अच्छा एक और करो ठीक है एक और क्वेश्चन करो जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का है शुरू से देखते हैं कहां है वो क्वेश्चन एक मिनट आ वेट 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 ट्वेंटी ट्वेंटी का एक और क्वेश्चन करके दिखाओ है ना इसमें सी एफ एस सी भी आ गई और ये सारी चीजें आ गई शेप आ गई मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से ये सारे टॉपिक्स का मतलब मिक्सचर है जितना अभी तक पढ़ा ना उसका मिक्सचर है हाँ, वो भी करा देती हूँ ठीक है राम वो वाला भी करा देती हूँ ओके आज मैंने एक बार भी नहीं बोला वीडियो को लाइक करो और तुमने किया भी नहीं ना दो बजे स्टार्ट की थी मैंने वीडियो हैं तुम लाइक करो ऐसा हो नहीं सकता चलो क्वेश्चन ही कर दो भाई तुम खुश रहो है ना करें कह रहा है पेलेडियम एफ सी एल बी आर आई पे टू माइनस पहली बात तो मैंने यह देखा कि पेलेडियम पे कोऑर्डिनेशन नंबर चार बना हुआ है और पेलेडियम का चार्ज भी देखना जरा एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू एक्स की वैल्यू प्लस टू पेलेडियम प्लस टू के सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले डी एस पी टू थे इतना तो मुझे अच्छे से याद ही याद है इतना याद है ना इसके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे डीएसपी2 वाले थे कह रहा है इट शोज एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना एन एक बात बताना ए बी सी डी इसको मैं ए बी सी डी की फॉर्म में लिखना पसंद करूंगी ए बी सी डी कितने जीआई बन सकते हैं पहले खुद सोचो ये मैथ्स में पर뮤टेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ए बी को फिक्स करना ए बी को फिक्स करो एक बार सी डी को यहाँ रख दो ए बी को फिक्स करो डी को यहाँ रख दो सी को यहाँ रख दो ठीक है ना ये वैसे ही होता है ए को फिक्स करो बी सी डी फिर ए को फिक्स करो ये यह देखो यहाँ हो गया बी सी डी यहाँ मैंने कर दिया बी सी डी और अब अब क्या करो ए सी को फिक्स कर लो ठीक है ए सी को फिक्स कर लो यहाँ कर दो बी डी नहीं बी डी को फिक्स कर लो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके बनेंगे बताना मुझे तीन जी आई बनने चाहिए यहाँ पे तीन जी आई बनेंगे अपने नहीं ये रिपीट हो गया ना तीन डिफरेंट डिफरेंट आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने चाहिए अगर आपके पास ए बी सी डी है ठीक है चार को रखना है तो तीन बनते हैं तो एन की वैल्यू अपनी यहां पर हो गई उसके बाद कह देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ सी एन सिक्स एन माइनस थ्री मतलब थ्री माइनस थ्री थ्री तो यहां पे एफ ई पे आ गया प्लस थ्री सोचना एफ ई होता है डी सिक्स एस टू एफ प्लस थ्री हो जाएगा डी फाइव डी फाइव हो जाएगा है हाँ ना तो अब ध्यान से देखो डी फाइव एक दो तीन चार पांच पांच डी और यह याद रखना है कि स्ट्रॉन्ड है कौन सा है strong field तो 1, 2, 3, 4, 5. एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोवमेंट आएगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी एकदम बढ़िया आंसर आ जाएगा अपने क्वेश्चन के लिए ठीक है सी आंसर आ जाएगा ठीक है ना समझ गए आगे कर लो एक और क्वेश्चन कर लो अभी करना है तो एक अभी एक बच्चा बोल रहा था पानी वाला क्वेश्चन था वो करा दो पानी वाला क्वेश्चन करा देते हैं भाई एक मिनट वन सेकेंड वन सेकेंड कहाँ गया वो पानी वाला क्वेश्चन वो बच्चा कह रहा था मैम पानी वाला क्वेश्चन कराओ वेट 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 यार वो कहाँ गया पानी वाला क्वेश्चन मिनट ये करना जरा जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का पानी वाला मिलेगा तो मैं करा दूंगी जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन करना फटाफट से द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फटाफट से बताना दैट कैन शो फेक एंड मर आइसोमेरिज्म ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो फेक मर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है फटाफट ए बी सी डी जल्दी से आंसर बताओ फेक मर आइसोमेरिज्म आ गया वेरी गुड डी इज द करेक्ट आंसर एम ए थ्री बी थ्री एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, वो पानी वाला क्वेश्चन कब से बोल रहा है वो पानी वाला क्वेश्चन है ना ये जेई मेन 2020 में एक पानी वाला क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन कर लो मे बी दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सेशन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है जल्दी से करो क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स हैज कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग 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 उसने कह रखा कॉम्प्लेक्स की कॉम्पोजिशन हमें दे है डरना नहीं है इफ द कॉम्प्लेक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्ट्रेटेड एच टू एस फोर इस कॉम्प्लेक्स को कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के साथ ट्रीट किया थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट उसका ओरिजिनल मास लूज हो जाता है इट लूज थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मास अब इतनी बात आपको समझ आ रही है थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट मास तभी रिड्यूज होगा जब पानी बाहर होगा तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है, हाँ है। अच्छा बोला था ये जो uh, हाइड्रेशन तो तो आइसोम ये भी शो नहीं करेगा आयनिक स्पीशीज होनी चाहिए वो कह रहे हैं द करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मुला ऑफ द कंपाउंड जल्दी से सोच के बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है पानी वाला क्वेश्चन लास्ट फॉर टुडे सेशन हाँ बस आज आज वाइंड अप कर लेते हैं ठीक है ना मैं भी बहुत देर से खड़ी हूँ मैं थक गई हूँ लिटरली अब बस हो गई आज थोड़ा सा और पढ़ाने का मन है बाकी आज इतना ही रखते हैं है ना तो कल करेंगे ठीक है आ आंसर डी कई बच्चे डी कह रहे हैं देखो मैंने मेरे पास इसका आंसर है नहीं आप चेक कर लेना प्रॉबेबली यस डी विल बी द करेक्ट आंसर मैं आपको मेथड बता देती हूँ आप इस पूरे का मास निकाल सकते हो क्रोमियम का दे रखा है क्लोरीन का दे रखा है इस पूरे का मास निकाल लो उस पूरे के मास को 13.5 परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अगर वो 18 के इक्वल आया तो एक पानी लूज हुआ 36 के इक्वल आया तो दो पानी लूज हुआ तो इतना काम कर लेना कि पूरे का मास निकाल के साढ़े तेरह परसेंट से मल्टीप्लाई कर लेना मेरे ख्याल से 36 आएगा सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है सो so गाइस मैंने आपको आज खूब सारी थियोरी पढ़ाई खूब सारे क्वेश्चंस करा दिए है ना अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं है ना देखो ऑल मैं कराने को ये सारे क्वेश्चंस और करा सकती हूँ बट आप खुद समझो एक एक क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर करेंगे कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत लेंदी चैप्टर है आई होप आप इस बात को uh, समझते हो है ना आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस थिंग मैं डेफिनेटली कराना चाहती हूँ बट बच्चे अब लिटरली थक चुके हैं है ना बहुत बच्चे हैं मतलब डेढ़ सौ बच्चे ने शुरू किया था और हाफ है अब तो काफ़ी बच्चे चले गए थक गए लंबा हो गया सेशन तो आप एक बार ये जितने क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे आपके साथ सारे डिस्कस किए अभी फिर भी कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए हैं तो आप डेफिनेटली अपनी तरफ से कोशिश करना आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो चाहे वो जेई मेन के हो चाहे जेई एडवांस के मैंने देखो पूरी कोशिश करी मेन हो एडवांस हो जो जो हमारे रास्ते में आ रहे थे क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट करे हैं तो अगर आप एक बार खुद से ट्राई करो अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो घबराना नहीं है आई विल बी टेकिंग योर स्पेशल क्लासेज वहां पर मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी नहीं तो जो अगला जो हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस वो हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में ठीक है इसके आंसर्स कहाँ सबमिट करने हैं होमवर्क के आंसर्स सारे क्वेश्चन कर लेना ठीक है मैं स्पेशल क्लास लूंगी अब सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस मंथ में स्पेशल क्लासेस में एक बार इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए फिर हम स्पेशल क्लासेज में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले ठीक है ओके मैम प्लीज़ गिव मोर क्वेश्चंस हाँ हाँ ये आप क्वेश्चंस करो आज की स्लाइड में ही ये क्वेश्चंस होंगे ठीक है और जितने भी आज आज तो हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे है ना तो आज के जो नोट्स हैं वो मैं अन अकेडमी एटम्स का जो अपना टेलीग्राम चैनल है मैं वहां पर नोट्स आपके अपलोड करवा दूंगी ठीक है टाइम स्टैम्प्स भी वीडियो में ऐड हो जाएंगी सो so दैट आपको जो टॉपिक में कंफ्यूजन हो आप उसको दोबारा देख सको ठीक है इस लेक्चर का लिंक इस लेक्चर के नोट और बाकी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो लाइव डेली डॉट मी स्लैश एटम्स ये अपनी शीट है इसको बुकमात कर लेना मतलब मैं बोलूँगी जब से मैंने अनएकेडमी एटम्स चैनल स्टार्ट किया था आई वॉज अ फर्स्ट सब्सक्राइबर तब से लेके आज तक आज तक की दिन रात की मेहनत है मैं लिटरली बोलूँगी मेहनत है बिकॉज इट सीरियसली टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट मैंने दो बजे क्लास लेनी शुरू करी थी आठ बज गई है है ना तो नहीं आठ नहीं नौ बज गया अरे भाई साहब मेरे को लगा आठ बज गया नौ बज गया ठीक है सो आई uh, थिंक आपको इस चैनल को डेफिनेटली मतलब सब्सक्राइब कर लो बिकॉज बहुत मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बस इरादा ये है कि हर बच्चा है नई फोड़ सके हर बच्चे को इस बार मतलब हमारी टीचर्स की तरफ से कमी नहीं रहेगी इस पूरी अगर किसी ने बाउंस बैक सीरीज को फॉलो किया है मतलब टीचर्स की तरफ से कमी नहीं रहेगी बाकी आप बच्चों पर डिपेंड करते हैं आप कितनी मेहनत करते हो आपका सिलेक्शन जेई में होगा ही होगा ठीक है और अगर आप बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे निशान सर के मेरे है ना सारे के सारे सेशन्स मनीष सर के अभिलाष सर के एम सीरीज़ के जितने भी सेशन्स हैं वो भी इस शीट में आपको मिल जाएंगे तो आप वो भी डेफिनेटली कर सकते हो ठीक है इसके अलावा गाइस लेट मी टेल यू जल्दी से टाइम स्टैम्प्स डलवा दो देखो रात के नौ बज गए बाकी जो बैक एंड वाली टीम है वो अब काम नहीं करते हैं तो मैं खुद से करूंगी तो इट विल टेक सम टाइम है ना बाकी एल मेक श्योर जल्दी से जल्दी आपके टाइम स्टैम्प्स भी ऐड हो जाए ठीक है एक और चीज़ गाइस हमारा प्लस पे है ना रैपिड रिविजन बैच हमने स्टार्ट किया था एंड इट इज़ गोइंग सीरियसली ग्रेट बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको टॉपिक पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था दे व लाइक कि मैम हमें सब आता है बट हम जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो एकदम ब्लैंक लगता है तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ है यू शुड डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस रैपिड रिविजन बैच इसमें नॉट ओनली मी मतलब हम तीन टीचर्स आपके केमिस्ट्री ले रहे हैं ठीक है निशान सर आपकी मैथ्स ले रहे हैं प्रवीण सर आपकी फिजिक्स ले रहे हैं मतलब इट इज़ गोइंग सीरियसली ग्रेट बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है विद दिस पर्टिकुलर बैच एंड बहुत सारे दूसरे बैचेस भी यहाँ चल रहे हैं आपको जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल लगता है आपको लगता है कि हाँ ये टीचर मुझे मार्क्स दिलवा सकता है आप उन सारे टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग ठीक है सो जो भी बच्चे लेट्स से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो आई टेक यू सर्टन पॉइंट्स है ना आपको सबसे पहले इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग ठीक है इसके बाद आपकी इंटरक्टिव क्लासेज होती हैं आप टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो लाइव क्लासेज होती हैं रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है तो जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है तो उससे क्या होता है आपका कोई सेशन मिस हो जाए तो आप डेफिनेटली उसको मतलब वापस रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हो ये सारे प्लस के फीचर्स हैं अब बहुत बार ऐसा होता है बच्चे को मेंटरशिप की जरूरत होती है ठीक है ना तो अगर मेंटरशिप की किसी बच्चे को ज़रूरत है अगर आपको पर्सनल कोच स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें चाहिए यू कैन गो फॉर आइकॉनिक अब आइकॉनिक में केवल ये नहीं कि आपको दो चीज़ें मिलेंगी ऑल दीज थिंग्स प्लस एडिशनल आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है फॉर आइकॉनिक आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो कितनी ड्यूरेशन का आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है बाकी अब मैं ये बोलूँगी अगर मैं जिस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट हुआ है केमिस्ट्री में है ना आपको कॉन्फिडेंस आया है तो जिस दिन भी आप सब्सक्रिप्शन खरीदो आप डेफिनेटली इस कोर्ड को यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लस आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है वो भी मिल जाएगा ठीक है बहुत सारे बैचेस दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं कुछ इस वीक में नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक स्टार्ट होते रहते हैं बैचेस ठीक है सो so, अपना मैंने आपको बताया जो अपना रैपिड रिविजन बैच है वो भी चल रहा है सो so, आप सारे बैचेज में एनरोल कर सकते हो बाकी जो नीड होती है उसमें एनरोल करो तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है ठीक है वन मोर थिंग देर इज अ न्यू थिंग विच हैजिन एडेड आज का डाउट फीचर तो आप अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर आपको कैसे फोटो लेनी है सेंड करना है यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट आपके जितने भी क्वेरीज हैं फ्लेक्जीडेंटेड लीगेंट क्या होता है एक बच्चा पूछ रहा है तो यहाँ पर भेजो आई होप यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली ठीक है बाकी अपनी जो एटम्स की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसको तो हर बच्चे को करना ही करना है है ना नया सिलेबस नया डेट हर चीज़ अपकमिंग जो टेस्ट होगा वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगी फ्री मॉक टेस्ट है जो बच्चे बाउंस बैक को फॉलो कर रहे हैं बाउंस बैक के साथ साथ इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो गाइस मतलब मज़ा आ जाएगा लाइक लिटरली मज़ा आ जाएगा ठीक है तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो साक्षी इट्स अ फ्री टेस्ट इसको एनरोल करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो नॉट टू फगेट गाइज जैसे ही नवम्बर ख़त्म हुआ था डिसम्बर स्टार्ट हुआ था एक नई टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है अन अकेडमी सुपर ट्वेंटी जो भी टॉप फाइव हंड्रेड रैंकर्स होंगे यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ टू डे इन परसन बूट कैम्प खर्चे वर्चे की टेंशन नहीं लेनी है कि हम कैसे जाएंगे है ना वो सारी चीज़ें आप अन अकेडमी पर छोड़ दो विल बेयर एवरी थिंग डोंट वरी बस आपका एम ये होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो बिकॉज ये मौका गंवाने लायक नहीं है टॉप एजुकेटर्स टॉप रैंकर्स अमैया सिंगल आपको पता है सो so इन सारे टॉप एजुकेटर्स टॉप टॉप रैंकर्स जो है इनके साथ आपकी काउंसलिंग होगी एंड यू कैन गेट यू नो लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप ऑल्सो इट्स अ ग्रेट थिंग आई मीन स्टूडेंट लाइफ में अटेंडिंग दिस बूट कैंप इज गोइंग टू बी सुपर गुड सो मेक श्योर आप यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हो अब यार मैम का आप नाम याद रख लो है ना ये हर जगह यूज़ हो जाएगा फॉर योर टेस्ट ऑल्सो स्पेशल क्लास ऑल्सो अन अकेडमी का जो कॉम्बैट है संडे को इवन फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज दिस कोड ठीक है ग्यारह बजे संडे को होता है टेस्ट सो मेक श्योर हर बच्चा इस चीज़ को कर ले एंड नाउ आई थिंक आई इज विद इन फोर फाइव मिनट्स निशान सर इज़ हियर एंड बी स्टार्टिंग योर लेक्चर सो आई एम नॉट श्योर नाइन फिफ्टीन पे सर की क्लास केड्यूल है सो द क्लास इज कड्यूल एट नाइन फिफ्टीन है ना तो पाँच छः मिनट का आप भी ब्रेक ले लो फिर सर यहाँ पर आपकी स्टार्ट करेंगे सो मेक श्योर मैथ्स में मचाना है तो अब आप नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करना ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच गाइस टेक केयर बाय बाय